This is going to be a cracker of a game. और शुरुआत बस होने ही वाली है. मेरे साथ है चारू शर्मा जो कि पूरी तरह से उत्सुक है कब पहली गेंद फेंकी जाए और वो कुछ बोले. वेलकम चारू. धन्यवाद अजय. क्या एटमोस्फेयर है भाई, मजा आ गया. और यही सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की खासियत है, बेहतरीन मिक्सचर है क्रिकेट का, स्टार्स का. पहली गेंद बोल होने वाली है. विक्रांत इज ऑन स्ट्राइक, विशाल द कैप्टन इज द नॉन स्ट्राइकर. और बाकी जो थ्री बीज है, थ्री बीज वो विक्ट्री जो चना है राइनोज के, विष्णु उसके बाद शिवा शांतनु. शांतनु इज प्लेइंग दिस मैच इन द लास्ट वन. रमना पृथ्वी शाम सभी बैटिंग कर सकते हैं और दो चार बहुत अच्छे बॉलर्स हैं चेन्नई राइनोज के, इंक्लूडिंग द कैप्टन विशाल जो बॉलिंग का भी ओपन करते हैं कभी कभी और बैटिंग भी. और कर्नाटक का बुलडोजर्स हम जानते ही हैं कि बहुत ही बढ़िया टीम है. अगर दर्शन खेलेंगे उनसे ज्यादा रनों की शायद उम्मीद नहीं, लेकिन बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं सुदीप के साथ. और बाकी जो तरुण ध्रुव, प्रदीप, राहुल, कार्तिक, महेश, राजीव, बेहतरीन बल्लेबाज. अगर आप चल गए तो अजय, दे विल शो यू कि भाई सिने स्टार्स हो या ना हो, लेकिन क्रिकेटर्स बड़े पके हुए हैं. बिल्कुल सही कहा चारू. और दोनों टीमें अगर आप कागज पे देखें, पेपर पे देखें, बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है. और आप आवाज सुन सकते हैं कितना शोर, क्या बढ़िया वातावरण, जिसको इलेक्ट्रिक कह सकते हैं अंग्रेजी में. और पूरी तरह से लोग उत्सुक है कब पहली गेंद फेंकी जाए. बस कुछ ही क्षण बाकी और यहाँ पे दिलचस्प रहेगा किससे गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं. राहुल ऐसा लग रहा है गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे कर्नाटक का बुलडोजर्स के लिए. चेन्नई रायनर्स ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया. और जैसे चारू कह रहे थे, जो तीन वी है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण, विक्रांत, विशाल और विष्णु आज क्या करते हैं, क्या धमाल करते हैं, वक्त ही बताएगा. जी दोनों टीम बड़ी पुराने राइवल्स हैं. हम जानते हैं कि विक्रांत ने पहले मैच में 23 रन बनाए, काफी तेजी से बनाते हैं, स्ट्राइक रेट 200 से ज्यादा. और उसके अलावा भी काफी अच्छे बल्लेबाज हैं. लेकिन अगर दोनों टीम में आप मैन टू मैन देखें, पाउंड फॉर पाउंड, तो कर्नाटका बुलडोजर्स वाकई शायद ज्यादा शक्तिशाली टीम है. दो चार जो मैच उन्होंने चेन्नई रनों से हारे, खासतौर से फाइनल में पहले दो सीजन, वो जरूर उनको आखिरे थे. लेकिन पिछले साल फाइनली कर्नाटका बुलडोजर्स ने सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का खिताब जीता. और हमेशा कांटेदार मैचेस, नेबर्स तो है ही तमिलनाडु कर्नाटका. It's a wonderful, beautiful rivalry. Rahul, as you said, will begin from Parley 2020. And first ball. Spin to shuruaat karte hue, shot of in gain, that dhakela usko. Aur utni achhi fielding. Kamal ki cricket pehli gain mein sab kuch hota hua. Lagbhag yahan pe wicket aati hui. Mili nahi, par lagbhag aati hui. Kya kamal ki fielding kari hai. Aur ye jo star hai, Charu, ye alag dikhega. Pehle mukaable mein run bahut bane. फील्डिंग का स्टैंड उतना अच्छा नहीं था, पर ये देखिए क्या गजब की फील्डिंग. करारा शॉट था बैकफुट पर, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग. थोड़ा सा गिर पड़े उसकी वजह से, बैट्समैन में भी कंफ्यूजन हुआ, लेकिन थ्रो ठीक नहीं था, पावरफुल नहीं था. लेकिन सुदीप थोड़ा सा निराश जरूर हुए, बट द फील्डिंग वॉज मैग्निफिसेंट. ठीक है, कोई बात नहीं, थ्रो ताकतवर नहीं था. इस बार रूम दिया और गैप में खेला, यहां पे पहली बाउंड्री मिलती हुई. और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं धमाकेदार शुरुआत राइनोज द्वारा. बहुत बढ़िया गेंद नहीं, जगह दी थी और पूरी तरह से वार करते हुए विक्रांत, खाता भी और टीम का भी. फैंटास्टिक स्क्वायर कट. हालांकि ये कहना पड़ेगा कि बॉल बहुत ही खराब थी राहुल की. दूसरी शॉट वाइड, जस्ट सिटिंग अप वेटिंग फॉर द बॉल टू बी स्पैंक टू द बाउंड्री. और विक्रांत ने बड़ी आसानी से स्क्वायर कट के साथ चार रन लिए अपनी टीम के लिए. थोड़ा सा देखना होगा, ये बेहतर गेंद पर वाइड का इशारा, बहुत ही करीबी मामला था ऐसा प्रतीत हुआ, क्योंकि इधर टर्न नहीं मिल रही, गेंद नहीं है, ठोस है, थोड़ी घास है इस सतह पे, तो गेंद आप देखेंगे थोड़ी स्किट करेगी. यही कारण है थोड़े विकेट की करीब गेंदबाजी करना होगा अगर ऑस्टम लाइन पे करना है. राहुल को सोच विचार करना होगा. सुदीप ने जहां कलेक्ट की गेंद वहीं खड़े रहे और ये दिखाते रहे अंपायर को कि भाई मैंने लाइन के अंदर कलेक्ट की है, तो ये वाइड कैसे हुई. लेकिन ठीक है, कुछ खास आर्गुमेंट नहीं. और विक्रांत रिटर्न्स आफ्टर गेटिंग हिज पैड्स टाइटेंड. मुझे लगता है कि वो हमने रिप्ले नहीं देखा, लेकिन बड़ा नजदीकी मामला हो सकता था. बहरहाल वाइड, राहुल को थोड़ा सा अंदर लाना पड़ेगा. गेंद अभी भी बहुत ज्यादा रूम दे रहे हैं ऑफ स्टंप के बाहर. इस बार फिर से रूम देते हुए और एक और बढ़िया शॉट. गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया, गैप में खेला, कोई मौका नहीं. और राइनोज यहां पे शुरू में फायर करते हुए. अनदर वंडरफुल कट. बॉल फिर भी छोटी थी, बाहर थोड़ा सा लेट खेला,
और बैकवर्ड पॉइंट को बीट किया बड़ी आसानी से विक्रांत ने. दीज आर ऑल जेन्युइन क्रिकेटिंग शॉट्स, बल्ले के बिल्कुल बीच में से, और बड़ी आसानी से सबको दिख सकता है जो आप देख रहे हैं टेलीविजन पर कि इस मैच का कैलिबर बड़ा हाई है. जेन्युइन शॉट्स एंड जेन्युइन राइवलरी. इस बार फिर से कट करते हुए सीधा फील्डर के हाथ में. कर्नाटक का बुलडोजर्स आपकी टीम के मेंटोर है गुंडप्पा विश्वनाथ, जो कि अब कट शॉट बहुत बढ़िया खेलते थे अपने समय में, दिग्गज बल्लेबाज. और फिलहाल जो चेन्नई राइनोस के बल्लेबाज कट शॉट खेल रहे हैं उससे जरूर वो भी प्रभावित होंगे. और देखिए कितने समर्थक दोनों टीमों के, क्या वातावरण, पूरी तरह से रंगों से पूर्ण ये मैदान चिन्ना स्वामी स्टेडियम का. भाग्यशाली रहे विशाल, बल्ले का भारी किनारा लेकिन थर्ड मैन को बाउंस पर गई, जहां ध्रुव शर्मा शायद फील्डिंग कर रहे हैं या नहीं अभी तक देख नहीं पा रहा मैं. देखना कर्नाटका जो बुलडोजर्स की फील्डिंग है, सुमन रंगनाथ एंड ऑफ कोर्स टू हिज लेफ्ट जी आर विश्वनाथ हीरो. क्या बात है, बल्लेबाजी देखनी होती तो जी आर वी की. और खासकर कट शॉट पर इस बार फुल शॉट, यहां पे रन और मिलेंगे चार रन. बहुत ही बेहतरीन ओवर समय होगा चेन्नई राइनोस के लिए 15 रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की समाप्ति के बाद. Welcome back to a coverage of Goa Nicofix CCL 4 powered by Parley 2020 Cookies and Panasonic, our exclusive radio partner, India's number one radio station, 92.7 Big FM. Suno sunao, life banao. Ye dono teams, Chennai ke liye behtareen shuruaat, aur Parley GN se bowling ki shuruaat karenge Dhruv Sharma. He's a very special cricketer. Ajay, हम पहले भी इनको सीसीएल में देख चुके हैं. कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए काफी बार काफी मैचेस में इन्होंने स्टारिंग रोल निभाया है, एक्टिंग भी करते हैं लेकिन अदरवाइज हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड. बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर हैं और क्या इनका मिजाज है, स्वीट यंग मैन. इनके साथ मिलकर बड़ी खुशी होती है. और अगर क्रिकेट की बात करें, चारों कितने कमिटेड और क्या बढ़िया शुरुआत, बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ, लाइन देखे ऑस्टम के बाहर, चकमा दिया यहां पे बल्लेबाज को, सीम पोजीशन बहुत बढ़िया थी. कोई भी अब तेज गेंदबाज से प्रभावित होगा और देखिए खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं, जानते हैं ये ही करना होगा ध्रुव को. जैसे आप कह रहे थे कई मुकाबले जिताए हैं कर्नाटका बुलडोजर्स को पहले तीन संस्करण में. वेरी गुड लेंथ विशाल, स्कॉट इन नो मैन्स लैंड. इस बार रूम दिया ऑस्टम के बाहर, थोड़ी सी बाहर भी निकाली. अच्छी पेस है ध्रुव के पास लेकिन पहली गेंद बेहतरीन थी. विशाल को समझ में नहीं आया आगे जाऊं पीछे जाऊं, वहीं अटके रह गए और बहुत भाग्यशाली रहे कि बल्ले का भारी किनारा नहीं लिया उस गेंद ने. यार मुझे अच्छा लगा चारू ये भी कि जो उनकी जो कलाई की पोजीशन है बहुत बढ़िया रहती है, रिलीज अच्छा है. और देखिए तमाम दर्शक जो आए हैं, कोई भी जगह यहाँ पर खाली नजर नहीं आ रही, स्टैंड में खचाखच भरा हुआ ये स्टैंड. विकेट के काफी करीब से गेंदबाजी करते हुए ध्रुव एक बार फिर डॉट डिलीवरी, थोड़ी सी अब मुश्किल में नजर आते हुए यहां पे विशाल. अभी तक मात्र एक ही रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं जी. गति की वजह से चकमा खा गए विशाल लेकिन बॉल ऑस्टम के बहुत बाहर थी, अगर थोड़ा सा छू देते तो थर्ड मैन के रीजन में रन ही रन, और अगर स्क्वायर कट करने की क्षमता है तो चौका भी लग सकता था. ध्रुव को थोड़ा सा और पास लाना पड़ेगा ऑस्टम के पास अपनी गेंद. ये खराब गेंद, ये वाइड होगी निश्चित तौर पे, वाइड का सही इशारा एम्पायर का. बिल्कुल उल्टा ही किया ध्रुव ने. इसको कहते हैं कमेंटेटर्स कर्स, आप कुछ कह रहे हैं वो करेंगे कुछ. भाई मैं उनसे आग्रह कर रहा था थोड़ा सा अंदर लाओ बाहर नहीं, लेकिन विशाल के लिए थोड़ी सी मुसीबत जरूर पैदा की ध्रुव ने. और अगर इस माहौल में वो एक गेंद अंदर लाते हैं या बल्ले के पास लाते हैं तो मुसीबत हो सकती है.
पर मुझे दोनों बल्लेबाजों में चारों एक फर्क नजर आ रहा है। विक्रांत अगर आप देखें पहले ओवर में स्क्वायर ऑफ द विकेट जो कट शॉट है उसका अच्छा प्रयोग करते हैं, विशाल शायद फ्रंट फुट पे अच्छा खेलते हैं। अभी तक कुछ गेंदें थी जिसको कट कर सकते थे पर ज्यादा संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में हुआ नहीं, तो ये एक फर्क नजर आ रहा है दोनों ही बल्लेबाजों में। हाँ जी, गति का भी फर्क है गेंदबाजी में। और देखिए बेहतरीन शॉट और शायद यहां भी चार रन बैकवर्ड पॉइंट की बाईं तरफ से दर्शन का, शायद वो बॉल रोकना बड़ा मुश्किल था, कोशिश भी नहीं की, बड़ी तेजी से गई बाउंड्री लाइन की तरफ। एक बार फिर देखिए कितना रूम दिया था, थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, गेंद हवा में थी पर पॉइंट फील्डर से काफी दूर गैप में जाती हुई और उसका लाभ मिला चेन्नई राइनोज का। डगआउट काफी खुश, बहुत ही ठोस शुरुआत अभी तक। दूसरा ओवर प्रगति पर 20 रन आ चुके हैं, कोई भी विकेट नहीं गवाई। बातचीत करते हुए वहां पे अब गेंदबाज के साथ ध्रुव के साथ कि क्या करना चाहिए। आखिरी गेंद ऑफ स्टंप के पास, ध्रुव नाउ बिल्कुल बाहर। लगता है कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम थोड़े दबाव में है, हालांकि चेन्नई राइनोज से पिछले जो कुछ मैच खेले हैं जीते हैं कर्नाटका बुलडोजर्स ने, लेकिन एक नर्वस सी शुरुआत। और राहुल की तो जो शुरुआत थी, जो पहला ओवर था, बहुत ही निराशाजनक। थोड़ी सी फील्डिंग तब्दीली करते हुए यहाँ पे सुदीप, एक खिलाड़ी पॉइंट पे आता हुआ अब खुद भी ऐसा लग रहा है कि विकेट के काफी करीब आ गए हैं, स्टंप्स के करीब आते हुए, पर अब पीछे जा रहे हैं। ऑन साइड पे प्रोटेक्शन है ध्रुव के लिए, अगर छोटी करनी ऑफ स्टंप के बाहर तो दैट्स अ बेटर फील्ड। छेड़खानी करना चाहा विशाल ने, भाग्यशाली रहे। दूसरा ओवर समाप्त हुआ, चेन्नई राइनोज बिना कोई विकेट खोए 21 रन। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे भी, अब ट्विटर हैश CCL संस्करण 4, और पूरा यहाँ पे अब जो कुछ हो रहा है, जो घट रहा है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल अब दूसरी तरफ से अब तरुण चंद्रा आते हुए, अब दो ओवर अभी तक काफी बढ़िया रहे हैं चेन्नई राइनोज के लिए, उनके पक्ष में रहे हैं, अच्छी चीज, एक ठोस शुरुआत उनके लिए। टॉस उन्होंने जीता था, उनके कप्तान ने, और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। जी, बॉलिंग में तब्दीली तो होनी थी, राहुल ने पहले ओवर में 15 रन दिए इसलिए तरुण अब बॉलिंग करेंगे। 20-20 कुकीज एंड से ऑफ स्टंप के आसपास, तरुण ऑफ स्टंप के आसपास, मच बेटर। कवर स्वीपर की वजह से सिर्फ एक रन। चारों एक चीज आप जो आज देखने को मिली है, इतनी बढ़िया विकेट, इतनी विकेट जिसमें पूरे रन भरे हुए हैं। पहला मुकाबला अगर आप देखें आप भोजपुरी दबंग्स और बंगाल टाइगर्स के बीच में लगभग 400 रन बने 40 ओवर में, और अभी तक ये विकेट देखे काफी ठोस नजर आ रही है। इस विकेट की हम बात कर रहे हैं, अच्छी घास कवरिंग है, ठोस है, उछाल बहुत बढ़िया है और रनों से भरपूर नजर आ रही है ये विकेट। जी हाँ, लुक्स लाइक द बॉल इज कैरिंग ऑन टू द बैट प्रीटी क्विकली, तो जो स्ट्रोक्स खेलना चाहे काफी बेनिफिट मिलेगा। ड्रिफ्टिंग डाउन लेग, विशाल वेरी लकी। Wasn't a bad pick up and throw, लेकिन तरुण कलेक्ट नहीं कर पाए और फिर भी शायद लगता था कि विशाल स्लिप करने के बावजूद पहुंच ही जाते। जी हाँ, शायद जो घास है जिसका हम जिक्र कर रहे थे उसके कारण थोड़ा सा स्लिप हुए। मुंडप्पा विश्वनाथ, ग्रेट मैन ऑफ इंडियन क्रिकेट जिसको हम कह सकते हैं, लेजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट। सुमन रंगनाथन भी अब उनके साथ बैठी हुई, पूरा जो डगआउट है काफी चिंतित अभी तक, क्योंकि अभी तक अच्छी शुरुआत चेन्नई राइनोज की, पर बहुत ही जल्दी पासा पलट सकता है इस मुकाबले में। ये बढ़िया गेंद, ये लाइन और लेंथ रखनी होगी, ज्यादा कुछ करने का प्रयास नहीं। जी हाँ, पहले ओवर में राहुल की गेंदें शॉर्ट एंड वाइड गिव प्लेंटी ऑफ रूम आउटसाइड ऑफ, विक्रांत के लिए बड़ा आसान था स्क्वायर कट करना। और दिस इज अ मच बेटर थर्ड ओवर, दर्शन की बड़ी फोटोग्राफ, ह्यूज स्टार मैदान में है दर्शन फिलहाल फील्डिंग करते हुए। इस बार ड्राइव किया, एलिवेशन जो प्राप्त करने जाते हैं वो मिली,
इनफील्ड को क्लियर करते हुए बहुत ही बढ़िया शॉट, बढ़िया प्लेसमेंट और चार रन और मिलते हुए विक्रांत को। विक्रांत ऐसा लग रहा है मिशन पे आए हैं और वो अभी तक मिशन पूरा करते हुए। Well, Rahul was a little too short and Tarun sadly a little too full with the half volley easily put away. It did go aerial but well over extra cover. विक्रांत बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं, जानते हैं कि जो कवर स्वीपर था काफी वाइड था, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बड़ी आसानी से खेला, बॉल वाज देयर टू हिट अजय। बिल्कुल सही, और हर गेंद के बाद थोड़ी शैडो प्रैक्टिस भी करते हैं जो दर्शाता है कि टेक्निकली कितने बढ़िया है। इस बार अच्छी लाइन चकमा दिया, काफी करीब थी बल्लेबाज के, कट करने का प्रयास किया था, चूके इस दफा विक्रांत ही लाइन रखनी होगी। दैट्स अ परफेक्ट रिप्लाई, वेरी गुड लेंथ और बस ऑफ स्टंप के करीब 8-10 इंच बाहर। जो प्रयास था विक्रांत का बहुत बुरा नहीं, लेकिन भाग्यशाली रहे कि बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया। समटाइम्स इट्स नाइस टू जस्ट रन इट डाउन थर्ड मैन, क्योंकि वहां जो फील्डर हैं शॉर्ट थर्ड काफी वाइड हैं। कर्नाटका बुलडोजर्स डग आउट, थोड़ा सा नर्वस जरूर उनको होना चाहिए फिलहाल। तीन ओवर के समाप्ति के बाद 27 रन बिना किसी नुकसान के। पार्ले जी एंड से ध्रुव शर्मा बोलिंग का क्रम जारी रखेंगे। यू कैन टॉक टू योर फेवरेट सेलिब्रिटी लाइव, 50505 डायल करें एमटीएस यूजर्स। विशाल कप्तान, ओह टेकन बाय सुदीप, व्हाट अ कैच, फैंटास्टिक। यही मैं कह रहा था कि ध्रुव शर्मा को थोड़ा सा ऑफ स्टंप के पास करना चाहिए था। विशाल ने खेलने की कोशिश की, बारी किनारा और सुदीप ने क्या बेहतरीन कैच लिया है। वाह, लुक एट द क्राउड एंड द सपोर्ट, डिसअपॉइंटमेंट फॉर चेन्नई। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा चारू जैसे आप कह रहे थे कैच की तारीफ करनी होगी, क्या बढ़िया कैच, कभी भी आसान रहता नहीं, भारी किनारा और अब क्या कैच पकड़ा यहाँ पे कप्तान ने, सफलता मिलती हुई ध्रुव को। विशाल वापस जाते हुए निराश हताश, 5 रन पे आउट हुए, 27 पे एक। नए बल्लेबाज विष्णु आए हैं और ध्रुव ने एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता अर्जित किया अभी अभी, और अब दबाव वापस आता हुआ राइनोस के ऊपर। पासा जरूर पलटा है, वो विकेट एक महत्वपूर्ण विकेट थी विशाल की, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। और विष्णु की बात करें, अभी तक इस संस्करण में 2 मुकाबले 19 रन बनाए हैं, औसत 19 की, स्ट्राइक रेट अच्छा है पर ज्यादा बड़े रन अभी तक इस संस्करण में बनाए नहीं अभी तक। पिछले मैच में मुंबई हीरोज के विरुद्ध 19 रन बनाए थे, बल्लेबाज अच्छे हैं और विक्रांत और विष्णु दोनों ही बड़े सधे हुए अनुभवी बल्लेबाज। एक स्लिप सुदीप लाए हैं, ध्रुव शर्मा बाहर निकालते हैं गेंद को, शायद ग्लव के लग के गई थी गेंद, लेकिन बाउंड्री लाइन के पार 4 रन के लिए और विकेट ले सकते थे ध्रुव शर्मा और कर्नाटका बुलडोजर्स। और ऐसा लगा चारू पूरी तरह से जो गति है गेंदबाज की उससे बीट हुए, क्योंकि शॉट में देखें थोड़े लेट हो गए थे, भाग्यशाली रहे अब विकेट कीपर के ग्लव से ज्यादा गेंद दूर नहीं, फिर भी 4 रन मिलते हुए। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना,
पर बल्लेबाज को मिलते हुए चार रन। फिर देखिए ध्रुव शर्मा की पहली गेंद दूसरे ओवर की, बहुत बढ़िया, खेलना था ही विशाल को, लेकिन कैच की क्वालिटी देखिए क्या बात है। सुदीप ने दाहिना हाथ निकाला और बैट बॉल, ध्रुव बैट बॉल, डाउन लेग, दो लगातार चौके। यह पहला चौका आप कह सकते हैं भाग्यशाली, पर यह खराब गेंद, और आप सही नसीहत देते हुए बल्लेबाज विष्णु जो कि अभी अभी आए हैं, तीन गेंदों का सामना किया है, बहुत ही जल्दी दो चौके जड़ चुके हैं, और ये बढ़िया शॉट प्लेसमेंट की दाद देनी होगी। फाइनली का फील्डर सर्कल के अंदर था तो गैप में खेलना था, मात्र गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया। स्लिप भी है ध्रुव, आउटसाइड ऑफ स्टंप प्लीज, ओह अगेन शॉट एंड पुल्ड अवे फॉर मे बी अ सिक्स, यस इट इज फर्स्ट सिक्स ऑफ द मैच, बेहतरीन शॉट, और वो भी विष्णु से जो अभी अभी आए हैं। सिर्फ चार गेंदों में 14 रन, दो चौके, एक छक्का विष्णु का, और ऐसा लग रहा है चारू की जो लंबाई है उस पे चूक कर रहे हैं, क्योंकि गेंद को शॉर्ट रख रहे हैं, इस विकेट पे उछाल है, लाइन भी देखें तो लेग स्टंप पे, तो मात्र जो बल्लेबाज को करना है स्विवल करना है, पोजीशन में आना है, और यहां पे रन ही रन है, और वो ही करते हुए अभी तक 14 रन आ चुके हैं इस ओवर में, अब पांच गेंदों में आखिरी गेंद, अब इस ओवर की शेष। बिल्कुल फिल्मों में जैसा होता है इमोशन अप एंड डाउन, पहले एक टीम खुश तो फिर दूसरी, बिग अपील, लेकिन शायद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई, रेफरल होगा या नहीं, नहीं, लेग बाय के साथ इस ओवर की समाप्ति। चार ओवर के बाद चेन्नई राइनोज एक विकेट पर 42। विशाल द कैप्टन गॉन फॉर 5, ब्रिलियंट कैच बाय सुदीप, लेकिन विक्रांत और खासतौर से विष्णु जो अभी अभी आए हैं, क्या बेहतरीन आक्रामक बल्लेबाजी। तरुण चंद्र पहले ओवर में 5 रन दिए, पार्ले 20-20 कुकीज एंड्स अगेन बाजी। इस बार मिस फील्ड जिसके कारण एक रन जरूर मिलेगा, द क्राउड वोंट माइंड, दैट्स द बिग सुपरस्टार दर्शन, और हालांकि बड़े मस्कुलर हैं लेकिन शायद फिटनेस में, मैच फिटनेस में थोड़ी सी कमी, बट द कर्नाटका बुलडोज विल बी वेरी हैप्पी टू हैव हिम एज अ पार्ट ऑफ देयर स्क्वाड, बिकॉज आफ्टर ऑल दिस इज द गोवा निकोफिक्स सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग। बिल्कुल सही कहा चारू, और जो दिग्गज स्टार्स हैं जब भाग लेते हैं, जब फील्ड पे उतरते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें उन्होंने ज्यादा अपने हाथ जमाए नहीं, तो यहाँ पे अपना जो टैलेंट है, प्रतिभा है दिखानी एक अलग चीज है, और अपने आप में एक तारीफ के काबिल चीज, कभी भी आसान रहता नहीं जब एक दूसरी लाइन में आप जाते हैं जिसमें इतने माहिर नहीं आप, लेकिन फिर भी इन एक्टर्स ने बहुत अभ्यास किया है, नेट प्रैक्टिस, खूब समय बिताया गेम पर, गेम दे लव सो मच। विक्रांत 18 रन पर है केवल 10 गेंदों में, जी हां शायद लाइन के बाहर थी, बट ऑल्सो कमेंडेबल अजय कि सुदीप जो हर रोज विकेट कीपिंग करते नहीं है, लेकिन टू तरुण चंद्रा ही इज कीपिंग अप, दाद देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा चारू, और जो कैच उन्होंने पकड़ा गजब का, सारा एक्शन आप देख सकते हैं यूट्यूब पे भी, .com/CCL, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, कहीं भी जाए। इस बार गैप में खेला, बढ़िया शॉट, दाद देनी होगी प्लेसमेंट की, एक बार फिर चंद्रा ने वही गलती की, रूम दिया बल्लेबाज को, और विक्रांत तो उस क्षेत्र में माहिर नजर आ रहे हैं, कोई भी चूक नहीं कर रहे, कुछ बहुत ही बढ़िया स्क्वायर कट्स खेले हैं, और ये उनमें से एक और, ये जो बिहाइंड स्क्वायर जो दोनों फील्डर्स थे उनके कोई चांस ही नहीं, लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत बाहर शॉट जिस तरह राहुल ने पहले ओवर में किया था, और अगर 5-4 फील्ड है तो फिर इतना ऑफ स्टंप के बाहर करने की कोई जरूरत है नहीं, देयर हैज टू बी स्ट्रेटर, एक शॉट फाइन है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन देयर इज अ स्क्वायर लेग मिड विकेट मिड ऑन, और उनकी वजह से अगर थोड़ा सा स्ट्रेटर करें तो बेहतर रहेगा, ऑस्टम के इतना बाहर करने की जरूरत है नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मुझे लगता है यहां पे जो कप्तान है जो विकेट कीपर भी है थोड़ा सा समझा सकते हैं, ये बढ़िया गेंद
और बढ़िया शॉट, क्या क्रिकेट। हालांकि ऐसा लगा कि शायद गेंद को रोक लेंगे, पर टाइमिंग इतनी बढ़िया थी कि रोकना नामुमकिन। 50 रन पूरे होते हुए यहां पे चेन्नई राइनोस के, और क्या गजब शॉट, कलात्मक स्ट्रोक कह सकते हैं। या शायद वेल एक्चुअली इट्स अ लिटिल टू ग्रीडी टू एक्सपेक्ट द बॉलर टू हैव फील्डेड, क्योंकि बहुत करारा शॉट था और कितना सीधा बैट, सीधे बैट के साथ विक्रांत ने खेला। और जैसा आपने कहा कि अभी भी शैडो प्ले कर रहे हैं उस स्ट्रेट ड्राइव को। बावन रन सिर्फ एक विकेट खोकर चेन्नई 4.5 ओवर में बेहतरीन स्टार्ट, इससे बढ़िया स्टार्ट क्या हो सकता था। ये वाइड खराब लाइन, एक बार फिर ज्यादा प्रयास करने की कोशिश, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश। अब ये जरूरी है कि अपने बेसिक्स पे अगर स्टिक करेंगे। चेन्नई रॉयल उसका डगआउट जानता है, अभी तक अच्छी शुरुआत, और जितने भी समर्थक है कर्नाटका बुलडोजर्स के थोड़े से खामोश नजर आते हुए चारू। हाँ जी, शुरू में तो बहुत बहुत आवाज थी, बड़े नारे लगे थे, लेकिन जिस तरह से पहले ये 4-5 ओवर गए हैं उनको ज्यादा खुशी का मौका नहीं मिला। और सुमन रंगनाथ को भी, सीसीएल के जो एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर हैं, हम बोल चुके हैं इंडिया नंबर वन रेडियो स्टेशन 92.7 बिग FM, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। यहाँ पे कर्नाटका बुलडोजर्स को कुछ बनाना पड़ेगा। अभी तक ऑफ स्टंप के बहुत बाहर बाहर गेंदबाजी, और जिस तरह ये मैच अग्रसर हो रहा है ऐसा लग रहा है एक और हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा पहले मुकाबले की तरह। पर ये लाइन अब बेहतर विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी होगी। ध्रुव ने अभी तक का अच्छा कार्य किया है, हालांकि थोड़े रन भी दिए हैं पर कहने का एक सफलता लेने में कामयाब रहे हैं। अगर विकेट भी लेते हैं थोड़ा दबाव पड़ेगा चेन्नई राइनोस की बल्लेबाजी के ऊपर। जी हाँ, बट द बॉलिंग हैज बीन लिटिल डिसअपॉइंटिंग, टू शॉर्ट टू वाइड समटाइम्स टू फुल, दैट इज द लेंथ, दो मिस फील्ड। आई डोंट नो सुदीप के मन में क्या बीतेगी। ऑफ कोर्स चेन्नई राइनोस विल बी डिलाइटेड। ओवर की समाप्ति, बहुत ही महंगा ओवर, शायद एक बॉल और, माफी चाहता हूं, बट दैट वाज सो नीडलेस, कहां एक कहां चार। जी और ये जो है मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो मनोबल है गेंदबाज का तोड़ देता है, और फील्डिंग साइड का भी मात्र एक रन मिले 200 से ऊपर। आक्रामक शैली बल्लेबाजी करते हुए यहां पे अब सुदीप चूक करते हुए रन और मिलेंगे 22 के रूप में, एक्स्ट्रास के रूप में 2 रन और मिलते हुए 59 पे एक। CCL powered by Parle 2020 cookies and Panasonic. और अगर इस मुकाबले की बात करें जो कि एक हाई वोल्टेज मुकाबला है, चेन्नई राइनोस 59 पे एक, 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, अभी आखिरी ओवर पावर प्ले का, और पावर प्ले का कहना होगा पूरा लाभ उन्होंने उठाया अभी तक। 15 डॉट डिलीवरीज पर अब चौके की या बारिश देखने को मिली है। नाइस स्टार्ट बाय ध्रुव, यही मैं कह रहा कि थोड़ा सा और सीधी गेंदबाजी करना जरूरी। अवनीत मैदान में है, उनके साथ कौन से गेस्ट है, लेट्स गो फाइंड आउट। ओ माय गॉड जस्ट लुक एट द स्टेडियम राइट नाउ, वी आर हियर एट द राइनोस वर्सेस बुलडोजर्स। विद मी राइट नाउ आई हैव त्रिशा, द वेरी प्रिटी, द वेरी सिंटिलेटिंग एक्ट्रेस। नाउ वी हैव त्रिशा, वी लव्ड यू डाउन साउथ इन तमिल एंड तेलुगु, आई हियर यू आर नाउ डूइंग अ कन्नड़ा फिल्म, सो हाउ यू फीलिंग अबाउट दैट एंड टेल अस अ लिटिल अबाउट इट। I'm super excited, and of course this is my first entry into Canada, so it's long due, I think. I mean, I was like battling between when to do a film in Canada, and I'm glad it just all worked out at the right time. Okay, now what I hear is that the Rhinos, the first 2 years they had a lucky bat over there, last year the Bulldozers kind of swept it over, however this year do you think you're going to be the lucky mascot, because the way they're playing looks like they're going to put up a good fight. We have a great team, but see, I've been brought on board for Chennai Rhinos this year. I've caught up with the first 3 seasons quite regularly. It's very hard to say because the players are so different. Who is great at fielding is fabulous at batting today, and vice versa. So I don't really know. I think everyone, I really feel like I'm not watching players on the field. They seem like professional players. Sorry, I feel like I'm not watching an actor. So they seem like professional players. So I don't know. One is better than the other. It's going to be a tough match. And well, I support Chennai Rhinos. I think we have a good shot. All right, Trisha, one last message from you for all your fans. As you see the stadium, it's crazy right now with the different kind of flags that we have here. What are you going to say out to all of them?
I just want to say thank you for everybody who came from Chennai and the people over here. I mean, great going, great spirit. There's quite a bit of energy, so much of noise. So I hope it keeps it going till the end of the match. All right, lovely. Thank you, Trisha. Thank you so much for being with us. All right. I'm going to hand it over to our commentators, but you guys keep watching because the Bulldozers and Rhinos simply get it steamy tonight. Thank you, Avneet. There could be a wicket here. It's a long run. Big dive. It's always going to be difficult. But good to see Trisha here supporting the Chennai Rhinos, and their team has started off in terrific fashion. Thoda sa jokim zarur ho sakta tha. Pull karna chaha. On a free hit, of course, so out hone ka khair koi sawal nahi tha, lekin kam se kam jo humne prayas dekha, 100% commitment. Bilkul sahi kaha, aur bahut hi badhiya prayas, kafi lamba duri unhone tay kari. Is baar pull karne ka prayas, sambar koi bahut badhiya nahi, par tappa khane ke baad gain thoda kon badalti hui. Vishnu bhi ab apne rang mein nazar aate hue, Vikrant ne abhi tak achhi ballebazi ki hai. ध्रुव जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट भारी जीएंट से गेंदबाजी करते हुए एक सफलता जो मिली अभी तक कर्नाटक बुलडोजर्स को उनके पक्ष में जाती हुई. विशाल को आउट किया था. मच बेटर, स्लाइटली फुल, अभी तक बढ़िया लेंथ नहीं पाया ध्रुव शर्मा ने, लेकिन सिर्फ एक रन थर्ड मैन की एरिया में. सॉरी, वाइड थर्ड मैन, ऑलमोस्ट बैकवर्ड पॉइंट रियली एट द बाउंड्री. और अब चारु ये आखिरी गेंद है पावर प्ले की, तो इसके बाद देखना होगा कि क्या करते हैं चेन्नई राइनोस. पर ये देखिए क्राउड जो आए हुए हैं काफी तादाद में, अब बहुत ही बढ़िया हर्षोल्लास का माहौल पूरे स्टेडियम में, वातावरण जैसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक नजर आता हुआ. ये बढ़िया गेंद, इज्जत देते हुए बख्शते हुए 65 पे. क्या बेहतरीन स्टार्ट, धमाके. Welcome back, Goa Miko Fix CCL, powered by Parle 2020 Cookies and Panasonic. And strike rate देखिए दोनों बल्लेबाजों का 175, 28 रन 16 गेंद का सामना करते हुए विष्णु, और 8 गेंद का सामना करते हुए 14 रन विक्रांत. और इसी के साथ बॉलिंग में तब्दीली, कार्तिक राइट आर्म मीडियम बॉलिंग फ्रॉम पार्ले जी एंड. A lot of concern in the Karnataka Bulldozers' dugout. G.R. Vishwanath, the mentor of the team, aur unke owner jo hai unke daini taraf, yani ke hum dekh rahe hain wahan bayi taraf Ashok Kenny, dono hi soch rahe honge ki bhai ye to jara gadbad mamla ho gaya. Trisha, of course, no worries at all. Let's have another smile. Yes, yes, that's it. The camera loves you. And commentary box mein topi wale bhai saab दीवाने हुए जा रहे हैं. जो कर्नाटक बुलडोजर्स की फिलहाल जो उनको जरूरत नहीं है वो मिसफील्डिंग की. इस बार फील्डिंग थी ठीक थी, लेकिन थ्रो काफी वाहियात. सुमन सपोर्टिंग दी कर्नाटक बुलडोजर्स, काफी टेंशन में. आई स्वेयर सर, गर्ल्स जो सपोर्ट करने के लिए आती हैं उनके चेहरे पे जो टेंशन है उसके चक्कर में मेरे को टेंशन ज्यादा हो जाता है. आप उन्हें ना दिखें. नहीं सर, ऐसा तो हो नहीं सकता. वैसे बात तो सही है सर, एक तरफ क्रिकेट हो रही, एक तरफ अगर खूबसूरत लड़की, आई विल स्टिल चूज क्रिकेट सर एनी डे.
Did you see my fingers crossed? Oh, kya shot mara 6 run ke liye. Oh, a point. Fantastic shot. Is that even possible? Well, he's made this possible. Karthik ki gend itni kharab nahi thi. Lekin Vishnu, behtareen. Got under it nicely. Gave it plenty of power. And a 6 over cover point. Bahut kam dekhne ko milta hai. यानी कि टाइमिंग सही और उसमें दमदार भी शॉट. और ये ग्वालटोली से इनामी नाटी का वाइल्ड स्विंग आती है कि कर्नाटक का बुलडोजर्स के जो गेंदबाज हैं और गति से और तेज गेंदबाजी करने के चक्कर में है और जितना तेज करते हैं उतने ज्यादा तेजी से रन बन रहे हैं. तो मुझे लगता है कि सुदीप को एक कोई ना कोई स्पिनर जरूर इसी वक्त अगले एंड से यानी कि अगले ओवर से पार्ली 2020 कुकीज एंड से लाना चाहिए ताकि पेस थोड़ा स्लो करें. और एक तरफ से अगर तेज करना चाहें तो करें लेकिन दूसरी तरफ से स्पिन लाना बहुत जरूरी इस वक्त स्पेशली चिन्ना स्वामी स्टेडियम के पिच के बारे में ये खास तौर से बात देखी गई है. अगेन काफी बाहर गेंद फेंकी गई सो दैट बल्लेबाज को रीच आउट करना पड़े. जितनी धीमी गति से गेंदबाजी की जा रही है यहां पर बल्लेबाजों को उतने मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है बिकॉज उन्हें अपना खुद का पावर लगाना पड़ता है. वेयर एज द पेसर्स हैव अ टफ हल्का सा बल्ला लगाना है और काम हो जाता है. द कैप्टन अनफॉर्चुनेटली कुडंट स्कोर मच टुडे लेकिन उसकी टीम इस ओवर से फिलहाल 8 रन 2 गेंद बाकी. गुड डिलीवरी बाय कार्तिक. देख रहे हैं कार्तिक को अपना रनअप कंप्लीट करते करते फॉलो थ्रू में सीधे बल्लेबाज तक चले आ रहे हैं. देयर इज नो बैड ब्लड हियर. सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं बट दे इट वुड बी समथिंग अगर इनके बीच में कुछ भी हुआ तो. अ लॉट ऑफ टेंशन एंड वरी इन द कर्नाटका बुलडोजर्स डग आउट एंड इट शुड बी बिकॉज दिस काइंड ऑफ अ स्टार्ट. भैया 200 रन तो बड़े आसानी से बन सकते हैं और आप कितनी भी बैटिंग आपकी हो कितना भी अनुभव हो लेकिन 200 चेस करना बड़ा मुश्किल काम है. धीमी गति से खेला गया. इसी के साथ 8 ओवर की समाप्ति 88 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. Welcome back. यह है गोवा निको फिक्स CCL powered by Parle 2020 cookies and Panasonic. Facebook पर हमारा सवाल कौन होगा आज मैन ऑफ द मैच सुदीप विष्णु प्रदीप या विक्रांत. भाई फिलहाल विष्णु और विक्रांत में ही है लेकिन प्रदीप और सुदीप आगे जाकर बल्लेबाजी करेंगे तो कुछ भी हो सकता है. Here comes राजीव from the Parle 2020 cookies and एक और तेज गेंदबाज लेकिन इनके बल्लेबाजी देखने की है क्या लंबे लंबे छक्के मारते हैं. बहुत ही शक्तिशाली बल्लेबाज राजीव लेकिन मैं पिछले 5-7 मिनट से कह रहा था मंत्र की वी नीड अ स्लोअर बॉलर एग्जैक्टली फ्रॉम वन एंड और वो सुदीप ने फिलहाल नहीं किया. तो अनलेस कर्नाटक बुलडोजर्स गेट लकी एक बार फिर राजीव की गति चेन्नई राइनोस को फायदा दे सकती है. वेल फील्डेड. ओहो टशन. ये द कंप्लीट क्रिकेटर राजीव एक्टिंग की इसलिए अपना करियर बदलना पड़ा लेकिन अगर क्रिकेट में जाना चाहते थे तो काफी आगे तक पहुंच सकते थे. बैट्स वेरी वेल बॉल्स एज यू सॉ वेल इनफ और फील्डिंग और कैचिंग तो बिल्कुल ही मतलब नंबर वन. आई सो रिलेट टू हिम सर. ओहो गोइंग डाउन द लेग साइड एक वाइड और ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है. क्या ये चौका होगा. यस एक्स्ट्राज 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 फिल्म इंडस्ट्री में एक्स्ट्राज आपके लिए कमाल करते हैं लेकिन क्रिकेट के मैदान में नहीं. 5 रन इसी के साथ सुदीप आए राजीव तक. मैं कहने की देखो कोई बात नहीं
इस बार निकल गई गेंद, आपकी भी सधी हुई नहीं थी लेग स्टंप के बाहर और मैंने भी ठीक से विकेट कीपिंग नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि कर्नाटका बुलडोजर्स थोड़ा सा ज्यादा ही टेंशन में खेल रहे हैं, थोड़ा खुलकर खेले, आराम से खेलें। लेट्स सी अ फ्यू स्माइल सुदीप, और लेट्स ऑल्सो सी अ स्लो बॉलर, कम ऑन नाउ। ओह, वेल प्लेड, वेल प्लेड, शानदार शॉट, चौका भाई, मतलब एकदम सपाट शॉट मारा, फील्डर कुछ नहीं कर पाया भाई। मालिया मंत्र, पहले जो हमने 20-20 ओवर देखे, 40 ओवर में लगभग 400 रन और अगले 10 ओवर में भी 100 और, तो यानी कि इस मैच में भी अगर 400 बनने की गुंजाइश है तो एक ही दिन में 80 ओवर में 800 रन यहाँ चेन्नई स्वामी स्टेडियम में बन सकते हैं। और ये लो बोलो, लो बोलो भाई, और ये हमारे सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में ही हो सकता है, क्योंकि हमारे सेलेब जो है स्पेशली साउथ के कमाल के कलाकार फिल्मों के अंदर 20-20, 25-25, 30-30 गुंडों को एक ही मुक्के में जब उड़ा सकते हैं तो क्या एक दिन में 800 रन नहीं बना सकते? दिस इज साउथ इंडिया माय मैन। और एक शॉट में 4 रन नहीं बना सकते? ओह, वेल प्लेड सा, वेरी वेल प्लेड। हालांकि इसे रोका जाएगा केवल 2 रन, लेकिन कमाल का कवर ड्राइव। विक्रांत 40 पर, विष्णु 35 और चेन्नई राइनोस का स्कोर 99। तो इस ओवर में 100 तो बनेंगे ही। राजीव की अगली गेंद, अब तक 11 रन और ये भी चौके के लिए जाएगी, शॉर्ट थर्ड के दाहिनी तरफ से बड़ी आसानी से। एंड आई कीप सेइंग दिस मंत्र, 100 तो पूरा हुआ चेन्नई राइनोस का, बट स्लो बॉलिंग, स्लो बॉलिंग, लेकिन क्या कमाल का शॉट, मेरे अंदर का शशि कपूर जागे, गजब मनोहर भाई, गजब मनोहर भाई, गजब मनोहर भाई। लेकिन जो कर्नाटका बुलडोजर्स कहना चाहेंगे इस वक्त, मेरे पास डॉट बॉल है। वाह वाह, चारों साइड से प्लेजर बीइंग विद यू इन द कमेंट्री बॉक्स। Here we go. Good shot again. And it goes past. The fielder, Chennai Rhinos, are on a roll. Kuch na kuch karna padega is Chennai Express ko rokne ke liye. Hey, hey, Chennai Express, roko. Roko, koi to roko. Vikrant. Kaun rokega? This is it. चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई राइनोज ऑन अ रोल। आखिरी गेंद, 19 रन दे चुके हैं राजीव इस ओवर में और शायद सिर्फ एक रन इस बार, यानी कि 20 रन इस ओवर में, 9 ओवर समाप्त, एक विकेट पर 108 चेन्नई राइनोज। CCL powered by Parle 2020 cookies and Panasonic. अगर आप जीतना चाहते हैं CCL matches के tickets और exciting prizes, ये है exclusive for MTS users. Dial 52020. और अगर आप बात करना चाहते हैं अपने favorite celebrities से, तो dial करें 50505. मैं त्रिशा से बात कर सकता हूँ सर? बिल्कुल अभी। तो आप नीचे जाइए, बात करके आइए, और या ऊपर बुला लीजिए, सभी बात कर लेंगे। तो सर ये MTS वालों का क्या होगा सर? इतना पैसा दिया उन्होंने हमें, मेरे को एक सिम ला कर दो प्लीज। एक बार फिर कार्तिक की गेंदबाजी, यानी कि तेज गति की गेंदबाजी, और अब तक हमने देखा है कि चेन्नई राइनोज ने बड़े आसानी से तेज गेंदबाजों को संभाला है। विक्रांत के 50 उसी शॉट के साथ पूरे हुए, उसी सिंगल के साथ 10 चौके अपने 50 में, यानी कि 40 रन 50 में चौकों की सहायता के साथ। रीजन व्हाई विक्रांत इज नॉट सेलिब्रेटिंग इज बिकॉज थोड़ा सा
सिस्टम में थोड़ा सा गड़बड़ ऑन ग्राउंड डिस्प्ले पे दिखाया जा रहा है 49 जबकि हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसके 50 पूरे हो चुके हैं. व्हाट अ शॉट. और ये भी ह्यूज सिक्स ओवर कवर पॉइंट. विष्णु हाउ डू यू हिट दैट शॉट. फुलर लेंथ जरूर थी लेकिन ये मैं कहते आए हूं मंत्र की जितना तेज आप गेंदबाजी करेंगे उतनी तेजी से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है. स्लोअर बॉलर सर कोई फंडा नहीं है जैसे वो प्लेयर के कान में टुड्डा डाल के अपन उनसे बात नहीं कर सकते. सुदीप तक के कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचा. अरे भाई ये कबूतर लाओ हम कबूतर की टांगों पे चिट्ठी बांध के सुदीप तक पहुंचाना चाहिए. अब क्या हो रहा है भाई. अब क्या है ये लड़कियां इतनी खुश क्या हो रही है. चक्के पे चक्का लग रहा है चौके पे चौका. खुश क्यों नहीं होंगी. पीला पहन रखा है उन्होंने. वंस अगेन वेल स्टॉप्ड. Must say that was very well fielded. बहुत तेजी से बॉल गई थी बैकवर्ड पॉइंट पर और पूरे कमिटमेंट के साथ फील्डिंग की. बाउंस ने जरूर मदद किया. जैसे ही उनकी गेंदबाजी पर रन बनते जा रहे हैं वो और तेज गेंद करते जा रहे हैं. कार्तिक एक बार फिर 6 रन बिहाइंड पॉइंट. ये क्या हो रहा है. दिस इज क्रेजी. गेंद से गेंदबाज कह रहा है कहां तुम चली गई. इतने लंबे लंबे शॉट्स इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी और ऐसा भी नहीं है कि स्लॉग मारा जा रहा है. अशोक केनी पहुंच गए चेन्नई राइनोज की डगआउट में. चलो भाई हमारी तरफ कुछ नहीं हो रहा था उनकी तरफ ही चलो सेलिब्रेट तो करो कुछ ना कुछ. और उनका हाथ उठा के प्लेयर्स बोल रहे सर आप तो हमारी टीम ज्वाइन कर लो. ओके राउंड ऑफ विकेट नाउ. कार्तिक क्या करना चाहेंगे आप. बेटर लेंथ. नो लकी रहे कि ये चौके के लिए नहीं गई गेंद या छक्के के लिए. Not a very clever over by Kartik. ये देखिए किस तरह से विक्रांत ने 50 बनाए. पहले स्क्वायर कट्स गति का फायदा उठाया और उसके बाद hitting it very straight. Help by a little bit of misfielding as well. Very strong in the offside. और ये आखिरी गेंद इस ओवर की. Oh, well bowled, well bowled. इसी के साथ 10 ओवर की समाप्ति. 122 रन एक विकेट के नुकसान पर. लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम बैक. गोवा ने को फिक्स CCL पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक. और सुदीप के डिसीजन से खफा होकर चारू सर ने डिसाइड किया कि वो खुद जाएंगे सुदीप को बोलने के लिए. साहब पकौड़े का ले जा रहे हो सर आप. भूख लग रही है आप तो बड़ी मुश्किल से तो कमेंट्री बॉक्स के अंदर कुछ खाने पीने को आया है. चारू सर हमारे बेबी कॉर्न को अपनी बेबी बनाकर ले गए. हमें चाय कटिंग नसीब हुई है. अजय सर वापस. मैं आपको एग्जैक्ट सिचुएशन बता दूं. कमेंट्री बॉक्स के जस्ट बाहर एक स्टोव लगा. हम खुद अपनी चाय बना रहे हैं और बेहतरीन एक दूसरे को चाय पिला रहे हैं. मतलब बड़ा घरेलू सा माहौल हो गया है. मैं लुंगी पहन के यहां पे बैठा हुआ हूं. बच्चे ट्यूशन गए हुए हैं और कितना बढ़िया मैच चल रहा है वो आप देख ही सकते हैं. और दिशाने वाली है. दिस इज ब्रिलियंट. सम ब्यूटीफुल सपोर्टर्स ऑफ बोथ टीम्स. चेन्नई राइनोज एंड दैट्स इट. चारू शर्मा यू वर राइट. जैसे ही एक धीमी गति का गेंदबाज लगाया गया पहली गेंद पर विकेट. कमेंट्री बॉक्स से यह सजेशन पिछले 5 ओवर से दिया जा रहा था. चारू सर ने बेबी कॉर्न उठाया एंड बेबी के हाथ में विकेट आया. अजय रिटर्न्स. अजय सर क्या हालचाल. बिल्कुल बढ़िया बढ़िया. यहाँ पे विकेट मिलती हुई. सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे मंत्रा साझेदारी टूटी है और ये साझेदारी पनप रही थी और यहाँ पे धक्का लगा चेन्नई राइनोज को. दूसरे विकेट का पतन होता हुआ 122 पे 2 और विशाल अब वापस जाते हुए 5 रन बना के.
And we are back and एक cheeky single निकालने की कोशिश कामयाब. Chennai Rhinos का दूसरा wicket. Slow गेंदबाज, धीमी गेंदबाज, जैसे कि आप देख सकते हैं. Here it is, अजय साहब. बिल्कुल छोटा लेन गेंद थी और सीधा फील्डर के हाथ में खेला, थोड़ा बाएं और दाएं, यहां पे चार रन मिलते हैं, पर सीधा फील्डर के हाथ में जाता हुआ उनकी गोदी में और यहां पे एक आसान सा कैच. पर सबसे बड़ी बात, अभिमन्यु ने एक अच्छा कैच पकड़ा, भास्कर को सफलता मिलती हुई. 48 पे आउट हुए विष्णु. वेल बोल्ड, वेल बोल्ड. इसी तरीके से बल्लेबाज को मौका देना है, लेकिन उस मौके को गेंदबाज बनाएगा. दैट्स द वे टू बोल. एक स्पिनर का बहुत बड़ा जिगर होना चाहिए जो मेरे ख्याल से स्पेशली ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां बल्लेबाज ताबड़तोड़ मार रहा है. इट्स वेरी टफ टू बोल. बिल्कुल सही कहा. और जब आप फ्लाइट करते हैं तब हमेशा आप ज्यादा मौका रहता है कि बल्लेबाज को डिसीव कर सकते हैं फ्लाइट पे, या जब वो बड़े शॉट के लिए जा रहा है उसका टाइमिंग सही नहीं बैठता. तो जैसे आपने कहा, एक बड़ा जिगर होना चाहिए तभी आप अच्छे स्पिनर बन सकते हैं. बेशक आपको छक्का लग जाए पर फिर से आप फ्लाइट करिए, कोशिश में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, चूक नहीं होनी चाहिए. Well played again, well bowled. इसी किस्म के ओवर की जरूरत थी. Will the Karnataka Bulldozers pull it back? Because इस वक्त जो एवरेज चल रहा है, it's very high. Run rate is of 11.35. इसी के साथ इस ओवर की आखिरी गेंद. सक्सेसफुल ओवर, ये चौका ना जाए बस. इसी के साथ दो रन. वेल बोल्ड भास्कर, एक ओवर में तीन रन देके एक विकेट छटका. चेन्नई राइनोज 125 पे दो एट द एंड ऑफ द 11th ओवर. Into the game, we are here at the Goa Nico Fix Celebrity Cricket League Season 4. The match simply gets steamier with the Rhinos and Bulldozers putting up a fantastic fight right here at the Chinnaswamy Stadium. However, with me, I have the Southern rock star Priya Mani right here. Hi Priya, how are you doing? I'm fine, thank you. Priya, which team are you supporting out here? How are you liking the ambience right here at Chinnaswamy Stadium? Do you see the number of people? What are you feeling? I do see a lot of people here, and obviously they've come to support their favorite teams, which are Chennai and Karnataka. It's a good question which team I'm supporting. Unfortunately, I cannot just pick out one team because I have worked in both the industries, and both the industries are very, very close to me. I've got my equal share of name and fame in both the industries, so I have to say both. I'm here to just have a good time and support my friends and just be there for them and enjoy if somebody hits a four or a six or somebody gets a wicket. Lovely, Priya. However, as you know, this is the fourth season of Celebrity Cricket League. The first two seasons we had a clear sweep with Rhinos. The last season we had the Bulldozers. Who do you think is going to take the trophy home this year? See, we really can't say. Both Chennai and Karnataka have a very, very strong team. In fact, all the four South languages and Bhojpuri, I must say, they have a pretty strong team, so we really can't say. Thank you, Priya. Thank you so much. With that, it's just a moment right there. Let's check it out. Back to the commentators. All right, we are back. Ek bada ajeeb-o-gareeb sa situation hua hai. Umpire kehte hain ki balla nahi, pad laga hai. We'll have to take a look. और ये लीगल डिलीवरी में कोई भी कमी नहीं, बिल्कुल सही डिलीवरी, क्रीज से पीछे डाली गई. और ये देखना है कि कुछ बल्ला लगा है या नहीं. अब यहां पे पैड का इशारा कर रहे थे एम्पायर, पर पैड का तो कोई सवाल ही नहीं, पैड काफी दूर है. और एक्साइटमेंट देखिए, एकदम यहां पे अपील की थी सुदीप ने. Take the trophy home this year. अगर गेंदबाज को देखें मंत्रा, तो उन्होंने अपील काफी लेट की है. यहां से
पत्ता लगाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि अब प्रतिक्रिया अगर सुदीप की देखें, एकदम उन्होंने अपील की, वो पूरी तरह से प्रभावित थे कि कोई भारी किनारा लगा है, पर जो गेंदबाज है वो ज्यादा नहीं, उनका रिएक्शन देखे थोड़ा डिलेड नजर आया। बल्ले के या तो बीचों बीच से निकला या फिर सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में गए। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, ये सब एक्टर्स हैं, ये सब सुपरस्टार्स हैं, और बट आई एम श्योर दे वांट टू प्ले फेयर और गलत नहीं करेंगे। डिसीजन मांगा गया है थर्ड एम्पायर की तरफ। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डिविएशन है, या तो ग्लव से लग के गेंद एग्जैक्टली गई है, क्योंकि अगर आप देखें पैड का जो इशारा कर रहे हैं एंपायर, वो पैड बिल्कुल नहीं है, या बल्ला है या ग्लव है, पर मुझे लग रहा है जो डिविएशन है वो ग्लव से गई है और यही कारण थोड़े उछाल अधिक मिली है गेंद को। एग्जैक्टली, और सुदीप ने अगर इतना कॉन्फिडेंटली अपील किया है, एंड ही इज अ फेयर प्लेयर, होपफुली वो इस बड़े सिचुएशन में, एंड देयर इज अ क्लियर कट डिविएशन, मेरे ख्याल से अंपायर को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल, पर मंत्रा इंतजार कर रहा होगा थर्ड अंपायर क्या सोच रहे हैं। हमें लग रहा है डिविएशन है और शायद ग्लव से हुई है डिविएशन, जो साफ प्रतीत हो रहा है, ये एंगल से पता चल रहा है, साइड एंगल से पता करना बहुत मुश्किल है जो स्क्वायर एंगल है, पर इस एंगल से प्रतीत हो रहा है बिल्कुल साफ डिविएशन है, बिल्कुल साफ। और अब इंतजार है कि थर्ड अंपायर क्या सोच रहे हैं, थोड़ा वक्त ले रहे हैं, बार बार रिप्लेस देख रहे हैं, क्योंकि सुदीप का जो रिएक्शन था, जो प्रतिक्रिया थी, उससे प्रतीत हो रहा है कि साफ आउट है। भाई, आई वुड नॉट वांट टू बी द थर्ड एम्पायर इन दिस सिचुएशन, उसके बाद ना मैं चेन्नई जा पाऊंगा ना मैं बैंगलोर रह पाऊंगा। इस एंगल से कुछ ज्यादा खास समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ मात्रा मुंबई जा सकते हैं और कहीं नहीं। बिल्कुल, और मुंबई हीरोज की तो हालत आपने देख ही ली है। थर्ड एम्पायर का डिसीजन क्या रहेगा, थर्ड एम्पायर अपना न्यूट्रल डिसीजन देंगे। ये फोन पे बात कर रहा है। हाँ सर, कैसा चल रहा है आजकल? बढ़िया। अच्छा, स्टॉक ऊपर है, बेच दो सर। हाँ सर, नहीं देखिए आपने चेन्नई एक्सप्रेस। अच्छा अच्छा, पर जो पैड का इशारा कर रहे हैं वो समझ नहीं आई, पर ये एंगल साफ दिखा रहा है, जो साइड एंगल है, जो स्क्वायर एंगल है, उससे पता नहीं चल रहा मंत्रा, पर ये एंगल अगर आप देखें तो या बल्ला है या ग्लव है, और ग्लव लग रहा है यहां पे, क्योंकि और कुछ है ही नहीं, पैड तो लगा ही नहीं बैट के ऊपर, या पैड लगा ही नहीं गेंद को, तो एक ही चीज लग सकती है और वो है आपका ग्लव। और यहां पे नॉट आउट का इशारा दिया है। क्या हुआ ये, किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट सर, ये बेनिफिट ऑफ डाउट के चक्कर में एक दिन लुटिया डूबेगी सर। और मुझे क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है, एकदम फाइनल हो रहा है सर सीसीएल। सीसीएल का फाइनल थोड़ी ना, अभी तो ये टूर्नामेंट बहुत आगे जाना बाकी है, लेकिन चूंकि ये दो चैंपियन टीम्स खेल रही हैं, कोई भी डिसीजन गलत नहीं हो सकता, फर्क डाल सकता है। इस बार फिर से वो ही चीज, कट करने का प्रयास किया, भीट किया, भी मनियो अच्छा कार्य करते हुए अभी तक तीन गेंदें डाली है, तीनों ही डॉट डिलीवरीज, कोई भी रन खर्चा नहीं। और लाइन अगर देखें अब तो मंत्रा लगातार ऑस्टम ऑस्टम के बाहर, अब तो यहीं पे प्रभावित किया अभी तक। पृथ्वी की अब जान में जान आई होगी जब वो अब अपील को एक बार फिर नकारा। चेन्नई राइनोस का कैंप खुश, रन रेट हालांकि थोड़ा बहुत डिप होता हुआ, लेकिन फिर भी 11 के करीब। ओहो, दैट शुड हैव बीन स्टॉप्ड यार। अपनी गेंदबाजी पर अगर आप खुद फील्डिंग ना करें तो आपको दूसरे फील्डर्स को कोसने का कोई हक नहीं। टेक अ लुक एट दिस चिन्नस्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, जिस चीज के लिए जाना जाता है, जिस कैपेसिटी क्राउड के लिए जाना जाता है, वो आज हमें सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के इस मैच में देखने को मिली। होम टीम कर्नाटक बुलडोजर्स भिड़ रही है टू टाइम चैंपियंस चेन्नई राइनोस के साथ। एंड यू आर मेंशनिंग अबाउट द क्राउड, रियली अमेजिंग, इट्स बैक टू द राफ्टर्स हियर, एंड व्हाट अ रियली इलेक्ट्रिफाइंग एटमॉस्फेयर, व्हाट एन ओवर एज वेल, वन हैज टू कॉम्प्लीमेंट अभिमन्यु द वे ही इज बोल्ड। अशोक एनी सर जो कि कर्नाटका बुलडोजर्स के करता धरता है,
एसोसिएशन टीम के डगआउट में बैठे, कुछ ना कुछ षड्यंत्र होगा सर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 12 ओवर की समाप्ति पर 127 दो विकेट के नुकसान पर। Hello and welcome back. Yeh hai Goa Nicofix CCL powered by Parlay 2020 Cookies and Panasonic. Chennai Rhinos, two-time champions versus Karnataka Bulldozers, last year's champions. Yeh hai champions of the champions ki bhidant. 127 run Chennai Rhinos ki taraf se. Bhaskar, off-break gendbaz, jinhone ek wicket chatka tha apni pehli gend pe. और ये जो अब स्पेल चल रहा है, जो मध्य ओवर्स है मंत्रा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भास्कर एक तरफ से, अभिमन्यु दूसरी तरफ से, और फिर से आगे आए और यहां पे करीबी मामला हो सकता है। और जी हां, उंगली उठती हुई, आउट कौन दे रहा, कौन सा अंपायर आउट दे रहा है? ये तो स्टंपिंग की डिमांड थी सर, स्टंपिंग की डिमांड थी, कॉट बिहाइंड वाले अंपायर दे रहे हैं और रेफरल भी मांगा जा रहा है। चाय तक खत्म हो गई है, हो क्या रहा है आज यहां बेंगलुरु में? खूबसूरत लड़कियां कहां गई दोनों डगआउट की, उनके चेहरे क्यों नहीं दिखा रहे हमारे कैमरामैन? अन्याय है। एकदम काफी कुछ घट रहा है, मतलब इतना कुछ हो गया है गेंद में कि किसी को समझ नहीं आ रही। अभी थोड़ा सा वक्त लेंगे, एक बार फिर रेफरल मांगा गया है और ये अगर विकेट मिलती है ये बहुत बड़ी विकेट होगी। बिल्कुल सही डिलीवरी, लाइन के पीछे से डाली हुई डिलीवरी, बिल्कुल भी नो बॉल नहीं, तो लीगल डिलीवरी आप कह सकते हैं। और अब देखना है क्या घटा है, आगे आ गए थे विक्रांत, फिर से काफी आगे है और यहां पे तो ऐसा लग रहा है क्या बेल्स निकाली है? बेल्स कहां गई सर, हुआ क्या? बेल्स निकाली नहीं है, जो स्क्वायर लेग एम्पायर है, बेल्स निकली नहीं है, बेल्स वहीं पे है, है? हुआ क्या? आई थिंक ही इज कॉल्ड फॉर अ कॉट बिहाइंड, इट्स नॉट क्लियर करो यार। पर मंत्रा अगर बेस नहीं निकाली तो स्टंपिंग तो था ही, अगर कैश ही पकड़ लिया एक डबल चांस ले सकते थे। अगर ये रेफरल में अगर आप देखें, अगर बेस निकाल दी होती तो निश्चित तौर पे विक्रांत को वापस जाना होता क्योंकि क्रीज से बाहर थे। अब कॉट बिहाइंड के लिए देखेंगे एम्पायर, वो दैट मींस कि सुदीप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे कि ये एज हुआ है। यस दैट्स, आई वोंट से एनीथिंग क्योंकि मेरे को कमेंट्री बॉक्स में लोग बोलते हैं कि तुम इन्फ्लुएंस करोगे थर्ड एम्पायर को, थर्ड एम्पायर मेरा ताऊ लगता है कि मेरी बात मान लेगा भाई। नहीं, मुझे लग रहा है यहां पे डिफ्लेक्शन है और यहां पे मुश्किल में नजर आ रहे हैं क्योंकि अब सुदीप इतने कॉन्फिडेंट थे कि बेल्स अब उन्होंने निकाली नहीं। अब ये देख रहे हैं एम्पायर की क्या बल्ला जमीन पे लगा है या फिर जो आवाज आई है। ये डिसीजन देखने के लिए मंत्रा, जो एम्पायर है उसको पूरा यहां पे फुल प्रूफ एविडेंस चाहिए कि अब लगा है डिफ्लेक्शन है। कई दफा जो करीबी मामले हैं हमेशा मुश्किल में डालते हैं थर्ड एम्पायर को, बेनिफिट डाउट आप देखते हैं बल्लेबाज के पक्ष में जाता है जिस प्रकार पिछले ओवर में गया, तो ये एक और दुविधा है। और सबसे पहले आप कोई है यहाँ पे कंट्रोल रूम के बाहर, जरा एक ब्लड प्रेशर की गोली जाके थर्ड एम्पायर को देकर आइएगा, उन्हें आज के इस मैच में बहुत सख्त जरूरत पड़ने वाली है। ओरिजिनल डिसीजन आउट का था एंड दैट स्टेज कॉट बिहाइंड, और ये एक बहुत बड़ी सफलता। विक्रांत वापस जाते हुए कैच पकड़ा सुदीप ने, आउट हुए 52 रन बना के 127 पे 3।
Ladies and gentlemen, welcome back. Goa Nicofix CCL powered by Parlay 2020 Cookies and Panasonic. We are back. Shantanu, the right hand batsman, Chennai Rhinos ki taraf se abhi abhi ek wicket gira hai. And two new batsmen on. Aur kya gazab ki gendbazi ki, agar Bhaskar ki baat kare, dusra over dal rahe hain, do wicket le chuke hain aur matra mantra is high scoring match mein 3 run diye hain abhi tak. Ye chautha run ki gend pe aata hua to kya kare kiya hai. और अब चेन्नई राइनोस के ऊपर वापस दबाव आता हुआ. मुस्कुराहटे चेंज हो रही है कभी इस डगआउट से उस डगआउट की तरफ. क्या हो गया? नहीं, हो क्या गया? दिस इज इट, दिस इज द स्टार फॉलोइंग. ये है इनकी दीवानगी अपने स्टार्स के लिए. मतलब दिस इज द प्लेस जहां टेंपल्स बनते हैं. बिल्कुल मेगा स्टार दर्शन. और जब भी कुछ करते हैं, जब भी कुछ हरकत करते हैं फील्ड में, तो कुछ ना कुछ क्राउड जरूर करता है उनको सपोर्ट. ये बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी भास्कर, जैसे आप कह रहे थे, बड़ा जिगरा है, फ्लाइट कर रहे हैं और लगातार एक तरह से अभिमन्यु, एक तरह से भास्कर बढ़िया कार्य करते हुए. ये जो मध्य ओवर्स है ये बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे. आखिरी गेंद अब इस बार फिर से बढ़िया गेंद, चकमा दिया बल्लेबाज को. 13 ओवर की समाप्ति, 129/3. Welcome back, Goa Nicofix CCL powered by Parlay 2020 Cookies and Panasonic. Chinnaswamy Stadium se hum hai live aur champions ka match hai, Chennai Rhinos versus Karnataka Bulldozers. Chennai Rhinos ki shandar shuruaat aur shandar comeback Karnataka Bulldozers ki taraf se. Aur Mantra, jab se aap jaise Charu bhi pehle keh rahe the, jab se dheemi gati gendbaz aaye hain, कितना एकदम जो काया है वो पलटा इस मुकाबले का. रन आ नहीं रहे, आप देख रहे थे बड़ी इमारतें पहले नजर आ रही थी, अब नहीं. इस बार फिर से अब हवा में खेला खिलाड़ी, अड्डी पे तैनात, मात्र एक रन मिलेगा. तो रनों पे अंकुश लगाया है भास्कर और अभिमन्यु ने अभी तक. दूसरा ओवर डालते हुए अभिमन्यु, छोटी गेंद और एक बार फिर से दर्शन के हाथ में गेंद. एंड जनता जनार्दन खुश अपने फेवरेट स्टार दर्शन को देखते हुए. उधर दर्शन है, कमेंट्री बॉक्स में मंत्रा है, हमारे स्पॉन्सर साइकिल अगरबत्ती है, पूजा ऑडियंस में बैठी है. बस ये पूरा स्टेडियम आज मंदिर बन गया है. बोलो टन 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 टन. ओहो, वाइल्ड हीव लग जाती बल्ले पे तो न जाने कहां से कहां पहुंचनी थी. और मंत्रा, एक और जो अंतर है, अब अगर आप देखें, अब दो नए बल्लेबाज क्रीज पे हैं, शांतनु और पृथ्वी. अब ये भी मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि जब सेट बल्लेबाज होते हैं, जिसमें विक्रांत बल्लेबाजी कर रहे थे शुरू में, उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, विष्णु अच्छा कार्य कर रहे थे, पर जैसे वो आउट हुए हैं, अब दबाव वापस आया है चेन्नई राइनोस की टीम के ऊपर. मेरे ख्याल से जितने लोग यहां पर आए हुए हैं वो भी समझ चुके हैं कि ये मैच कांटे की टक्कर का है. दोनों ही टीमें पहले भी भिड़ चुकी हैं, फाइनल्स में भिड़ चुकी हैं, और ये आसानी से एक तरफा मैच तो नहीं होने वाला बॉस. मुझे लगता है यहां से अगर कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम मंत्रा 170 रन तक रोक लेगी चेन्नई राइनोस को, तो वो काफी खुश होंगे. जिस तरह वो जरूर चाहेंगे कम से कम 180-190 रन बनाए, जैसे उनके कप्तान पहले कह रहे थे टॉस के वक्त कि हम 180 का टारगेट हमने रखा है. यहां से प्रेडेटर स्कोर अभी 191 का है. इस बार धकेलते हुए ऑन साइड पे, कलाइयों का अच्छा प्रयोग, एक रन और मिलता हुआ. 14 ओवर की समाप्ति, 133/3.
सारा एक्शन आप देख सकते हैं यूट्यूब पे और कोई भी कमी नहीं जहां तक एक्शन का सवाल है। सीसीएल संस्करण 4 में 14 ओवर के समाप्ति के बाद चेन्नई राइनोज 133 तीन विकेट नुकसान पे। भास्कर लगातार अच्छा कार्य करते हुए अपना 30वां ओवर उनका प्रगति पर। इंटरनेट का सही उपयोग कीजिए, यूट्यूब पर हमारा मैच देखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कर्नाटका बुलडोजर्स के डगआउट में सब कुछ सधा हुआ सा है, ऐसा नहीं है कि ओवर एक्साइट हो रहे हैं, लेकिन इट्स अ गुड कमबैक फ्रॉम कर्नाटका बुलडोजर्स। चेन्नई राइनोज हैप्पी विथ व्हाट दे हैव गॉट। एक सिंगल निकाला बड़ी आसानी से चेन्नई राइनोज, जो एक वक्त में 12 के रन रेट पे खेल रहे थे, धीरे धीरे उनका रन रेट डिप होता जा रहा है, 9.42 पर चला गया है। याद रखिए रेडियो के चाहने वालों, सीसीएल के एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर, इंडियाज़ नंबर वन रेडियो स्टेशन 92.7 बिग एफएम, सुने सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। इसी के साथ एक वाइड, जी हाँ, यहाँ पे अब सुदीप भी सही तरह से सफाई से उस गेंद को पकड़ नहीं पाए जिसके कारण अब 2 रन और मिलते हुए तो रन लगातार आ रहे हैं। इनिंग्स एक्स्ट्रा 23 रन, ओहो एक बल्लेबाज की पूरी इनिंग्स हो गई। यहाँ बिल्कुल सही कहा, एक भूमिका निभा रहा है बल्लेबाज की। एक्स्ट्रास की बात करें इसमें काबू रखना होगा कर्नाटका बुलडोजर्स को, गेंदबाज को। मुझे अपने ऊपर काबू रखना है सर, इस वक्त जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है उसको देख के, मतलब इसे कहते हैं सपोर्ट सर। काश मुझे ऐसा सपोर्ट मिलता, मैं जरूर आगे तक जाता। सपोर्ट से बहुत फर्क पड़ता है, नहीं मैं उनके घर तक मतलब तो नहीं जाता, मतलब आगे तक जाता। खैर पृथ्वी 6 रन बना के, शांतनु 3 पर, दोनों ही रिलेटिवली नए बल्लेबाज। ओहो लंबा शॉट, इसी के साथ 4 रन पृथ्वी। As you can see, चारों तरफ चेन्नई राइनोज के झंडे, कर्नाटका बुलडोजर्स के घर में। और क्या बढ़िया यहाँ पे फुटबॉल का दर्शाते हुए काफी समय के बाद ये चौका लगाया है। बहुत ही बढ़िया टाइमिंग, प्लेसमेंट की दाद देनी होगी। बहुत लंबे कद के नहीं है पृथ्वी, जिसको कहते हैं छोटा तीर घाव करे गंभीर। सर इनमें किसकी बात कर रहे थे आप? एनीवे खैर रहो, मैं तो बल्लेबाज की कर रहा हूँ, आप किसकी कर रहे हैं? भास्कर के तीसरे ओवर में पहला चौका पड़ा है, काफी सदी भी गेंदबाजी की है बाजी ने। वेल प्लेड अगेन, दूसरे रन के लिए निकलते बल्लेबाज, लेकिन अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन रोक लिया गया। ओवर की आखिरी गेंद आने वाली है अब। यहां भी अगर आप रन रेट की बात करें, अब 9 से ऊपर, पिछले कुछ ओवर्स काफी बढ़िया रहे कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम के लिए। शांतनु पृथ्वी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, आखिरी गेंद अब इस ओवर की, ड्राइव किया बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ, खिलाड़ी में तैनात, मात्र एक रन मिलेगा 15 ओवर के समाप्ति के बाद 142/3। और बड़ा सवाल यही है कितना स्कोर चेन्नई राइनोज बना पाएगी, कितना टारगेट देगी। अभिमन्यु ने अभी तक बहुत बढ़िया कार्य किया है, 2 ओवर 6 रन दिए, कोई भी सफलता हाथ उनके हाथ नहीं लगी, पर इकॉनमी की दाद देनी होगी। और फिलहाल अब चारू शर्मा आते हुए कमेंटेटर बॉक्स में, स्वागत है चारू। धन्यवाद अजय, और जब से धीमी गति के गेंदबाज आए हैं, स्पिनर्स तो नहीं कहना चाहिए, कुछ खास स्पिन नहीं हो रहा, लेकिन इन दोनों की वजह से रन बटोरने की जो गति थी बिल्कुल धीमी होती हुई, और रनों की औसत भी गिरती हुई। 15 ओवर में अब सिर्फ 143, एक जमाना था, जमाना तो कहना गया करीब आधे घंटे पहले कि 250 प्रोजेक्टेड स्कोर चले गया था, 250 तो खैर बनते या ना बनते, लेकिन इट्स बीन अ ड्रामेटिक डेवलपमेंट हियर विद द ऑनसेट ऑफ द स्लो बॉलर्स। बिल्कुल सही कहा, और दाद देनी होगी भास्कर की, अभिमन्यु को जिस अंदाज से गेंदबाजी की है, और ये मैं चर्चा पहले भी कर रहा था चारों, जब सेट बल्लेबाज आउट हो जाए, नए बल्लेबाज के लिए इतना आसान है कि आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जाए, आक्रामक शैली में बल्लेबाजी की जाए, थोड़ा वक्त लेते हैं। और शांतनु और पृथ्वी दोनों ही देखें अभी भी क्रीज पे आए हैं, पर नया मोड़ जरूर आया इस मुकाबले में। जैसे आप कह रहे थे एक वक्त लग रहा था कि ये बहुत बड़ा स्कोर बना पाएगी चेन्नई राइनोज,
थोड़ा सा यहाँ पे अब दबाव में आती हुई राइनोज की टीम, शायद इस बार दो रन लेने का मौका, और हाँ जी तेजी से लिया और अंत में बड़ी आसानी से, लेकिन रनर शायद क्रीज के पार पहुंचा कि नहीं, आउट दिया फील्ड अंपायर ने, ऑन फील्ड अंपायर ने आउट दे दिया, और दिस इज ट्रेजिक फॉर द चेन्नई राइनोज, वेरी गुड पिकअप एंड थ्रो बाय कर्नाटका। ये देखिए सुदीप ने कलेक्ट किया और रनर काफी बाहर, क्या और कोई भी हिचकिचाट नहीं है स्क्वेयर लेग एम्पायर को आउट देने में, क्योंकि साफ प्रतीत हो रहा था कि वहां पे स्ट्रगल कर रहे थे, क्रीज से काफी दूर रह गए, और यहां पे एक और झटका लगता हुआ राइनोज की टीम को, बहुत ही बढ़िया थ्रो कहनी होगी क्योंकि सुदीप को मात्र बेस निकालनी थी, ज्यादा हिलना नहीं पड़ा, और यहां पे अब एक और झटका लगता हुआ, ड्रामेटिक टर्न अराउंड, कहां 250 के ख्याल और कहां अब शायद 185 के आसपास इसका स्कोर मुमकिन, और विशाल ने कहा था टॉस पर कि करीब 180-185 बनाना हमारे लिए शायद ठीक रहेगा, मिनिमम रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि कर्नाटका बुलडोजर्स की जो आखिरी दो चार ओवर की गेंदबाजी है इससे बहुत फर्क पड़ा है, और जैसा आपने कहा कि दोनों बल्लेबाज नए थे क्रीज पर और उनको भी गेंद को देखना भापना थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम लगता है, और ये भी दर्शाते हैं अजय कि चेन्नई राइनोज के जो तीन बीज हैं उनकी कितनी अहमियत है, विक्रांत विशाल तो खैर जल्दी आउट हो गए और विष्णु, उनके जाने से बहुत फर्क पड़ा, लगता है कि आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी, हालांकि इन्होंने 48 रन बनाए थे पिछली बार शरण ने, क्षमता जरूर है रन बनाने की, पर फिलहाल गेंदबाजी अच्छी होती हुई 147 पे चार, अभी तक इस इनिंग्स में एक अर्शा तक इस बार उठा के खेला है, ऑन साइड पे गेंद ऊंची जाती हुई और यहां पे मौका गवाया, एक अवसर और था जीवन दान मिलता हुआ, इतना कोई मुश्किल कैच नहीं क्योंकि पोजीशन में जरूर आ गए थे फील्डर, पर गेंद अब उनके हाथ से छटकती हुई बाहर, राजीव ने ये अटेम्प्ट मिस किया, हालांकि वो कर्नाटका बुलडोजर्स के बेस्ट फील्डर हैं और पिछले दो चार, एनीवे लेट्स गो डाउन, वी हैव अनदर गेस्ट विद अवनीत। All right, what a miss was that right now out here. We're at the Goa Nico Fix Celebrity Cricket League Season 4. And guess what? Whenever I call this celebrity, some or the other wicket goes down. We're talking about Suman Ranganath, who's right here with me. Suman, you've been a fantastic actress. You've worked across different South languages. You have such a great fan following, hooting away to glory for you. How are you feeling to be a part of CCL? It's fantastic. It's such a high. It's like euphoria right now. I'm just so happy. I mean, oh my God. Okay, we're nearly there. That was good. Yeah, I'm. What is she saying? Well, two chances in three deliveries. This is terrible for Karnataka Bulldozers. And one more time,
फ्रॉम द बेस्ट फील्डर राजीव, इस बार तो बढ़िया से गेंद के नीचे आए थे, बहुत वक्त था उनको साधने का, और ये देखिए कितना आसान कैच था, थोड़ा सा उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। He will be gutted, अजय, कि मैंने दो कैच दो तीन गेंदों में हो ही नहीं सकता, उसके बाद एक बहुत ही खराब गेंद। हाँ बिल्कुल सही कहा, और जो कैच छोड़ा उसके कारण 150 रन पूरे होते हुए, पर आपने बिल्कुल सही कहा, एक अच्छे फील्डर है, पहले अच्छी फील्डिंग की है, पर ऐसा लग रहा है कि पोजीशन में आ रहे हैं पर गेंद को काफी नीचे पकड़ना चाहते हैं, नी हाइट पे कैच लेने का प्रयास किया था, उसके बाद मौका मिलता नहीं आपको, अवसर मिलता नहीं, जब गेंद छटकती है हाथ से तब आपके पास कोई भी मौका नहीं कैच पकड़ने का। बढ़िया गेंद, लाइन एक बार अच्छी है, एक बार फिर भास्कर ने बहुत ही प्रभावित किया है, ये उनका आखिरी ओवर कोटे का चौथा ओवर डालते हुए, मात्र अभी तक 17 रन दिए हैं, दो सफलताएं अर्जित की हैं, दो की और कम से कम एक और तो करना चाहिए था, वही बल्लेबाज दोबारा आउट नहीं होता, लेकिन बहुत अच्छी सधी हुई गेंदबाजी और बहुत धीमी गति की। एक बार फिर से उठा के खेला है सीधे बल्ले के साथ, इस बार वन बाउंस जाती हुई फील्डर के पास, तो जोखिम ले रहे हैं, इतनी आसानी से जानते हैं रन आएंगे नहीं, थोड़ा सा अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि इस ओवर के बाद चारू मात्र 3 ओवर शेष। हाँ जी, राजीव के जो दो अटेम्प्ट थे, लगता है कि पहला तो मुश्किल था, उनका आगे भागना पड़ा, लेकिन दूसरा मिसजज कर दिया उन्होंने थोड़ा सा, डीप में विकेट, सिर्फ एक रन देना चाहिए, दूसरा लेना चाहते थे चेन्नई राइनोज, लेकिन एक बार फिर बेहतरीन थ्रो, 17 ओवर समाप्त, 4 विकेट पर 153 रन चेन्नई राइनोज। पृथ्वी 14 रन पर 17 गेंदों में, और उनके साथ हैं शरण 5 गेंदों में 5 रन। अभिमन्यु एक बार फिर थोड़ा सा दिशाहीन, लेग स्टंप के काफी बाहर, बट गुड कलेक्शन बाय द कीपर। जो अभी तक चारों अंतर डाला है वो डाला है भास्कर और अभिमन्यु की गेंदबाजी ने, क्योंकि भास्कर ने अपना स्पेल पूरा कर लिया है, 4 ओवर 19 रन 2 विकेट, अभिमन्यु का ये आखिरी ओवर अपने कोटे का, क्या गजब की गेंदबाजी की है दोनों गेंदबाजों ने, दोनों की इकॉनमी 5 से नीचे है अभी तक। बल्लेबाज लेग स्टंप के काफी बाहर से उठाया, लेकिन मिड ऑफ के काफी पहले गिरा, बल्ले के बिल्कुल बीच में नहीं लगा, भाग्यशाली रहे नहीं लगा। यह बिल्कुल सही कहा, टाइमिंग अच्छी होती तो मुश्किल हो सकती थी पृथ्वी के लिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों के ऊपर, सारे ही अब तमाम जो असमर्थक आए दोनों ही टीमों के थोड़े चिंतित नजर आते हुए, ये जो आखिरी ओवर्स होते हैं डेथ ओवर्स बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं दोनों ही टीमों के लिए। डाइव तो लगाई लेकिन बहुत बढ़िया शॉट था, बॉल बड़ी तेजी से बाउंड्री लाइन की तरफ गई, और अभिमन्यु जिन्होंने अब तक बहुत ही किफायती गेंदबाजी की थी अपने आखिरी ओवर में एक चौका देके, अब 5 रन की औसत से दिए हैं, वेरी पावरफुल एंड वेल प्लेस्ड स्क्वायर कट, या थोड़ी सी लाइन से भटकते हुए थोड़ा सा रूम दिया, और जैसे कहते हैं आप भटकेंगे तो पड़ेंगे फटके, और वही अब किया बल्लेबाज पृथ्वी ने, स्क्वायर ऑफ द विकेट काफी स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं, इसको उठा के खेला ऑन साइड पे, गेंद ऊंची जाती हुई और ये क्लियर करती हुई, बड़ा छक्का मैक्सिमम, यहां पे कोई भी अवसर नहीं फील्डर के लिए, बहुत ही बढ़िया शॉट, एक बॉल थोड़ी सी शॉर्ट आउटसाइड ऑफ, और ये उन्होंने लेंथ में कॉम्पनसेट किया, बायां पैर आगे निकालकर तीन छक्का पृथ्वी का, बहुत ही कीमती रन ये चेन्नई राइनोज के लिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि करीब 180-185 पर रुक जाएंगे, लेकिन अब एक बार फिर 200 की तरफ बढ़ते हुए। और जो आप 200 की बात कर रहे हैं चारों, उसका जो मनोवैज्ञानिक दबाव है वो अलग प्रकार का रहता है, आपको पता है कि आप आते ही 10 रन की औसत से रन बनाने हैं, सलामी आपको जो जोड़ी है उसके ऊपर जिम्मेदारी रहती है, एक स्टार्ट आपको चाहिए, क्योंकि शुरू में अगर आप विकेट खो दे एक बड़ा स्कोर पीछा करते हुए फिर उसको हासिल करना लगभग नामुमकिन होता है, टॉप ऑर्डर को आप रन करने पड़ते हैं।
13 रन फिलहाल इस ओवर से, और शायद सिर्फ 14 एक रन देना चाहिए, एक गेंद अब भी बाकी। व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज ये 18 ओवर के बाद जो आखिरी दो ओवर हैं वो मीडियम पेसर से शायद कराने पड़ेंगे एक बार फिर सुदीप को, और इस वक्त शायद चल भी जाएगा क्योंकि जो गति है तेज गेंदबाजों की कर्नाटका बुलडोजर्स की इतनी ज्यादा है और अब बॉल भी थोड़ी सी पुरानी हो चुकी होगी कि शायद इन दोनों बल्लेबाजों के लिए इतना आसान नहीं जितना कि विष्णु और विक्रांत के लिए पहले था। इस बार कट किया, खिलाड़ी टीम में तैनात, तेज से आते हुए गेंद के ऊपर एक रन और मिलेगा, 168 पे चार। इस प्रकार चेन्नई राइनोज का विकेट का पतन हुआ है, पहली विकेट गिरती 27 के स्कोर के, उसके बाद एक अच्छी साझेदारी दूसरी विकेट के लिए है, पर उसके बाद लगातार तीन विकेट काफी जल्द गिरे, लगातार अंतराल के बाद 122 पे दूसरी विकेट, तीसरी 127 पे और चौथी 145 पे, पर अब ऐसा लग रहा है चारों की थोड़ी सी साझेदारी पनपती हुई पृथ्वी और शरण के बीच। दो ओवर में 15-15 अगर स्कोर करें तो अब भी 200 के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, और महेश अब पार्ले 2020 कुकीज की तरफ से गेंदबाजी करेंगे। पेनल्टी मट ओवर, 19th ओवर, तेज गेंदबाज लॉन्ग ऑफ पर चक्का पहली गेंद पर, इट वाज इन द स्लॉट, लेंथ बॉल्स आर डिस्पैच्ड इजीली ओवर द वी इन द डेथ ओवर्स, और कहना होगा कि गति परिवर्तन के बावजूद बहुत ही अच्छा शॉट। बिल्कुल सही कहा, पहले गेंद को पढ़ लिया था किस प्रकार की गेंद है, परिवर्तन किया था गति में, बहुत ही जल्दी शॉट पे आ गए थे, और ये मुझे लगता है पृथ्वी अब चारू अब खतरे की घंटी है कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट काफी बढ़िया 145 का, दो छक्के और दो चौके जड़ चुके हैं अभी तक अपनी पारी में, और इनको रोकना बहुत जरूरी, इनकी विकेट लेना बहुत जरूरी कर्नाटका बुलडोजर्स को। जस्ट वन ऑब्जर्वेशन, लॉन्ग ऑफ वाज टू फार इन, अब ये आखिरी जो एक दो ओवर है बिल्कुल लाइन पर रहना चाहिए क्योंकि अगर मारेंगे तो है ही बल्लेबाज, और अगर लॉन्ग ऑफ और बाउंड्री के बीच में आसपास बॉल गिरे तो पोजीशन ठीक नहीं थी। ये बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल ऑफ स्टंप है, अब ज्यादा मौका मिला नहीं, पर अच्छी सोच पृथ्वी द्वारा गेंद को धकेलते हुए और साइड पे जल्दी स्ट्राइक रोटेट की, रन अब आने जरूरी है किसी भी तरह, आए स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे दबाव बढ़ता रहेगा गेंदबाज के ऊपर। Good to see Ambarish in the house, big superstar of Kannada cinema, on the right of G.R. Vishwanath. Oh, ball! So Mahesh strikes back. और शरण जिन्होंने अब तक कुछ ज्यादा नहीं किया था, 5 रन बनाए थे 6 गेंदों में, एक स्लॉग स्वीप करते हुए बिल्कुल लाइन मिस किया उन्होंने, एंड महेश हिट, और डेथ ओवर्स में ये करना बहुत जरूरी है, यू मिस आई मस्ट हिट। बिल्कुल सही कहा, और अब कहीं ना कहीं अब शरण निराश होंगे अपने प्रदर्शन से, 5 पे आउट हुए 176 पे 5। महेश को अपनी पहली सफलता मिलती हुई, बल्लेबाज रमन आते ही अब धकेला उसको ऑन साइड पे, दौड़ ले रन के लिए, यही करना होगा, और सबसे जरूरी जितनी स्ट्राइक इस समय पृथ्वी को मिलती है उतना बेहतर रहेगा चेन्नई राइनोज के लिए। अगर बात करें रमना की, अभी तक इस संस्करण में 2014 में अपना खाता खोला नहीं,
इसलिए स्ट्राइक रेट है नहीं, औसत है नहीं, पर आज अपना खाता खोलते हुए पहली गेंद पे सही चीज की रमना ने। पृथ्वी 36 रन बनाकर खेल रहे हैं 25 गेंदों में, स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 150, तो स्ट्राइक उन्हीं को देनी चाहिए। महेश की पहली गेंद पर बेहतरीन छक्का, फिर से उठा के खेला है, टाइमिंग कोई बहुत बढ़िया नहीं, भारी किराया लगा, पर दूसरे रन के लिए वापस आ रहे हैं पृथ्वी और तीव्र गति से वो रन पूरा करते हुए विकेटों के बीच में बहुत ही तेज दौड़ लगाते हैं। महेश गोस केम बैक वेरी वेल टू टेक हिज फर्स्ट विकेट, ऑनलाइन बिग स्विंग बिग मिस एंड सेंटर स्टंप पेग बैक, अच्छी गेंदबाजी। चारों इसी गेंद को अगर सीधे बल्ले से खेलते बेहतर रहता, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया, ये कारण समर्थक कर्नाटका बुलडोजर्स के काफी खुश हुए थे उस विकेट के साथ। अब आखिरी गेंद इस ओवर की, इस ओवर के बाद मात्र एक ही ओवर शेष, इतना भी बुरा नहीं, एक विकेट लिया, 10 रन जरूर दिए महेश ने, लेकिन डेथ ओवर्स में 10 रन इतने भी बुरे नहीं, इतने भी ज्यादा नहीं। कहां करना चाहिए, डेफिनेटली नॉट शॉर्ट, अगर फुल लेंथ कर सके दैट्स द बेस्ट ऑप्शन, स्ट्रेट बिहाइंड द बॉलर, शायद 4 रन मिलने चाहिए, बेहतरीन फील्डिंग। राजीव, वेयर वॉज दिस अर्लियर ऑन व्हेन यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू कैच। 19 ओवर समाप्त, 180 पांच विकेट पर चेन्नई राइनोज। बेंगलुरु में मौजूद है, क्या जबरदस्त माहौल वातावरण, और अभी तो इसके बाद एक इनिंग और बाकी है जी। फिल्म लैंग्वेज में क्या कहना चाहिए, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीजन 4 हिट ब्लॉकबस्टर, ऑलराइट थैंक यू, बेटर स्टिल हाउसफुल, हाउसफुल पैक्ड हाउस, पैक टू द राफ्टर्स, और ये जो हम मैदान में देख रहे हैं ये थ्रिलर से कोई कम नहीं है, सस्पेंस थ्रिलर। 190 के आसपास बनाए, चेस करना आसान नहीं है, 25-30 मैचों में 200 रन चेस करके बनते हैं एक अच्छी टीम से। कर्नाटक बुलडोजर्स में बल्लेबाज जरूर है, क्वालिटी कैलिवर बल्लेबाज, लेकिन जो प्रेशर है तेजी से चेस करने का, ऑलमोस्ट 9 रन ओवर 9.5, वो बहुत ही मुश्किल है झेलना। ध्रुव with the final over for Karnataka Bulldozers. इस बार फिर से उठा के खेला है, इस दबाव साइड पे बहुत ही बढ़िया शॉट, बल्लेबाज वही है पृथ्वी, बल्लेबाज में कोई बदलाव नहीं, और यहां पे तूफानी पारी खेलते हुए पृथ्वी इस स्ट्रोक के साथ पहुंचे 43 पे, 28 गेंदों का सामना किया है और जहां चाह रहे अब वहां स्ट्रोक खेल रहे हैं। बहुत खराब गेंद नहीं चारू, पर यहां पे स्ट्रोक की तारीफ करनी होगी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी शॉट जी, बिल्कुल सही टाइमिंग पाई उन्होंने, और क्योंकि स्क्वायर इतना नहीं खेला इसलिए बाउंड्री, अगर ज्यादा स्क्वायर खेलते अगर बल्ला थोड़ा मुड़ जाता तो कवर स्वीपर था, लेकिन उसके लिए कोई मौका ही नहीं, इतना शक्तिशाली शॉट। थोड़ा सा फील्ड में तब्दीली, एक जो कवर बाउंड्री पे थे उनको थोड़ा और एक्स्ट्रा कवर की तरफ भेजा है कप्तान सुदीप ने, और थर्ड मैन अगर आप देखें सर्कल के अंदर है तो ज्यादा रूम ऑफ साइड पे दे नहीं सकते यहां पे ध्रुव, और यहां पे आप बढ़िया गेंद, चकमा दिया, कदमों का इस्तेमाल करके आगे आना चाहते हैं पृथ्वी, लाइन बढ़िया, ज्यादा रूम नहीं ध्रुव द्वारा। त्रिशा इज हैप्पी इनफ, थैंक यू फॉर द स्माइल, 184 योर टीम हैज स्कोर्ड सो फार एंड स्टिल 4 बॉल्स लेफ्ट, वी गिव यू 10 रन्स फॉर दैट स्माइल। सिर्फ एक ही रन देना चाहिए, वेल फील्डेड,
और अच्छी चीज ये भी अब चारों कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए कि अब नए बल्लेबाज जो भी क्रीज पे आए, रमना वो स्ट्राइक पे आए, पृथ्वी अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे। और अगर यहाँ ध्रुव ध्यान से और दिमाग से बॉलिंग करें तो रमना को बॉल छूनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये नए आए जैसा आपने कहा और गति काफी तेज है। और लगता है कि सुदीप ने हेलमेट पहनी क्योंकि वो आगे आकर विकेट कीपिंग करना चाहते हैं, विच इज नॉट अ बैड मूव, बट ध्रुव विल हैव टू मेक श्योर ही इज ऑन लाइन। कहां गेंद डालते हैं ध्रुव, ये देखने वाली बात है। इस बार अक्रॉस द लाइन खेला, गेंद हवा में, जो रमना करना चाहते वही किया, बढ़िया शॉट। और उनके बल्ले से इस संस्करण में उनका पहला चौका आता हुआ। Was a slog, but he caught it well, and Dhruv will be disappointed. ये मौका था तेज गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन सिर्फ चार पांच स्टेप से एक धीमी गति की गेंद की। 189, one two balls to go. That's the better speed. और अगर क्योंकि बल्ले के बीच में नहीं लगी, क्या दो रन लेने की कोशिश करेंगे और लिया। Throw was not that good. Two runs completed. और तीसरा भी लेना चाहते हैं। Non strikers in. और आउट, लेकिन दो रन पूरे किए, सिर्फ एक ही गेंद बाकी है, सो दैट वाज ओके। और यहां पे जो सोच है पृथ्वी की, उसकी दाद देनी होगी। और जिस गति से वो दौड़ रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं स्ट्राइक पे वापस जाऊंगा तो बेहतर रहेगा, यही सोचती दो रन लेने के बाद कि मैं स्ट्राइक पे वापस आऊं। देखिए किस गति से दौड़ रहे पृथ्वी और रमना दूसरी तरफ काफी धीमी चाल चलते हुए। जब उनने दूसरा रन पूरा किया, वो स्ट्रगल कर रहे थे दूसरे रन के लिए, और उसके बाद पृथ्वी दौड़ लिए, कह रहे आप दौड़ते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता विकेट का। और अंत में विकेट गंवानी पड़ी रमना को और वापस जाना पड़ा, पर पृथ्वी अभी भी स्ट्राइक पर रहेंगे और उन्होंने अपनी विकेट सैक्रिफाइस की। चेन्नई रैनोस के लिए आखिरी गेंद, एक्स्ट्रा कवर पर सिर्फ एक ही मिलना चाहिए। द थ्रो शुड कम इन क्विकली, एक और रन आउट की गुंजाइश, लेकिन रन आउट भी नहीं, एक कोलिजन भी। एंड आई होप एवरीबॉडी इज ओके। सुदीप जमीन पर, आई होप ही इज ऑल राइट। कोलिजन जरूर हुआ जैसे पृथ्वी ने डाइव लगाई। We have plenty of medical staff here, doctors, DM, physio भी है। जल्दी से मैदान पर आएं और अपने कप्तान की देखभाल करें। ये देखिए पृथ्वी, ऑफ कोर्स रनिंग, बैट वैट भी नहीं था, और जैसे ही सुदीप अंदर की तरफ आए, हाथ लगा हेलमेट पर, थोड़ी चोट जरूर लगी होगी, लेकिन बट आई होप ही इज ओके। और एक चीज चारों आप देख सकते हैं, जो कमिटमेंट लेवल्स हैं, जिस प्रकार वो दौड़ रहे हैं, जिस प्रकार अब सुदीप भी रनआउट करना चाहे थे, अभी जरूर जमीन पे है, पर बहुत ही बढ़िया उन्होंने कार्य किया विकेट के पीछे, दो बहुत ही बेहतरीन कैचेस पकड़े, और हम यही उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक है उनके साथ, क्योंकि अब कप्तान है इस टीम के। फिलहाल कोई बहुत बढ़िया संकेत नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अब ग्राउंड पे है, पर 20 ओवर जैसे हम कह रहे हैं वो समाप्त हो चुके हैं। 193 रन 6 विकेट नुकसान पे, चेन्नई राइनोज खुश होंगे। और लुक एट द सुपर फोर्स, it all started from the beginning, Vikrant doing his best and bowlers ko badi tezi se chauke chakke mare ja rahe the, and specially pacers, medium pacers, inko bilkul nahi bakhsha gaya. It was only when the spinners came into the picture, run rate thoda sa kam hua, but these are some awesome boundaries hit by Chennai Rhino batsmen. These were the shots that were played through the carpet. And of course, cricket dekhne ke liye aao aur lambe lambe chhakke na dekho. Are aisa ho nahi sakta yaar, bhai na kaal ke chhod rahe Shashi Kapoor style mein aapko batao. Aaiye dekhte hain Super Sixers. Oh!
That's right, here we go. The big one, first up, flat six. Off के साइड में ऐसे छक्के मारना ये इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारे ये चेन्नई के सुपरस्टार्स ने किसी को भी नहीं छोड़ा, लंबे लंबे छक्के, सुपर सक्सेस, वी ऑल एंजॉयड इट. Do you know where the party is tonight? The party is at the Chinnaswamy Stadium, Bengaluru. That's right. Karnataka Bulldozers ab apni innings ki shuruaat karte hue, aur agar aapko lag raha tha ki aaj ki sham Chinnaswamy Stadium mein log ki bheed kafi zyada thi, now it's gonna be even bigger because unki favorite team, unki home team ab ballebazi karne wali hai. And I really don't know why in India or all over the world batting side is considered to be much more stronger. Batsmen are supported more. Pradeep, left-hand batsman, two match 73 run bana chuke, ek shandar 50 unhone banayi hai. And lamba chada strike rate, highest score 73 versus Bengal Tigers. That's what happened last here at the Chinnaswamy Stadium. And of course, ये इनिंग्स शुरू हो चुकी है और शुरुआत एक वाइड के साथ. अजय मेरे साथ यहां पे स्टूडियोज में. अजय, व्हाई डू यू थिंक दैट बॉलर्स को इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती जितनी बल्लेबाजों को मिलती है? तो एक लॉन्ग बड़ी पुरानी डिस्कशन है. बिल्कुल सही कहा, और मतलब ये हमेशा चलता रहा है, क्योंकि अगर आप कोई पांच विकेट लेता है तो आप जो 100 रन करता है बल्लेबाज को ज्यादा अहमियत देते हैं. मतलब ये एक लगातार चलती आ रही चीज है, पर बॉलर्स की जो मेहनत है वो अलग प्रकार की रहती है. फिलहाल ये शुरुआत है, कोई बहुत बढ़िया नजर नहीं आ रही शिवा द्वारा. थोड़ी सी अपनी लाइन और लेंथ को काबू में रखना होगा, क्योंकि ये जो रन है, एक एक रन इस मुकाबले में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. एब्सोल्युटली. और सुदीप वहां पर विकेट कीपिंग करते हुए आखिरी गेंद पर इंजर्ड हुए थे, एंड आई एम श्योर वो इंजरी से निकल कर जल्द वापस आएंगे. एंड आज एज अ बैट्समैन ही विल हैव टू प्ले अ कैप्टन्स नॉक 194. दैट्स अ ह्यूज टोटल टू चेस. वेल बोल्ड, लाइन लेंथ वापस पाते हुए. और यही करना होगा, क्योंकि अगर दोनों बल्लेबाजों की बात करें, प्रदीप और ध्रुव दोनों ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं आक्रामक शैली में. और देखिए तमाम जो दर्शक आए हैं, क्या बढ़िया यहाँ पे माहौल, एक एक जगह यहाँ पे पूरी तरह से भरी हुई है, स्टेडियम पैक नजर आ रहा है और पूरा लुत्फ उठा रहे हैं इस मुकाबले का, बड़े हाई वोल्टेज मुकाबले का. भाई फिल्मों में अगर ये एक फिल्म शूट चल रही होती तो ये भाड़े की जनता होती, जिनको बाहर से लाया गया होता, बड़ा खर्चा होता, लेकिन ये पैसा खुद खर्च करके आए हैं. बिकॉज दिस इज वेयर द बेस्ट कॉम्बिनेशन कम्स अलाइव, सिनेमा एंड क्रिकेट. और ये भी जानते हैं मंत्रा कि ये जो फिल्म स्टार्स हैं, जो दिग्गज फिल्म स्टार्स हैं, वो अच्छा खेलते हैं. उनको ये नहीं कि खाली ये टाइम पास कर रहे हैं, इनके पास क्षमता है, प्रतिभा है, लगातार ये चौथा संस्करण है, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है. और ये दो टीमों का क्या बात कर रही है, मतलब दोनों चैंपियंस रही हैं. फिलहाल अब ध्रुव अब स्ट्राइक पे आते हुए ये गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं, और इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. चेन्नई राइनोज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 193 रन बनाए, हालांकि एक वक्त पे लग रहा था कि आराम से 225 तक का स्कोर जा सकता है, बट थैंक्स टू द स्लो बॉलर्स ऑफ कर्नाटक बुलडोजर्स दे पुल्ड देम बैक. वाइड का इशारा, विकेट कीपर दौड़ते हुए अंपायर से गले लगने के लिए आए थे, लेकिन मना कर दिया अंपायर ने. ये भूलना नहीं है हमें कि ये सब एक्टर्स हैं एंड they really know how to play it subtle. ये और अच्छी चीज जो मुझे नजर आई स्क्रीन पे कि अब सुदीप ने पैड डाले हुए हैं आखिरी गेंद पे, थोड़े चोटिल हुए थे. एक बार फिर वाइड का इशारा है बाहर का, थोड़ी सी लाइन से भटक रहे हैं लगातार, अब इस पे काबू रखना जल्द से जल्द बहुत जरूरी लगता है. शिवा ने वार्म अप नहीं किया गेंदबाजी करने से पहले, ढेर सारी लूजनर्स एंड दिस इज नॉट व्हाट यू नीड नाउ. शुरुआत अगर ऐसी है तो अंजाम क्या होगा? मुझे लग रहा है इस मुकाबले में वैसे इतनी गर्मी है, जो भी खिलाड़ी अंदर जाता है अपने आप वार्म अप हो जाता है. ऑफ कोर्स इस ओवर में दो तीन चार वाइड, बल्लेबाज चूके, ऐसी कोई खास गेंद नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद एक चीज ध्यान में रखनी है कि गति बहुत कम. मेरे ख्याल से चेन्नई राइनोज समझ चुके हैं कि पेस पे कंट्रोल करना पड़ेगा.
ये और बहुत जरूरी है अगर कर्नाटक बुलडोजर्स की बात करें अब कि मंत्रा उनको अच्छा स्टार्ट मिले, क्योंकि ये बड़ा स्कोर एक चेज कर रहे हैं, शुरू में विकेट गवा देंगे, दबाव उनके ऊपर आएगा। वेल प्लेड, बल्ले पर आई गेंद, चलो पहला रन बल्ले से निकला। पहले ओवर की चार गेंदें फेंकी जा चुकी हैं और सात रन ऑलरेडी बन गए हैं, चार वाइड्स। चिन्नास्वामी स्टेडियम से लाइव है हम इस वक्त सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का ये धमाकेदार मैच लेके, चैंपियन टीम्स चेन्नई राइनोज एंड कर्नाटका बुलडोजर्स। इस बार अक्रॉस लाइन खेलने का प्रयास, अपील की थी पर निश्चित तौर पर गेंद लेक्सन को मिस करती, जिस एंगल के तहत गेंदबाजी करते शिवा, लेग बाय का इशारा एम्पायर का। मैं हमेशा से अब सोच में रहता था कि ये जो टीम्स के नाम होते हैं ये कैसे सोच समझ के रखे जाते हैं, मतलब कुछ तो एंगल होगा, राइनोज बुलडोजर्स क्यों, राइनोज मिलते हैं चेन्नई नहीं? ओहो, बुलडोजर शॉट। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, एक ओवर के समाप्ति पर 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। Nicofix CCL powered by Parlay 2020 cookies and Panasonic. CCL ke score and trivia ke liye aap agar MTS user hain to dial kar sakte hain 52020. Yaar sari khabar aap le sakte hain, kya scores hai, kya ghat raha hai CCL mein, aur kafi kuch aapko bata sakte hain. Abhi kuch ghata hai, Vikrant dusri taraf se aate hue, Parlay 2020 cookies end se aate hue, right arm medium fast, ballebazi mein apne johar dikhaye the, ab dekhna hoga gain se kya karte hain. शुरुआत काफी बढ़िया, विकेट विकेट गेंदबाजी करते हुए अगर अपने बेसिक्स से जुड़े रहे तो फायदा ही मिलेगा, लेकिन कर्नाटका बुलडोजर्स उनमें से नहीं जो केवल बेसिक से काम चला ले। ये देखिए प्रदीप का शानदार शॉट, लफाटा। और आप लफाटे के साथ क्या कहते हैं, लवरेज शॉट। लवरेज शॉट सर, मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है सर, उसका नाम लबरेज से मिलता जुलता है सर, टोपी पहन के सर कमेंट्री बॉक्स के अंदर घूमता रहता है सर, काम क्या करता है किसी को नहीं मालूम। पर क्या वो भी छक्के मारते हैं? वो सर कुछ और। अच्छा, मतलब मच्छर मारते हैं सर वो, कुछ नहीं करते। अरे वी गॉट एन अमेजिंग प्रोडक्शन टीम, वी गॉट एन अमेजिंग बैक एंड टीम, टेक्निकल टीम, एंड थैंक्स टू द टेक्निकल टीम एंड द बैक एंड टीम फॉर ब्रॉडकास्टिंग दीज मैचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। Oh, what a shot! सीधा इंसान हूं मैं, सीधी बात करता हूं, सीधा शॉट। और ये क्रिकेट में मंत्रा सबसे सेफ शॉट है, बिल्कुल कारपेट के सहारे। क्या बढ़िया गेंद के पिच तक गए, सीधे बल्ले से खेला, कोई ज्यादा जोखिम नहीं, और टाइमिंग की दाद देनी होगी। ये क्षमता है ध्रुव में, ये प्रतिभा है उनमें, तीन गेंदों का सामना किया है, उसके बाद अपना खाता खोलते हुए स्टाइल से, और देखिए वहां प्रतिक्रिया, पूरा एक खेमा, पूरा एक डगआउट कितना प्रसन्न। और किचा की आदत है कि वो अपनी टीम को हमेशा उत्साहित रखते हैं, प्रेरित रखते हैं कि भाई चलते रहो चलते रहो, अपनी टीम को सपोर्ट करो। सिंगल डिमांड, लेकिन प्रदीप ने मना किया। अच्छा मंत्रा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मतलब आप सुबह कह रहे थे कि मैं क्रिकेट खेला हूँ, क्या करते थे, गेंदबाजी या बल्लेबाजी? मैं गेंदबाज था सर, और मैंने अपनी जिंदगी में गेंदबाजी को बहुत पूजा है, मतलब एक तरीके से मैंने सोचा करता था कि यार बैट्समैन हमारे दुश्मन है, एंड ऑफ कोर्स बड़ा बॉल तोबा एक वक्त पे हिंदुस्तान की सबसे तेज गेंदबाजों में हमारा नाम शुमार था।
लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसे काम हो गए सर कि क्या बताएं आपको, लेकिन आज भी मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल ये मौका छोड़ूंगा नहीं और मैदान के बीचों बीच जरूर जाऊंगा। नेक्स्ट ईयर के लिए बेस्ट विशेस दीजिए सर, कोशिश पूरी जारी है। बिल्कुल, हमारे बेस्ट विशेष शुभकामनाएं आपके साथ। पर तभी आपकी फीलिंग्स नजर आए थे गेंदबाज के लिए, आप यही कह रहे थे कि जो बल्लेबाज है उनको यादा कहीं ना कहीं या वो निगाह में आते हैं, यादा उनका नाम होता है जब वो रन बनाते हैं, जो बॉलर्स हैं उनको जो तवज्जा मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं। एंड सर, मैं जानबूझ के ज्यादातर इंटरनेशनल मैचेस देखना पसंद करता हूँ जहां पर विकेट्स ऐसे हों जहां पर गेंदबाजों को मदद मिला करती है, स्पेशली पेस बॉलर्स को, बिकॉज इट्स अ प्लेजर टू सी फास्ट बॉलिंग एंड पेस बॉलिंग। इसी के साथ आखिरी गेंद दूसरे ओवर की, 21 रन बना चुके हैं। मैं न्योता देता हूँ, मेरी क्रिकेट एकेडमी है दिल्ली में, आप आइए वहाँ थोड़ी सी आप ट्रेनिंग करिए और कहीं ना कहीं आपको और सुधार आएगा आप में। सर मैं नौकरी पेशा सब छोड़ छाड़ के पहुंच जाऊंगा, आप जान मैं दीवाना हूँ सर। ओहो वेल प्लेड बट स्ट्रेट टू द फील्ड। इसी के साथ ओहो गुड थ्रो, दूसरे ओवर की समाप्ति, 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। Welcome back, late. Nico Fix CCL powered by Parlay 2020 Cookies and Panasonic. भारत आ चुके हैं दोस्तों, और भारत जो करता है वो दिल प्रसन्न करता है। गया और देखना होगा भारत क्या करते हैं, क्योंकि अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, अभी तक दो ओवर काफी पक्ष में रहे हैं कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम के लिए। स्ट्राइक पे ध्रुव, मीडियम फास्ट गेंदबाजी, यहां से लाइन से भटकते हुए यहां पर रन मिलेंगे, कोई बहुत बढ़िया शुरुआत है भारत के लिए। चार रन और मिलते हुए एक एक रन, यहां पे जो समर्थक है कर्नाटका बुलडोजर्स के उनकी प्रसन्नता बढ़ाता हुआ। और जैसे ही है एक कोई भी चौका लगता है जो कप्तान है सुदीप, वो उड़ जाते हैं और अपने अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर सीसीएल के 92.7 बिग एफएम नंबर वन रेडियो स्टेशन भारत का। अ गुड मैच गोइंग ऑन, वेल प्लेड कर्नाटका बुलडोजर्स आर ऑन द वे। मैं बताऊं मंत्रा, सबकी धड़कनें काफी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब ये मुकाबला सभी जानते हैं काफी रोमांचक का मोड़ लेगा भाई। डेफिनेटली ये मैच आखिरी ओवर तक जाने की संभावना, लेकिन अगर इस किस्म से गेंदबाजी करते रहे तो ओवर खत्म कैसे होंगे भाई। क्या वाइड अभी तक काफी रही हैं और अब ये जो एक्स्ट्रा है अंत में ये महंगे पड़ सकते हैं चेन्नई राइनोज के लिए।
इस पे काबू रखना, इस पे अब कहीं ना कहीं अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। एक्स्ट्रास की हम बात कर रहे थे, 9 एक्स्ट्रास अभी तक। तीसरा ओवर तक खत्म नहीं हुआ, एक और। दिस इज प्रेशर। मैंने चेन्नई राइनोस को वार्म अप करते देखा, लेकिन इनके गेंदबाज केवल कैचिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, फील्डिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। वेरी फ्यू ऑफ देम एक्चुअली बोलिंग, जो कि बहुत जरूरी होता है। आप बल्लेबाजी करके अभी अभी वापस आए हैं, यू नीड टू वार्म योरसेल्फ अप। और भारत का देखे तो यादा कोई बहुत बड़ा रनअप नहीं है, फिर से वाइड का इशारा एम्पायर का, लगातार चूक रहे हैं, गलती कर रहे हैं। लग रहा है कोई थोड़ा सा प्रेशर भी है, थोड़ा सा अलग प्रयास भी करना चाहते हैं, ऑस्टम की बाहर की लाइन रखना चाहते हैं ध्रुव के विरुद्ध, और उसमें शायद कामयाब भी उनको हासिल नहीं हो रही अभी तक। सर इस लेवल में वो नहीं होता, हम लोग जो करते हैं बेबी ओवर। बेबी ओवर का फंडा नहीं है सर, तीन तीन बॉल वाला। हमारा तो ऐसे ही होता सर, गली में जैसे कोई ज्यादा वाइड फेंक रहा है, बेबी ओवर हटा उसको। वहां कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ी सहायता मिलती है गेंदबाज को, पर यहां नहीं। A good one by Charu Sharma. He says this could be the maybe over. Well played. Pradeep aur Dhruv ne shuruaat to achhi kari hai, lekin usse kahin zyada behtar shuruaat gendbazon ne kari hai wides de dekh ke. Samajh mein nahi aa raha hai, wo Chennai Rhinos ki taraf se khel rahe hain ya किसे SMS कर रही हो? टीट टीट टीट। अरे मेरे को मैसेज आया, आपका बिल 2 महीने से नहीं भर। ओ सॉरी, अरे कम ऑन भारत, गेट इट बैक भारत, कम ऑन। कई उनके कोच को तो नहीं कि ये बहुत एक्स्ट्रास कर रहे हैं, आपने क्या कराया इनको अभी तक? जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो इतनी वाइड्स कर रहे हैं अभी, कई उसमें सुधार क्यों नहीं लेके आए आप? Very well played. The ball will beat the fielder. और इसी के साथ चौका। ये उंगली की एक्सरसाइज खींचा और एक गेंद स्टंप्स पे की, वो भी लेग स्टंप पे, और उसका लाभ उठाया बल्लेबाज ने। अच्छा प्रयोग करते हुए गैप में खेला, बहुत ही बढ़िया शॉट बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रदीप द्वारा, 4 रन अर्जित करते हुए। चेन्नई रॉयल है उसका, देखिए खेमा ज्यादा खुश नहीं, चिंतित चिंतित अभी शुरू से ही। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद शायद, अगर भरत का मूड हुआ तो। हाँ सही है, तुम अपील कर लो। वो अंपायर मतलब वैसे ही चश्मा पहन के खड़े हैं वहां पे, सब मालूम है। चौका, एक रन वाइड, एक रन वाइड, चौका वाइड, क्या हो रहा सर ये? 5 गेंदें डाली हैं और 5 वाइड भी डाले हैं, तो कितनी गेंदें होगी? 10, खाली 10। चलो ओवर खत्म हुआ, मेरे बाल सफेद हो गए। 3 ओवर की समाप्ति, 39 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। Nicofix CCL powered by Parlay 2020 Cookies and Panasonic Celebrity Cricket League, क्रिकेट का एक नया रूप। अरे अचानक से अंपायर ने बीच में रोक, अच्छा बल्लेबाज के चक्कर में हुआ। इस साइड स्क्रीन के पास में अवनीत तो नहीं घूम रही? वो अवनीत घूम रही हो तो 100% वो दिवाली पर जो मिर्ची लाइट्स लगती ना, वो लपेट के तो घूम रही वो। ओहो वाइल्ड स्विंग,
पता चले ऊपर चंद्रमा से एलियंस अगर पृथ्वी पे देख रहे हैं तो उनको केवल अग्नि दिखाई देगी टमटमाती हुई। अरे नहीं, हम जिसे देख रहे हैं उसे कौन देखेगा। ब्यूटीफुल सपोर्ट फॉर चेन्नई राइनोज बट कर्नाटक बुलडोजर्स आर नॉट फार बिहाइंड। Yes, you're right. I think this is the kind of start that they needed because they're chasing a big score. It's not a small score, still requiring 155 more to win of 100 deliveries. But this is just the kind of start the openers have provided them. But just see this for a setting. Perfect setting for a cricket match. High voltage match, this one. Karnataka Bulldozers ki taraf se teenon ballebaaz ne shandar ballebaazi ki hai. Pradeep Dhruvar extra. Oh, shot! बहुत अच्छा हुआ रोक ले। रोक क्या लिए सर, रस्ते में आ गए, इस चक्कर में रोकना पड़ा, नहीं तो और होता तो धीरे से कहीं और पतली गली पकड़ के निकल लेता। हाँ वो रस्ते में आया, ये पता नहीं पा रहा कहीं ना कहीं। आप बढ़िया फील्डिंग अंत में और निश्चित तौर पे रन बचाए अपनी टीम के लिए। वो नी पैड पे ना असर बच गया, दूर से दिख रहा है एक्चुअली। तक वो जो बुरा ओवर किया ना उसकी सजा दी है। और वही जानता है खेमा भी कि आप कहीं ना कहीं आप रन बचाया वहां पे। ये बढ़िया गेंदबाजी विकेट टू विकेट विक्रांत द्वारा। ज्यादा कुछ बल्लेबाज को मौका मिलता नहीं अपने हाथ खोलने का और यही करना होगा। इसे पूर्व एक ओवर डाला था विक्रांत ने जिसमें 7 रन उन्होंने खर्चे थे। और आप सब हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, ट्विटर है CCL संस्करण 4। वेल एक्चुअली दिस इज द हैशटैग CCL4। इफ यू हैव टू फॉलो अस ऑन ट्विटर इट्स CCL, दैट्स द ट्विटर हैंडल। एक चीज मंत्रा जो इनके पक्ष में भी जाती है कर्नाटक बुलडोजर्स के, कि जिस प्रकार आपने चेन्नई राइनोज को देखा कि एक लंबी बल्लेबाजी क्रम उनके पास है, वही कर्नाटक बुलडोजर्स के पास भी है इस मुकाबले में। अपने दमखम की वजह से बल्लेबाजी के पिछला संस्करण उन्हें जीता था। फिलहाल ध्रुव स्ट्राइक पे, एक बार फिर बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल विकेट टू विकेट, तेज से रन दौड़ा, अंतिम गेंद पे एक रन मिलता हुआ 43 बिना किसी नुकसान के। Welcome back, ladies and gentlemen. Goa Nicofix CCL powered by Parley 2020 Cookies and Panasonic. Karnataka Bulldozers or Chennai Rhino ke beech ye ghamasan yuddh chal raha hai. Ye do teamein pehle bhi kai baar bhid chuki hain, CCL ke pichle tournaments jeet chuki hain. Naye gendbaz ne shuruaat karni hai Shantanu. Chennai Rhinos ki taraf se right arm medium bowling from Parley G end. Let's see what he's got under his sleeve. Strangely, I have a feeling Chennai Rhinos ne aaj gendbazi ke liye bilkul bhi practice nahi ki hai, na hi warm up kiya hai. I think they took their batting little too seriously. ये बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है कि अगर आप एक्स्ट्रास की बात ही करें, 14 एक्स्ट्रास अभी तक आ चुके हैं, इसका मतलब 30 रन बल्ले से आए हैं और बाकी जो शेष रन है वो एक्स्ट्रास के रूप में। एंड द मोमेंट आप इतने सारे वाइड्स और एक्स्ट्रास देने लगते हैं तो आप अपनी बॉलिंग पर कॉन्सेंट्रेट करना छोड़कर बस इतना सोचते हैं कि बॉल किसी तरीके से बल्ले तक पहुंचा दो। ना पेस, ना कोई स्ट्रैटेजी, केवल बैट तक पहुंचाना आपका मकसद रह जाता है और बैट्समैन जानता है कि यार बॉलर अंडर कॉन्फिडेंट है, खेलो।
कई दफा मंत्रा पर आसान नहीं ले सकते, आप ये नहीं सोच सकते कि आपने इतना बड़ा स्कोर बनाया मुकाबला जीत जाएंगे, कंप्लेसेंट नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं आपको बने रहना है, अच्छी गेंदबाजी करनी है। अगर विकेट हाथ में रहेंगे कर्नाटक बुलडोजर्स के लिए इस मुकाबले में, कम से कम मुझे लगता है कि अब जब 10 ओवर के बाद अगर आप 7 या 8 विकेट उनके पास है तो ये मुकाबला कहीं भी जा सकता है, कोई भी रुक ले सकता है। Alright then, कोशिश थी भरपूर लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं आई। कर्नाटक बुलडोजर्स ने क्या शानदार बल्लेबाजी की थी 3 दिन पहले यही इसी मैदान में। Take a look, ladies and gentlemen. These are the stars who make stars superstars. Yeah, मैं बात कर रहा हूँ इस जनता की जो इन खिलाड़ियों को, इन लोगों को, इन एक्टर्स को भगवान बनाते हैं, खुदा बनाते हैं और इनके नाम के मंदिर बनते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि असली स्टार्स ये जनता है। बिल्कुल सही कहा। और आप देखिए कितनी बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे, लाइन बहुत बढ़िया थी, आप बड़ा शॉट के लिए गए थे, ध्रुव पूरी तरह से बीट हुए, चकमा दिया गेंदबाज ने। अगर यहीं पे गेंदबाजी करेंगे तो इतना आसान नहीं रन बनाना। हम देख रहे हैं इस विकेट में उछाल है जो कि अब फायदेमंद साबित होती है बल्लेबाज के लिए, पर उछाल के साथ जो तेज गेंदबाज है उसको भी लाभ मिलता है। छोटी गेंद, मोटा शॉट और ये उंगली की एक्सरसाइज एक बार फिर। और इस स्ट्रोक के साथ 50 रन पूरे होते हुए कर्नाटक बुलडोजर्स के, फिर से पटकी हुई गेंद, काफी समय मिला ध्रुव को जो कि काफी स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं, उसको पुल किया बिल्कुल सही नसीहत देते हुए इस खराब गेंद को। अच्छी लय में नजर आ रहे हैं ध्रुव, दोनों बल्लेबाज फिलहाल 18 के योग पे। एक बार फिर से भरत को टारगेट करती हुई गेंद, ये गेंद बाहर हो जानी चाहिए थी बाउंड्री के लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर पाए। और इस वक्त अब तक की पार्टनरशिप 52 रन 30 गेंदों का सामना करते हुए, जिसमें से आधे से ज्यादा रन तो एक्स्ट्रास के थे, तो तीसरे में एक्स्ट्रास का भी फोटो लगाओ ना यार। आखिरी गेंद इस ओवर की, ऑलराइट, इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति पर 53 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। पांच ओवर के बाद ज्यादा अंतर नजर नहीं आता हुआ चेन्नई राइनर्स को स्कोर था 59 रन के नुकसान पे। कर्नाटक बुलडोजर्स ने कोई भी विकेट नहीं गवाया और 53 रन बना ले हैं, तो मात्र 6 ही रनों का अभी अंतर नजर आता हुआ, और यह दर्शाता है कि यह मुकाबला अभी पूरी तरह से ओपन है, किसी भी पक्ष में जा सकता है। टारगेट 194 का, फिलहाल अब गेंदबाजी में इतनी धार नजर नहीं आई, काफी वाइड की है चेन्नई राइनर्स के गेंदबाजों ने। मंत्रा गए हैं चाय पीने के लिए और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं चारू शर्मा, एक बार फिर स्वागत है आपका। धन्यवाद अजय, जिस तरह की शुरुआत की जरूरत थी कर्नाटक बुलडोजर्स को उससे ज्यादा ही मिली उन्हें। 5 ओवर में 53 रन, कौन सोच सकता था कि चेन्नई राइनोज की शुरुआत की बॉलिंग इतनी वाहियात रहेगी। लेकिन आपको एक सीसीएल का रूल मैं बता दूं इस साल का, जो शायद जिम्मेदार है उस तरह की बॉलिंग का, पहले 6 ओवर्स में यानी कि पावर प्ले में सिर्फ कैटेगरी 1 स्टार्स कैन बैट एंड बॉल। तो और वो इसलिए रूल लाया गया था क्योंकि जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो कभी कभी उनको बल्लेबाजी नहीं मिलती थी, गेंदबाजी करने को नहीं मिलती थी, अप इन द एयर बट शुड लैंड सेफली। तो इसलिए कभी कभी ऐसे बल्लेबाज या गेंदबाज होते हैं जो शायद रेगुलर ना हो लेकिन कैटेगरी 1 के स्टार्स हों, और उन्हें अनिवार्य है कि पहले 6 ओवर्स में बॉलिंग की जाए। तो इसलिए कभी कभी पहले 6 ओवर्स में इस बार इस एडिशन में काफी रन बन जाते हैं या काफी विकेट भी गिर जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, और शायद यही कारण है कि काफी वाइड देखने को मिल रही है। अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से आप लाइव बात कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव फॉर MTS यूजर्स, और आप डायल कर सकते हैं 505-505 और बात कर सकते हैं कुछ भी टॉपिक पे। जो चाहे सवाल कीजिए या सिर्फ एक कमेंट, लेकिन फोन जरूर कीजिए, MTS यूजर्स के लिए खास सर्विस है।
5-0, 5-0, 5. Oh, not a very good ball from Shiva. Rostam ki kafi bahar se khicha leg stump. Leg stump kya? Onside par 4 run ke liye. Pradeep ke balle ke beech se nahi lagi. लेकिन फिर भी बहुत शक्ति थी उस शॉट में. ये बिल्कुल सही कहा, टाइमिंग कोई बहुत बढ़िया नहीं, पर अब अच्छी चीज की अब गैप में खेला. और कहीं ना कहीं अब जब भी आप गैप भेदने में सफल रहते हैं तो आपके पक्ष में रहता है. 4 रन मिलते हुए पांचवा चौका अभी तक इस पारी का, एक छक्का भी अब इस पारी में लगा है. शिवा आमतौर से काफी किफायती गेंदबाज रहे चेन्नई राइनोज के लिए, लेकिन आज चेन्नई राइनोज की गेंदबाजी कुछ भी नहीं चल रहा. सिर्फ विक्रांत ने अच्छी गेंदबाजी की अब तक. सीधा एक्स्ट्रा कवर को थ्रो अच्छा नहीं था, नहीं तो प्रदीप मुश्किल में पड़ जाते. या अगर अब थ्रो सही रहता और कहीं ना कहीं अब क्योंकि बैकअप भी कर रहे थे गेंदबाज तो मुश्किल में रह सकते थे, पर कोई बहुत बढ़िया थ्रो नहीं. शिवा अब अभी अब अपना दूसरा ओवर डालते हुए 19 रन दिए हैं, थोड़े महंगे साबित होते हुए. और फील करके थ्रो किया था कप्तान ने विशाल ने, तो कोई कुछ बोल भी नहीं सकता कप्तान को. लॉन्ग लेग, वेरी बैड बॉलिंग और डाइव जरूर लगाई लेकिन बॉल के ऊपर से 5 रन और अतिरिक्त रनों ने तो बिल्कुल चेन्नई राइनोस के इस टोटल को खासा लिया है. और ये बहुत बड़ी मुश्किल है चारों के सामने, क्योंकि आप एक तो आप बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, ऊपर से आप ये अतिरिक्त रन दे रहे हैं, दिशा नहीं पा पा रहे, बहुत ही खराब लाइन. और दिक्कत ये भी है कि जो विकेट कीपर है बिल्कुल करीब स्टंप्स के, उसकी भी मुश्किलें बढ़ जाती हैं. हालांकि प्रयास अंत में जरूर किया था शॉट फाइन लेके अब खिलाड़ी ने भी, पर अब 4 रन और मिलते हुए 19 रन अतिरिक्त फिलहाल. एक बार फिर लेग साइड पर जाती हुई गेंद, स्क्वायर लेग के बाएं से तेजी से होते हुए बाउंड्री. शिवा क्या, किस तरह का प्रेशर आज समझ में नहीं आ रहा. अच्छे गेंदबाज हैं शिवा चेन्नई राइनोज के लिए, लेकिन एक बार फिर लेग साइड की तरफ गेंद एंड फ्लिक. यह सही कहा चारू, ना केवल शिवा की बात करें पर अगर आप देखें भरत भी महंगे साबित हुए हैं, शांतु भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और ये एक बहुत बड़ी समस्या रहेगी कप्तान के लिए. ये आखिरी ओवर है पावर प्ले का और 68 रन बन चुके हैं. इसी मोड़ पर चेन्नई राइनोज ने भी 64 रन बनाए थे, तो एक तरह से साथ ही साथ चल रहे हैं दोनों टीम्स. फिर लेग स्टंप की तरफ और ध्रुव अपनी काबिलियत दिखाते हुए और फील्डिंग में थोड़ी सी गलती, 2 रन आसानी से लिए. यार तालमेल बहुत बढ़िया नजर आ रहा है दोनों बल्लेबाजों के बीच में, प्रदीप और ध्रुव के बीच में आंखों ही आंखों में इशारा. पहला रन तेज से ले रहे हैं, उसके बाद दौड़ लेते हैं दूसरे रन के लिए. एक और महंगा ओवर साबित होता हुआ यहाँ पे शिवा का, 17 रन दे चुके हैं 5 गेंदों में. अब ये आखिरी चीज है जो कप्तान चाहता है कि इतने रन शुरू में आ जाए. पर एक चीज निश्चित है चारू की, ये रन चेज बिल्कुल सही चलते हुए कर्नाटक बुलडोजर्स के लिए अभी तक. जी हाँ, चेन्नई राइनोज ने एक विकेट खोया था पहले पहले, लेकिन कर्नाटक बुलडोजर्स ने एक भी विकेट नहीं खोया. एंड अ फ्लिक विल फेच हिम अनदर 4. शिवा फिर डाउन लेग और ध्रुव हैज शोन हिज क्लास विद दोस फ्लिक्स. एंड ऑफ द 6th ओवर इन पावर प्ले, वी गॉट 74 फॉर नो लॉस कर्नाटक बुलडोजर्स. Celebrity Cricket League Season 4. We are right here at the Chinnaswamy Stadium in Bengaluru, chasing a score of 194. The Bulldozers putting up a great fight out here. With me, I have former India cricketer, Mr. G.R. Vishwanath. A very, very warm welcome to you, sir. It's a great honor to have you here with us. How are you feeling?
Oh, lovely, beautiful, lovely. And it just happened, we were supposed to play this game in Chennai, but they had to reschedule the venue. But still, you see the crowd, you know, it's full house. So absolutely brilliant, and the cricket is beautiful. The crowd is enjoying, and the Bulldozers coming back into the game. The crowd is really enjoying every bit. So looking at you today takes me back to the 70s, that duration between 70s to 80s, when we used to see what a lovely performance by you from match to match. And today you're here mentoring the Bulldozers. How has that experience been? And what are the quick three tips that you're going to give your team right now, considering that they've still got a long chase to go and they need to pick up on the run rate right now? No, they're doing well at present. It's a very, very huge score, of course, in 2020. You know, almost 200. We're chasing 194, the target. And we're already 75 on the board without losing any wickets. That means good going. Run rate, it really pick it up, you know. It's, but only thing, you shouldn't lose wickets, which that's what they are doing. At the same time, they are scoring as well. It's a gettable score now. Only thing, we have to be calm. I got confident that they are going to finish the match. Sir, three quick tips from you. What are the three things that you tell your team members that they should always keep in mind when they are playing? No, well, they really practice very hard, you know. I've been here for the last couple of years already with CCL, with the Bulldozers. I can see the difference in all the teams, how it was from, first year and second year, how they built up. And now, every year, every team is so keen, and the performance is really lifting all the teams. That is really, really good. And the way they are playing, the spirit is beautiful. I'm really enjoying it. I'm not missing my 70s, 80s cricket, but it's totally a different brand of cricket. Like 2020s, it's beautiful. Thank you, Mr. Vishwanath. Thank you so much. We wish you all the very best with your team. Let the Bulldozers strike it tonight. With that, it's been a fantastic take so far. Keep watching. And now we go back to our commentators. Very cleverly played by Dhrubar, of course. Always a pleasure to see and hear from Gundappa Vishwanath, a huge star for Indian cricket, for those who followed him in the past, but even now. That's a lovely scoop down leg by Dhruv. And Shiva ne bahut koshish ki, lekin rokna chahiye tha. And wakt par pair lagaya, lekin boundary line ko chhuti hui. Dhruv ke liye chauka. 7 run filhal is over se, Ajay. Hello! Fir se wohi shot, fir se gap mein khelte hue. Khiladi deep mein tainat. Matra ek run milega, achhi fielding. 7 ओवर के बाद 82 रन बिना किसी नुकसान के. Pradeep on 25, Dhruv on 38. Wonderful start for Karnataka Bulldozers. But you are watching Goa Nicofix CCL Season 4, powered by Parley 2020 Cookies and Panasonic. 19 atirikt run. Agar kisi cheez ne bilkul Chennai Rhinos ko nirash kiya ho ya unke samarthakon ko, aur ye jo lakshy hai, ye Karnataka Bulldozers thoda pass laya ho, to atirikt run ki sankhya filhal 19. Aur ab kyunki restrictions remove ho gaye hain power play ke, baki gendbaz bhi Chennai Rhinos ke, including their captain now, Vishal, from the Parley 2020 Cookies end. He's not a bad bowler, Ajay. Works up a decent pace, good line and length. Lekin lagta hai ki ek chote run se bowl karna cha rahe hain aaj.
बहुत दबाव है चेन्नई राइनोस पे फिलहाल। बिल्कुल सही कहा, और इनकी भी शुरुआत कोई बहुत बढ़िया नहीं, जैसे आप कह रहे थे अच्छे गेंदबाज हैं, पर दबाव नजर आ रहा है, थोड़ा सा अपने रन अप को कटेल किया है, कम किया है, पर शुरुआत ये क्या कर रहे हैं, मतलब जो भी गेंदबाज आ रहा है हम शुरू से देखे, भरत हो, शांतनु हो, विष्णु हो या फिर विशाल, लगातार संघर्ष करते हुए, सिवाय विक्रांत के शायद, ही इज पॉसिबली द बेस्ट क्रिकेटर, आज बढ़िया पारी दिखाई बल्ले से और गेंदबाजी भी ठीक ही की। रन आउट का और ये लेग बिफोर डिसीजन, ध्रुव रेफर करेंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने देखा जरूर प्रदीप को, प्रदीप ने उनकी सहायता नहीं की इसलिए रेफर नहीं किया डिसीजन, और अंपायर ने काफी समय लगाया, लेकिन ध्रुव आउट लेग बिफोर एक बहुत ही अच्छी पारी का अंत। यह गेंद काफी बढ़िया नजर आ रही थी, बिल्कुल विकेट में डाली हुई गेंद थी, विशाल गेंदबाज ज्यादा कुछ किया नहीं, अब थोड़ा क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया, बल्ले का जो मुंह है उसको मोड़ दिया, और अगर रेफर करते तो कुछ भी हो सकता था, पर फिलहाल ध्रुव वापस जा रहे हैं 38 रन बना के 83 पे एक। तो पहला झटका लगता हुआ कर्नाटक बुलडोजर्स की टीम को, अब ध्रुव वापस गए हैं, पगबाधा आउट हुए और नए बल्लेबाज अब क्रीज पे आते हुए, राहुल 8 ओवर अभी प्रगति पर, अब 83 रन पे एक विकेट गवाया है, और वो सफलता मिलती हुई विशाल को। राहुल ने आज गेंदबाजी ठीक नहीं की, थोड़ा सा चोट भी उन्होंने खाई और इसकी वजह से रनर मौजूद उनके लिए शुरुआत से ही, लेकिन अब मौका है अपने बल्ले से दिखाने के लिए कि क्रिकेटर अच्छे हैं, बल्लेबाज अच्छे हैं। 37 रन बनाए थे अपने पहले मैच में और स्ट्राइक रेट भी काफी बढ़िया, करीब लगभग 130, और अगर आज उसी तरह की पारी खेलें उसी स्ट्राइक रेट से तो बहुत बढ़िया योगदान हो सकता है। यह बिल्कुल सही कहा, और अब जरूरत भी है कि अब तेज गति से रन बनाए, क्योंकि अब ज्यादा वक्त आप ले नहीं सकते, टारगेट एक का विशाल टारगेट है आपके सामने 194 का, लगातार फील्ड में बदलाव करते हुए विशाल, अभी तक शुरुआत उनकी काफी बढ़िया रही है, और अगर विकेट की बात करें, ये थी विकेट अब जो ध्रुव की इनको मिली थी, बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंद, थोड़ा क्रॉस लाइन खेलने का प्रयास किया था, एक बार फिर देखिए, सीधी तो गेंद थी लेकिन मुझे लगता था कि जाल पकड़ने के बाद लेग स्टंप के बाहर जा सकती थी, रेफर नहीं किया ध्रुव ने, सिर्फ एक या दो रन लेंगे, दो रन लेने का बढ़िया प्रयास और थ्रो ठीक नहीं, इसलिए सही निर्णय। यार एक और चीज जो उनके हित में रही चारू वो ये थी कि पहला रन तेज से ले रहे थे, ये कारण कि दूसरे रन के लिए अब लौट पाए, इतना ये दिलचस्प मुकाबला है कि अब कुछ नहीं समझ आ रही, कभी अब करवट इस तरफ बदलती है इस मुकाबले में, कभी उस तरफ, कहीं भी जा सकता है अभी भी। बैड बॉल राउंड द विकेट, लेकिन भाग्यशाली रहे कि और ज्यादा रन नहीं उस बॉल पर स्कोर किया प्रदीप ने, और फाइन लेग भी ऊपर थे तो बड़ी आसानी से चौके का मौका पाया विशाल ने और खोया भी। थोड़े सा बाएं या दाएं निश्चित तौर पे एक बाउंड्री मिल सकती थी, क्योंकि यह आउटफील्ड जो है बहुत तेज गति से गेंद ट्रैवल कर रही है, जरूर कहेंगे कि आप भाग्यशाली रहे यहाँ पे, आप गेंदबाज भी फील्डिंग साइड भी, कि चौका नहीं मिला। बहरहाल अच्छा ओवर विशाल का, एक विकेट भी और कुछ ज्यादा रन भी नहीं दिए,
यहाँ पे रमना एक बार फिर सवाल पूछते हुए, पर एम्पायर बिल्कुल भी प्रभावित नहीं। ओवर की समाप्ति 88 पे एक। ओवर में कर्नाटक बुलडोजर्स ने अपना पहला विकेट खोया। ध्रुव शर्मा काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, 38 रन बनाए उन्होंने तेजी से। आप देख रहे हैं गोवा निकोफिक सीसीएल 4 पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक। प्रदीप अब तक वही है लेकिन उनके साथ नए बल्लेबाज राहुल, उन्होंने शुरुआत से ही एक रनर लिया, वो खबर ठीक नहीं है कर्नाटक बुलडोजर्स के लिए। और अगर इस मैच की तुलना करें अजय, तो चेन्नई राइनोज इस वक्त 8 ओवर्स के बाद 88 पे एक और कर्नाटक बुलडोजर्स 87 पे एक, यानी कि बिल्कुल फर्क नहीं है दोनों टीम्स में। वाइड, ये तो बिल्कुल एक बीमारी सी हो गई आज। मुझे लग रहा है दुख ये होगा चेन्नई राइनोज को कि इतने एक्स्ट्रास जा रहे हैं जो उनके समर्थक है, कि कहीं एक्स्ट्रास ही थर्ड या फोर्थ हाईएस्ट स्कोरर ना हो इस मुकाबले में, ये बहुत बड़ी समस्या है। इस पे अंकुश लगाना जल्द से जल्द बहुत जरूरी है, क्योंकि ठीक है बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करे, रन बनाए, मेहनत करे, पर इस प्रकार अगर आप रन देंगे, भेंट देंगे, तब फिर आपके लिए मुश्किलें हैं। ये बढ़िया गेंद, यहीं पे गेंद को रखना होगा। थोड़ा सा टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे भी रहती हुई, कारण राहुल का टाइमिंग कोई बहुत बढ़िया नहीं। सुमन रंगरात कर्नाटक बुलडोजर्स के डगआउट में और लक्ष्मी रन लेने की तेजी से कोशिश, अगर थ्रो ठीक रहता तो बहुत बढ़िया मौका था रन आउट का, लेकिन थ्रो कलेक्ट नहीं कर पाए विष्णु, और एक बहुत ही आसान मौका रन आउट का चेन्नई राइनोज ने खोया। यह बिल्कुल सही कहा, अगर थ्रो सही से पकड़ लेते तो काफी वक्त था उनके पास। देखिए समस्या वहां काफी नजर आ रही थी, बहुत देरी से दौड़े जो कि आप रनर है, और यहां पे अब क्योंकि आप थ्रो पकड़ ही नहीं पाए तो आसानी से वो एरिया कवर कर लिया, और उसके बाद फिर जो बेल्स है वो निकालते हुए, तो काफी कुछ घटा है, पर भाग्य साथ देता हुआ कर्नाटक बुलडोजर्स का। कुछ बॉल मिस करने के बाद होश खो बैठे विष्णु, ड्रामा खत्म हुआ। लकी वाइड बॉल जरूर थी लेकिन प्रदीप चूके और क्रीज के बाहर निकल चुके थे, इस बार रमना ने बॉल कलेक्ट नहीं की, ड्रामा ही ड्रामा। यह बिल्कुल, और काफी कुछ घट रहा है इस ओवर की बात करें, इस बार कीपर ये बढ़िया गेंद, अब यही करना होगा। अच्छी क्रिकेट, सूझबूझ वाली क्रिकेट प्रदीप द्वारा, स्ट्राइकर रोटेट करते हुए कम से कम वो अभी सेट हो चुके हैं, राहुल अभी भी क्रीज पे आए हैं। जीआरबी के मन में क्या बीत रही होगी इस वक्त, क्योंकि खुद तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बाहर से मेंटोर कर सकते हैं, लेकिन भीड़ देखकर बहुत खुश, दिल खुश हुआ आज अजय। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीजन 4 प्रेजेंटेड बाय गोवा निकोफिक्स, ह्यूज हिट हियर इन बेंगलुरु द चिन्नास्वामी स्टेडियम। बिल्कुल सही कहा, क्राउड देख के मजा आ गया आज, इसमें कोई दो राय नहीं। इस बार बढ़िया शॉट, गैप में खेला है, लंबी चेस, 4 रन मिलेंगे अंतिम गेंद पे, 9 ओवर के बाद 96 पे। Thank you.
ओवर की समाप्ति के बाद अगर तुलना की जाए तो नाटका बुलडोजर ज्यादा पीछे नहीं, 96 पे 1, चेन्नई राइनस का स्कोर था 108 पे 1। अब मजा ले रहे हैं गोवा निकोफेक सीसीएल पावर्ड बाय पार्ले 2020 क्विकीज एंड पैनासोनिक, और ये मुकाबला अभी वाइड ओपन, 98 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए 66 गेंदों में। और सबसे बड़ी बात, कर्नाटका बुलडोजर्स के 9 विकेट अभी शेष है, और उसी वजह से जो खिलाड़ी बल्लेबाज अभी मैदान में उन पर दबाव इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारे एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर इंडिया नंबर वन रेडियो स्टेशन 92.7 बिग एफएम, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। विशाल ने अपने पहले ही ओवर में ध्रुव शर्मा को हटाया, पहली बॉल वाइड थी और ऐसा लगा कि विशाल भी दबाव में आ गए, लेकिन दूसरी बॉल बिल्कुल सीधी, शायद लेग स्टंप को मिस कर सकती थी, लेकिन विकेट लेने के बाद ज्यादा रन भी नहीं दिए विशाल ने, और रन बनाने की जो गति है वो कुछ धीमी होती हुई कर्नाटका बुलडोजर्स की। राहुल क्रीज पर हैं, थोड़े से इंजर्ड हैं, रनर है उनके लिए, शॉट स्क्वायर ऑफ द विकेट, थोड़ा सा लेट पकड़ा उन्होंने। यार एक और चारों जो देखने वाली चीज है कि अभी 10वां ओवर प्रगति पर है और अब 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल कर चुके हैं चेन्नई रैना, उसके कप्तान लगातार अपने गेंदबाजों को रोटेट कर रहे हैं। सीसीएल एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर इंडिया नंबर वन रेडियो स्टेशन 92.7 बिग एफएम। सीधा विशाल किसी के ऊपर से, लेकिन सिर्फ 1 रन के लिए, तगड़ा शॉट नहीं था विशाल का। अंबरीश सुपरस्टार और उभरते हुए सुपरस्टार सुदीप, सुमन रंगनाथ सभी मौजूद, काफी एक्साइटमेंट है कर्नाटका बुलडोजर्स के डगआउट में। गुड शॉट, ये था करारा पुल, फील्डिंग में थोड़ी सी कमी और कप्तान नाखुश, 4 रन। या और इसके साथ 100 रन भी पूरे होते हुए कर्नाटका बुलडोजर्स के, यही कारण है एकदम जो समर्थक उनके हैं इतना शोर नजर आया, प्रयास जरूर किया था पर कप्तान खुश नहीं क्योंकि अंत में 4 रन जाते हुए और गेंद सीमा रेखा के बाहर। अब यहां से 91 रन और चाहिए 62 गेंदों में। जब भी मौका मिला, डिलीवरी लूज थी तो राहुल ने करारे शॉट जरूर मारे हैं, ज्यादा वक्त बिताया नहीं अभी इन्होंने, सिर्फ 11 मिनट हैं क्रीज पर, लेकिन 8 गेंदों में 11 रन 2 चौकों के साथ। विशाल को थोड़ा सोचकर गेंदबाजी करनी पड़ेगी ऑफ स्टंप के बाहर। यस नॉट बैड, या अंदरूनी किनारा भी था और कहीं ना कहीं तेज गति से ये गेंद को डाला था, थोड़ा गति मिश्रण करते हुए पहले 50 रन 29 गेंदों में आए, अब दूसरे 50 रन 30 गेंदों में आए, तो ज्यादा कोई अंतर नजर नहीं आ रहा, ये दर्शाता है कि अब जो रन रेट है वो काफी बढ़िया है। हाँ जी त्रिशा, व्हाट डू यू थिंक, चेन्नई रैनोस जीतेगी कि नहीं भाई? इतने अगर अतिरिक्त रन देते गई आपकी टीम तो मुश्किल हो सकता है। चतुराई से गेंदबाजी की विशाल ने, देखा कि राहुल लेग स्टंप के बाहर थोड़ी जगह बना रहे थे तो उन्होंने बैट्समैन को फॉलो किया पिछली गेंद पर। आखिरी गेंद, ओ कट अवे, और ये भी शायद 4 रन के लिए जाएगी। फील्डिंग में थोड़ी सी कमी चेन्नई रैनोस की आज, हालांकि बड़ी तेजी से गेंद गई थी। विशाल कैन ओनली सी द फनी साइड ऑफ इट, 10 ओवर्स गॉन एट द हाफवे स्टेज, 107 कर्नाटका बुलडोजर्स फॉर 1 विकेट। अब भी काफी रन पीछे, करीब 15 रन पीछे कर्नाटका बुलडोजर्स अगर इस वक्त तुलना की जाए चेन्नई रैनोस से, और ये जो स्थिति है इसके लिए चेन्नई रैनोस को अपने बॉलर्स को खासतौर से ब्लेम करना चाहिए क्योंकि अतिरिक्त रनों की संख्या 22, जिनमें 2 लेग बाय, 19 वाइड और 1 नो बॉल। विष्णु सच अ लवली शॉट बाय विशाल, जस्ट लीन्ड इनटू इट और बॉल तेजी से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ गई। इस बार फील्ड में कोई कमी नहीं, सुदीप शुड बी वॉरिड क्योंकि काफी रन अब भी बनाने हैं और टाइम है वो और मुश्किल पैदा करता जाएगा, दबाव पैदा करता जाएगा।
एक ही रन देना चाहिए चेन्नई राइनोज को. अजय मेहरा इज गॉन फॉर अ शॉर्ट ब्रेक टू लुक आफ्टर हिज अकेडमी इन दिल्ली. और मेरे साथ हैं उस अकेडमी में जाने की उत्सुक. बिल्कुल मंत्र सर, बिल्कुल सर. मैं तो मैं हमेशा से चाहता था सर. मैंने MRF पेस अकेडमी के बाहर जाके दरवाजे के बाहर घंटी बजाई थी उस दिन. कोई था नहीं घर पे. अच्छा भाई, वो गेंदबाजी वगैरह की बात चल रही थी पहले और मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए कि आप गेंदबाजी छोड़ के फिर आप थिएटर बाजी कॉमेडी बाजी में लग गए, मतलब बाजीगर बन गए. मैं ठीक है, ऐसी भी कौन सी बुरी बात है सर. मैं काम काज नहीं करता, मैं केवल शौक पालता हूँ सर. शौक पूरे कर रहा हूँ भाई. शौक होना भी बहुत बड़ी बात है और फिर पूरा करना तो मतलब बादलों की बात है. एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली. मेरे ख्याल से हर कोई अगर अपने पैशन को बस फॉलो करता रहे तो एक नोबडी कैन बी अनहैप्पी आफ्टर दैट. दो चार पैसे भी बन जाए तो इतनी बड़ी बात नहीं सर. सोचो ना सर, आप जो अपने शौक कर रहे हो, आई लाइक टू एक्ट, आई लाइक टू टॉक एंड यू पे मी फॉर दैट. नेल्सन सर, ये 111/1 इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हुआ करती थी. वो कैप्टन नेल्सन की जो कहती है कि वो एक आंख एक हाथ और एक पांव वाले कैप्टन हुआ करते थे. यहां सिर्फ एक ही लक्ष्य है. 112 हो गए सर, मैं कूदना बंद कर सकता हूं. राहुल ने बहुत बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया लेकिन बिल्कुल मिस. और जब कोई बैट्समैन इंजर्ड होता है तो ये बड़े शॉट मारना और भी मुश्किल हो जाता है. He was lucky that his back foot did not drag out of the crease. क्या दो रन लेना चाहेंगे, रनर को वापस भेजा और सही निर्णय. आप देख रहे हैं गोवा निकोफिक्स CCL सीजन 4 पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक. सुदीप सुपरस्टार नाउ इन कन्नड़ सिनेमा एंड ऑफ कोर्स सिटिंग नेक्स्ट इन द सुपरस्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट GR विश्वनाथ. आपने मक्खी देखी सर? कुछ करोड़ों नहीं सर, मैं वाली मक्खी नहीं, मैं सुदीप की फिल्म मक्खी की बात कर रहा हूँ सर. हाँ जी, अब जब उसको फिर समझना भी तो पड़ेगा. नहीं नहीं देखी, माफी चाहता हूँ. ना त्रिशा की पिक्चरें देखी मैंने फिलहाल. दो रन, कम ऑन, नाउ इज द टाइम. इजी 11 ओवर की समाप्ति. इसी के साथ स्कोर 115 एक विकेट के नुकसान पर. Welcome back, ladies and gentlemen. Goa Nicofix CCL powered by Pali 2020 Cookies and Panasonic. 11 chauke, 1 chakka, jeetne ke liye 54 gendon mein 79 run. Chuki 9 wicket haath mein hai, it's going to be an easy task, but not a cakewalk for sure. Not a cakewalk. Sorry, yaar, mantra mein bahut saalon baad thoda sa disagree karta hu main ki easy task to bilkul nahi hai kyunki dabav badhta hi chale jayega. Aur ab bhi kaafi peeche hain, kareeb 10 run peeche hain. चेन्नई राइनोस के स्कोर से इस वक्त जो 11 ओवर पर स्कोर था उनका था 125, कर्नाटक बुलडोज 115. लेकिन खुशखबरी ये है कि डगआउट में बहुत लप्पेबाज बल्लेबाज बैठे हुए हैं, लेकिन अगर वो मैदान में नहीं आएंगे तो फिर योगदान कैसे देंगे. आई एम वेटिंग फॉर सुदीप टू जस्ट स्टेप इनसाइड द ग्राउंड एंड मैं ये चिन्नास्वामी स्टेडियम की जो कैपेसिटी क्राउड है इसका शोर सुनना चाहता हूँ. सुदीप के अलावा राजीव की बहुत अहमियत है. बेहतरीन शॉट, स्ट्रेट ड्राइव बिहाइंड विशाल, रोकने का सवाल ही नहीं. एवरीबॉडी इज हैप्पी इन दिस डगआउट एंड ऑफ कोर्स हालांकि कांटे की टक्कर का मैच हो सकता है लेकिन चेन्नई राइनोस चाहेंगे कि किसी तरीके से जल्दी से एक आध विकेट लपका जाए. 2-4 बाद उसके पर विशाल. सोचो ना सर, ये हीरोज एक दूसरे को, सारे स्टार्स एक दूसरे को स्लेजिंग करते होंगे उनकी फ्लॉप फिल्मों के नाम लेके. ओहो, गड़बड़ हो सकता है और शॉट आउट. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट चेन्नई राइनोज नीडेड. अरे भाई, और रखो रनर. ये रनर ने जिंदगी की
हालत खराब कर रखी है सीसीएल में. एवरीबडी वांट्स अ रन. ये मुसीबत का सवाल है ही. राइटिंग डिजास्टर ऑफ कोर्स कार्तिक वेल शॉट. और राहुल सोच रहे होंगे भाई मैंने क्या गलती की, मैं क्यों रन आउट, मैं तुम्हें तो भागा भी नहीं. लेकिन रनर लोगे तो ऐसा ही होगा. दो विकेट गायब कर्नाटक बुलडोजर्स के. स्कोर है 119. आप देख रहे हैं एज राजीव कम्स इनटू द फील्ड. और ये बहुत महत्वपूर्ण एक मौका है कर्नाटका बुलडोजर्स का. राजीव मैदान में आए, पिछले मैच में उन्होंने 87 रन बनाए थे और अगर उसी तरह की पारी इस बार भी खेली तो राजीव मंत्र कर्नाटका बुलडोजर्स को मैच जिता सकते हैं. लेकिन वो आए मैदान में क्योंकि रनर की वजह से एक बहुत भारी भूल. अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर ही रहे थे, इनफैक्ट आज का पहला मैच जो हमने देखा भोजपुरी दबंग का, 200 से ऊपर रन बनाए लेकिन किसी भी बल्लेबाज ने रनर का इस्तेमाल नहीं किया. खास तौर पे मनोज तिवारी जो कि भोजपुरी दबंग की कप्तान है, ओपनिंग करने आए थे, आखिरी तक टिके रहे विदाउट अ रन. अब थोड़ा सा ज्यादा दबाव है प्रदीप पर. फिलहाल अच्छी पारी के लिए 36 रन लेकिन 29 गेंदों में स्ट्राइक रेट 124. दबाव इसलिए मंत्र क्योंकि कुछ हाथ उनका भी रनआउट में था. हाँ ना करते करते कार्तिक को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया और जब तक कार्तिक दौड़े क्योंकि प्रदीप ने अपने आप को कमिट कर लिया था तो कार्तिक ने पीछे मुड़कर जरूर देखा कि भाई क्या कर रहे थे, हाँ या ना, चक्कर क्या था भाई. कभी हाँ कभी ना के चक्कर में एक बल्लेबाज को तो कुर्बानी देनी पड़ी और कुर्बानी देगा कौन, सवाल हमेशा यही उठता है. But all said and done, these are the superstars of the big screen. और आज इस बड़े मौके पर प्रेशर झेलते हुए is Sudeep and this is the last ball of the over. Well bowled. इसी के साथ 12 ओवर की समाप्ति. 119 रन दो विकेट के नुकसान पर. ध्रुव शर्मा और राहुल वापस डगआउट में. अच्छी पारियां खेली दोनों ने 38 और 22 की. और राहुल जिस तरह रनआउट हुए बहुत निराश होंगे, निराश. राजीव मैदान में आए और अब स्ट्राइक पर रहेंगे. और अगर कोई खिलाड़ी, कोई बल्लेबाज कर्नाटक बुलडोजर्स को 195 लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं वह है राजीव. पिछले मैच में बहुत बढ़िया पारी लेकिन एक आक्रामक बल्लेबाज है और शक्तिशाली भी. तो जब मारते हैं तो छक्के बड़ी आसानी से लगते हैं उनके बल्ले से लेकिन इस स्टेज पे आना इतना आसान नहीं. कम से कम दो चार बॉल और T20 का मैच है मंत्र तो दो चार बॉल ही मिलेंगी देखने के लिए एज अ साइटर. उसके बाद आक्रमण करना शुरू करना पड़ेगा राजीव को. उसके बाद ज्यादा नहीं, दर्शन है और दो चार और बल्लेबाज, सुदीप भी कप्तान. लेकिन अगर टीम को जीतना है तो ये जो अभी दो खिलाड़ी हैं बीच में इन्हें चलना बहुत जरूरी है. प्रदीप तो है ही फिलहाल 36 पर लेकिन पिछले ओवर में जैसे बिल्कुल फंस से गए थे उन्होंने. कप्तान विशाल के विरुद्ध सिर्फ एक चौका और कुछ नहीं उसके बाद घुमाने की कोशिश. मुझे लगता है कि प्रदीप थोड़े थक गए हैं, कुछ बल्ले के बीच से लग नहीं रही है. स्टैमिना की सख्त जरूरत.
ये वो बल्लेबाज हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जो फिल्मों के लिए जिम जाते हैं और खूब सारा प्रोटीन खाते हैं, बॉडी बनाते हैं। सिक्स पैक्स का जमाना है, लेकिन सिक्स पैक्स और एथलेटिक बॉडी में जमीन आसमान का फर्क। और फिर से मैसेज गिजे कर रही है, पहुंचा कि नहीं? टीट टीट। अरे मेरे को मैसेज आ रहा है। राजीव बाहर कूदने की कोशिश भी और पिछला पैर क्रीज में भी, मतलब सिर्फ अपनी जगह पे खड़े खड़े हॉप कर रहे थे जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी करते हैं, उनकी खासियत है। राजीव doesn't look too bothered, हालांकि ये मामला मुझे लगता है नजदीकी हो सकता है। विष्णु की गेंद लेजिटिमेट, नो प्रॉब्लम विद द नो बॉल देयर। और अब अगर सामने से देखें साइड व्यू से, ये देखिए बाहर भागने की कोशिश और पैर वापस क्रीज के पीछे आया कि नहीं, अभी तक तो नहीं, और अब आ गया है पीछे, तो बच गए राजीव, बाल बाल बचे, बाल बाल बचे सर, वरना कई सारे ऑडियंस में बैठे लोग बाल नोच लेते अपने, या बोले स्पाइक स्पाइक बचे, एक स्पाइक से बच गए। हाँ जी, तो यमराज क्या कहेंगे? यमराज जी प्लीज नॉट आउट, यानी कि भाई हम लोग सिगरेट वगैरह नहीं पीते, हमको छोड़ दीजिए, छोड़ दिया। अगर आप वंडर कर रहे हैं कि सीसीएल में या यमराज क्या कर रहा है, तो वो इस कारण से है कि भाई यमराज जाके कह रहे हैं कि गोवा निकोफिक्स का इस्तेमाल करो, धूम्रपान छोड़ो, तंबाकू खाना छोड़ो, क्योंकि उन पर लोड बढ़ रहा है और वो चाहते हैं कि कम लोग मरे, और आप गोवा निकोफिक्स खाइए। मंत्र आपने कह तो दिया, सुन भी लेना। बट बिग लेसन फॉर राजीव, क्योंकि मैंने कहा था कि कम से कम दो चार गेंदें ले, थोड़ा आराम से गेंद को देख के, उसकी स्पीड देख के। यमराज को देखिए सर, गार्डन में स्ट्रोल कर रहे हैं सर। ठीक है, मेरे पीछे मैच चल रहा होगा तो चल रहा होगा। गेंद, अनदर बिग शॉट अटेम्प्टेड, एंड राजीव इज गॉन। एज और रमना का ब्रिलियंट टेक, जो एक बल्लेबाज कर्नाटका बुलडोजर्स को जीत तक ले जा सकता था, अब बहुत ही निराश, और कर्नाटका बुलडोजर्स का कैंप भी बिल्कुल फिलहाल मुसीबत में। कॉट बिहाइंड, राजीव सस्ते में निपट गए। इसी के साथ 13वें ओवर की 4 गेंदें समाप्त, 121 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सुपरस्टार इज ऑन स्ट्राइक, कैप्टन सुदीप, ऑफ कोर्स इनको देखने के लिए पूरा बेंगलुरु यहां पर एकत्रित हुआ है, एंड यू शुड हैव हर्ड दिस द अमेजिंग ओवेशन ही गॉट व्हेन ही एंटर्ड द प्लेइंग अरीना। पिछला विकेट राजीव का 1 रन पर। ये नहीं कह रहा कि शांति से बैठे हुए थे दर्शक, लेकिन सुदीप के आने के बाद सब पैरों पर खड़े होकर देख रहे हैं कि सुदीप कप्तान कर क्या सकते हैं आज। इसी के साथ 13 ओवर की समाप्ति, 121 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
and gentlemen, welcome back. Goa Nico Fix CCL powered by Parlay 2020 Cookies and Panasonic. Karnataka Bulldozers 121 run par 3 wicket unke ja chuke hain 42 gendon mein 42 gains par 73 runs banane ki koshish, lekin Rajiv ke jaane ke baad things have become tough. Very difficult. Vishal will bring himself back for his final over. 3 overs mein उन्होंने 20 रन दिए हैं, एक विकेट भी लिया ध्रुव शर्मा का, बहुत ही कीमती विकेट, और उसके बाद एक रन आउट भी। अब प्रदीप पर काफी भार, ऐसा नहीं है कि 8-10 विकेट गिर चुके हैं, इसलिए ही शुड डेफिनेटली ट्रस्ट हिज पार्टनर्स। और आपने अभी ध्रुव को देखा होगा भागते हुए, क्योंकि वो है रनर किसके लिए, अच्छा हाँ सुदीप के लिए, सुदीप जो कि पिछले इनिंग्स के अंदर यानी अपनी गेंदबाजी के दौरान आखिरी गेंद पर इंजर्ड हो गए थे। हाँ जी, जो आखिरी गेंद थी पिछली पारी की, लगता था काफी भारी चोट लगी सुदीप कप्तान को, किच्चा को, लेकिन ही हैज रिकवर्ड और इतनी जल्दी नहीं आए, क्योंकि कभी कभी ओपन भी करते हैं कर्नाटक बुलडोजर्स के लिए, लेकिन इस बार नंबर 5 पर आए हैं और ऐसे वक्त पर आए हैं जो जहां दबाव की कोई कमी नहीं। कर्नाटक बुलडोजर्स स्टरिंग एट अ ह्यूज माउंटेन टू क्लाइम टू विन दिस मैच। अब आम मारा, लेकिन लॉन्ग ऑन के काफी सामने गिरनी चाहिए गेंद। एक ही रन मिला, लेकिन प्रशंसा ही प्रशंसा। इंटरनेशनली मेरे ख्याल से ये रनर का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये इसलिए कैंसिल कर दिया गया है कि बिकॉज दे रियली वांट टू सी कि फिटनेस लेवल कहां तक है, लेकिन ये सीसीएल में इंक्लूड नहीं किया गया। बैक अप, इट्स ओके अभिषेक। ये बेहतरीन पिक्चर बिफोर एंड आफ्टर, शैंपू के बाद पहले मेरे बाल ऐसे थे, शैंपू के बाद ऐसे हो गए। बोथ ऑफ देम वेरी ब्यूटीफुल लेडीज। ओह ब्रिलियंटली स्वंग अवे बाय द स्किपर। कैन यू हियर दैट वाओ, चिन्नास्वामी स्टेडियम में सडनली एक बहार सी आ गई है उनके सुपरस्टार सुदीप के बल्ले से। एक शानदार चौका निकला, कड़क ड्रिफ्टिंग डाउन लेग and easily pulled away for a boundary by Sudeep. Achhi gain nahi thi Vishal ki, aur seedha Vishal ke sir ke upar se, lekin badhiya fielding, sirf ek hi run, shot badhiya tha. Isi ke sath over ki samapti, 14 over ke samapti par 131 3 wicket ke nuksan par. Welcome back, ladies and gentlemen. Celebrity Cricket League 2014. Chennai Rhinos ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 193 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर, जिसके जवाब में इस वक्त 14 ओवर हो चुके हैं, 131 रन बना चुके हैं कर्नाटक बुलडोजर्स। एंड ऑफकोर्स प्रदीप जो कि बल्लेबाजी करने के लिए सबसे पहले उतरे थे, अभी तक टिके हुए 41 रन पर, एंड उनका साथ देने के लिए कप्तान सुदीप उतर आए हैं। 63 रन की जरूरत 36 गेंदों में। मामला बड़ा मुश्किल है फिलहाल, अटका हुआ है, और अगर किसी को अब एक अगले गियर पर गाड़ी डालनी है अपनी, तो वो प्रदीप को, क्योंकि उनकी स्ट्राइक रेट फिलहाल सिर्फ 113 और इस मैच में जीतने वाली स्ट्राइक रेट है 200, तो मतलब फर्क काफी है। और प्रदीप ने कोशिश जरूर की, लेकिन और क्योंकि अब वो मौजूद हैं और अच्छी तरह से गेंद उनको दिख रही होगी, एक लंबे शॉट मारने का वक्त आ गया है। सुदीप पूरी तरह से मदद कर रहे हैं, फिलहाल क्रीज पर है, 5 गेंदों पर 6 रन, लेकिन अभी भी आए हैं तो स्ट्राइक रेट की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए।
बेहतरीन कैच, क्या बात है, व्हाट विशाल कप्तान ने कैच लिया, व्हाट वाज दैट, व्हाट वाज दैट, द रिवॉर्ड ऑफ कीपिंग योर आईज ऑन द बॉल। चोट शायद लगी हो या नहीं, क्योंकि तीन लोग आ रहे थे, पता नहीं कॉल किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन विशाल कप्तान ने अपनी आंख बिल्कुल अर्जुन की तरह गेंद पर रखी और बहुत ही बेहतरीन काबन कमाल कैच। दिस इज द कैच ऑफ द मैच एंड दिस विल चेंज द प्रोस्पेक्ट्स। अरे वाह, मतलब एब्सोल्युटली राइट चारू, आई मीन अगर वो आंख गेंद पर से हट जाती तो चोट और ज्यादा लग सकती थी। लुक एट द चेन्नई राइनोस कैम, त्रिशा को जितनी ठंड लग रही थी वो सारी ठंड गायब हो गई। सुदीप बैड लक, गुड नॉक, प्राउड ऑफ यू एंड योर अटेम्प्ट। 6 रन बनाए सिर्फ 6 बॉलों में और चौथा विकेट गया कर्नाटक बुलडोजर्स का 131 रन पर। वेलकम बैक, बिग विकेट, कैप्टन अभी थोड़ी देर पहले ही आउट हुए हैं, सुदीप कॉट बाय द कैप्टन ऑफ चेन्नई राइनोज विशाल। एक बार फिर देखिए नए बल्लेबाज आए हैं कार्तिक, और अगर राजीव उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकते थे तो हल्का सा मौका यहां भी है। कार्तिक इज गुड बैट, बोलर तो अच्छे हैं ही, लेकिन अभी भी नए आए हैं इसलिए थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो सकती है, क्योंकि दो चार गेंदें उनको भी अब लेनी पड़ेंगी एज साइटर्स, जो राजीव ने नहीं ली। बहुत बड़ी गलती की राजीव ने, अगेन अ वाइल्ड स्विंग, दैट्स नॉट व्हाट दे नीड टू डू राइट नाउ। हालांकि 33 गेंद ही बची है 62 का स्कोर, लेकिन ये जो नंबर 99 है चेन्नई राइनोज के लिए बड़ा खतरनाक खिलाड़ी विक्रांत, एक तो 50 रन बनाए और अब बहुत ही किफायती गेंदबाजी, एक विकेट लिया है, 12 रन दिए हैं ढाई ओवर में। इजली द स्टार ऑफ द डे सो फार विक्रांत, कवर्स में गई, शायद 2 रन मिल सकते हैं, लेकिन रिफ्यूज किया प्रदीप ने, और अब देखिए हाइंडसाइट तो आसान है कि भाई 2 रन मिल सकते थे, लेकिन प्रदीप ने सोचा कि एक तो मैं खुद थका हुआ हूं और कहीं रन आउट में ही हो गया तो फिर तो खेल ही खत्म हो जाएगा। एब्सोल्युटली, और प्रदीप पर बहुत कुछ निर्भर करता है अब, चूंकि वो सदैव बल्लेबाज है, लेकिन स्टैमिना कितना उनका साथ देगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। टिके रहो भाई, टिके रहो, मतलब ये गणित का एग्जाम होने से पहले वाले जो चेहरे हैं मुझे वो दिख रहे हैं। टेंशन ही टेंशन। टू द राइट ऑफ लॉन्ग ऑफ, फील्डिंग अच्छी थी और एक बार फिर कार्तिक 2 रन लेना चाहते थे, भाई वो नए आए हैं, फिट हैं, और भाई प्रदीप का थोड़ा सोचो, वो बेचारे बैठे हुए हैं सांस लेने के चक्कर में। आई डोंट थिंक सुदीप को इस प्रकार रैश शॉट खेलना चाहिए था, ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम एंड कैप्टन इनिंग खेलने की बहुत सख्त जरूरत है, बट आई थिंक ही हैज कंप्लीट कॉन्फिडेंस अपने आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर। इस वक्त कार्तिक एक बार, अच्छा प्रयास फिर कप्तान का, शायद उंगली पे चोट लगी होगी और क्रैम्प थी विशाल को, यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल नाउ, यहां पर भी क्रैम्प सर। हां जी, ओवर की समाप्ति, विशाल की बात कर रहा था, बल्लेबाज को भी क्रैम्प, बल्लेबाज को भी क्रैम्प, भाई प्रदीप काफी थक गए, लेकिन 15 ओवर समाप्त, 4 विकेट खोकर 136 कर्नाटक बुलडोजर्स। क्रैम्प मसाला, Thank you.
Welcome back, ladies and gentlemen. Goa Nico Fix CCL powered by Parlay 2020 Cookies and Panasonic. Match ek ajeeb-o-gareeb sthiti mein kahin par bhi palat sakta hai, lekin bada wicket superstar Sudeep abhi out hue hain. Kaptan hai team ke aur kaptani innings khelni chahiye thi, lekin ek rash shot. Aur commentary box mein Charu kuch der ka break le rahe hain aur जैसा चारू ने बताया था, दिल्ली के अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आते हुए अपनी एकेडमी से अजय बिल्कुल मंदरा. और कहना होगा अभी भी अगर इस मुकाबले की बात करें, अब कोई भी रुक ले सकता है. बहुत ही बढ़िया स्थिति में मुकाबला 136/4. और तभी ये कारण है, बहुत बड़ा कारण, कि अब तमाम जो दर्शक आए हैं अभी भी काफी उत्तेजित, जानते हैं कि एक अच्छी पारी पिछले ओवर में मौका गवाया था. एक मौका जरूर था, जीवन दान मिला वहां पे. हालांकि बहुत ही मुश्किल कैच, गेंद डिप कर रही थी, आगे गिर रही थी, कभी भी आसान रहता नहीं. वेल इंजरी प्रोन टूर्नामेंट, बहुत सारे लोगों को काफी सारी चोटें लगी हैं. बट ऑफ कोर्स ये क्रैम्प्स, हैमस्ट्रिंग पुल्स रेगुलरली देखे जा रहे हैं, इसलिए ऑलमोस्ट हर मैच में हर दूसरा बल्लेबाज रनर रखना चाहता है, which is not allowed internationally right now. Yeah, बिल्कुल, अंतरराष्ट्रीय रूल्स में अभी वो बिल्कुल भी नहीं है कि आप रनर का प्रयोग नहीं कर सकते. बेशक आप चोटिल हो जाए, बेशक आप नए क्रीज पे आए हैं, बिल्कुल भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते. Well stopped. पर मंत्रा एक चीज कहनी होगी, ये फिल्म स्टार्स है, मतलब ये इनकी मेन फील्ड नहीं है, कहीं ना कहीं ये इनका पैशन है. बहुत मेहनत करते हैं, सब जानते हैं, लगन से खेल रहे हैं, कमिटमेंट लेवल्स हम देख रहे हैं, तो इतना मार्जिन को देना चाहिए. एब्सोल्युटली. एंड दिस इज एंटरटेनमेंट मीट्स क्रिकेट. इस बार उठा के खेला है, गेंद ऊंची जाती हुई. कहां पे कहां खड़े थे, मतलब क्या कर रहे थे, ऐसा लग रहा ये तो चोट लग गई भाई, गलत हो गया इनके साथ में. ये साधारण कैच हो सकता था, लेकिन उल्टी दिशा में दौड़ रहे थे, जज नहीं कर पाए. ये आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी सही तरह से गेंद को जज नहीं कर पाए. जब गेंद नीचे आ रही है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा ऐसा लगा आगे निकल गए और उसी में वो चूक हो गई, एक मौका गवा दिया. और वो एक बड़ी विकेट हो सकती थी प्रदीप की, जो कि सेट है इस वक्त. अट्ठाईस गेंदों में 56 रनों की जरूरत, अब 27 में 55 की जरूरत. कर्नाटका बुलडोजर्स का कैंप काफी दुखी, काफी चिंतित. और सुदीप ने अभी तक पैड नहीं उतारे, बेशक वापस चले गए हैं. क्या ये टशन है कोई? मेरे ख्याल से उनका एक लक फैक्टर है. मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को भी देखा है जहां पर, इंक्लूडिंग सचिन तेंदुलकर, जब गौतम गंभीर जब वो बल्लेबाजी करके अगर यू नो क्रूशियल सिचुएशन में वापस पहुंच जाते थे, तो जब तक मैच खत्म नहीं हो जाता था पैड्स नहीं उतारते. मैं तो भूल जाता था सर, मैं तो कई बार वापस घर वैसे ही आ गया, पैड्स पहन के नहा भी लिया हूं सर. वाओ, व्हाट अ गुड शॉट कार्तिक. और ये किचा का स्टाइल है, जब भी कोई बाउंड्री लगती है वो खड़े होते हैं और पलट के इशारा करते हैं. सर कैमरा इस तरफ है. यहां पर मुझे लगता है कि आप काफी खुश है, हालांकि आउट हो गए, पर जानते हैं एक साधारी पनप रही है. और ये बढ़िया शॉट, बिल्कुल गेंद बल्ले के बीचों बीच आती हुई. और देखिए वहां पे कप्तान ना, उनका डग आउट कितना प्रसन्न, और जैसे आप कह रहे थे पलट के इशारे करते हैं और शायद क्राउड को धन्यवाद करते हैं जो वो पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं तमाम लोग. एक ब्रेक जहां पर बल्लेबाज को एक छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक की जरूरत. जैसे कि आप देख सकते हैं, इज द कंपैरिजन, चेन्नई राइनोज जिन्होंने 193 रन बनाए इस मुकाम पर, काफी क्लोज एक दूसरे के. लेकिन जहां तक विकेट्स का सवाल है, धड़ल्ले से एक साथ कर्नाटका बुलडोजर्स के 3 विकेट जा चुके हैं. यहां पर अगर रेखाओं की बात करें मंत्रा, तो काफी करीबी मामला, और यह दर्शाता है कितनी आप करीब ये मुकाबला रहेगा. दिलचस्प मोड़ पे इस वक्त
सीधा शॉट एक सिंगल के लिए। रात के 10:45 हो रहे हैं यहां पर बेंगलुरु में, जनता यहां पर अभी भी खचा खच भरी हुई है, खाना पीना सब भूल भाल के अपने सुपरस्टार्स को यहां पर देख रही है। इट्स अ पार्टी टाइम है और मनोरंजन पूरा मिला है, 100% पैसा वसूल जिस प्रकार की क्रिकेट देखने को मिली है। इस बार भाग्यशाली रहे अंदरूनी किनारा, फिर भी अब एक रन जरूर मिलेगा अंतिम गेंद पे 16 ओवर के बाद 145 पर 4। Nicofix CCL powered by Parlay 2020 Cookies and Panasonic live from Chinnaswamy Stadium Bengaluru. ये वही मैदान है दोस्तों जहां पर ऐतिहासिक मैचेस हुए हैं, ये वही मैदान है जहां कभी जवागल श्रीनाथ और अनिल कुंबले ने एक ऐतिहासिक पारी खेली थी, जहां पर दोनों की ही माताएं यहां पर ऑडियंस में मौजूद थी। आई थिंक दैट वाज अगेंस्ट दैट वाज अ वर्ल्ड कप मैच एंड इस हिस्टोरिक ग्राउंड में एक और हिस्टोरिक सिचुएशन जहां पर फिल्म स्टार्स आपस में क्रिकेट खेल रहे हैं। Who would have thought of it? I mean, I'm really thankful to CCL for bringing two of the most passionate things in India together, which is cricket and cinema. And a big thanks to our sponsors, Goa Nicofix, for taking these pictures all over. And if you're one of those smokers or जो छोड़ना चाहते हैं तो गोवा निकोफिक्स का इस्तेमाल कीजिए एंड आई एम श्योर दैट इट विल हेल्प यू आउट। गुड शॉट एंड दैट्स अ फॉर प्रदीप, हाफ सेंचुरी कंप्लीट, ही इज द मैन ऑफ द मोमेंट। इसी के साथ कर्नाटका बुलडोजर्स का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। Right in the slot, yeah. Pradeep, 51 run, 43 गेंदों में। जी और जैसे कहते हैं उनके रडार में गेंद थी और बल्ले घुमाते हुए 51 में पहुंचे, 43 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगा चुके हैं और उसके साथ साथ एक गगनचुंबी छक्का भी। स्ट्राइक रेट अभी भी अब 118 से ऊपर और 16 ओवर और एक गेंद पर अगर आज देखा जाए तो दोनों ही टीमों का स्कोर एकदम सेम था, 149 for 4। उड़ी बाबा एटा की होलो होलो कुछ तो बोलो। बल्लेबाज से छूटी, विकेट कीपर से छूटी, रस्सी से छूटी, मारी किस्मत फूटी। और इसी के साथ कर्नाटका बुलडोजर्स 153 रन पर पहुंच गए। ये साफ स्टंपिंग थी साहब, बल्लेबाज का टाइम समाप्त हो गया था, यमराज उन्हें ले जाने वाले थे लेकिन लास्ट मिनट पर विकेट कीपर ने बोला चले यार ठीक है यार थोड़ा सा और खेल लो यार, और हैमस्ट्रिंग पुल प्रदीप। ये लंबी इनिंग्स खेलने का नतीजा। या बिल्कुल, और मांसपेशी में खिंचाव आता हुआ मुझे लगता है कि अब एक और रनर अब देखने को मिलेगा, पर रमन्ना से चूक हुई और अब यहाँ पे अब और रन मिलते हुए कभी भी आसान नहीं रहता। अब मंत्रा जब विकेट कीपर बिल्कुल विकेट के करीब हो, खासकर जब आप ऐसे आपको कलेक्शन करनी है, जब गेंद डिप कर रही है, फुल लेंथ की गेंद है, जिस प्रकार बल्लेबाजी की है रमन्ना ने, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक प्ले दिखाया है शुरू से, जब भी मौका मिला उसको ताड़ा, उसका लाभ उठाया, गैप में खेला, फुटवर्क काफी बढ़िया रहा, कुछ बड़े शॉट्स भी लगाए रमन्ना ने और अपना अर्धशतक पूरा किया स्टाइल से और बने हुए हैं सबसे बड़ी बात अभी भी क्रीज पे। प्रदीप 55 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर, कर्नाटका बुलडोजर्स वर्सेस
चेन्नई राइनोज एज यू कैन सी ज्यादातर लेग के खिलाड़ी, लेग में उन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया है, 125 का स्ट्राइक रेट। Here we go again. Oh, just the way Karnataka Bulldozers would have wanted it. Ek lamba chakka. Pradeep doesn't want to spend too much time in the middle. Bola bhai khatam karo yaar, ghar jana, party karni hai yaar. The Bengaluru people really know how to have a good time. Take a look. Chinnaswamy Stadium khacha khach bhara hua. Karnataka Bulldozers ke camp mein khushi ki lehar. Baal mat khicho yaar mere. यार जो वैगन व्हील आप देख रहे थे, आप ऑन साइड पे काफी रन बनाए हैं और वहीं पे ये स्ट्रोक खेलते हुए इस बार फुल पे लिया। टाइमिंग कोई बहुत बढ़िया नहीं है, एक और मौका था जो शायद गवा दिया, पर दूसरे रन के लिए वापस आ रहे हैं। थोड़ा संघर्ष करते हुए दौड़ते हुए पर पूरा किया प्रदीप ने, और जितनी स्ट्राइक वो रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा कर्नाटक बुलडोजर्स के लिए। ये इंजरी के बाद ऐसे खेलते, इनको इंजरी पहले क्यों नहीं हुई? घायल शेर हमेशा ज्यादा खतरनाक रहता है मंत्रा, बिल्कुल सही। आप घायल हो चुके हैं वो। कर्नाटक बुलडोजर्स की टीम में तीन अलग अलग किस्म की हेयर स्टाइल्स आप लाइन से देख सकते हैं। हमारे स्टूडियो में सब शायर हो जा रहे हैं, मतलब काम काज छोड़ो, गालिब बनेंगे हम तो। सामने आ जाए तो गुड इवनिंग मैडम, हैव अ गुड नाइट मैडम, बस। चेन्नई राइनोज 153 रन बना चुके थे 16.5 ओवर्स में, जबकि कर्नाटक बुलडोजर्स आगे निकल चुके हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद, अगर आपको यह आवाज सुनाई दे रही है तो स्टेडियम में पूरा जश्न का माहौल। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 17 ओवर में 163 रन 4 विकेट के नुकसान पर। Welcome back, ladies and gentlemen. Goa Nico Fix CCL, powered by Parlay 2020 Cookies and Panasonic. Match crucial junction में आखिरी तीन ओवर बाकी, और तीन ओवर में 31 रन, तकरीबन 10 के रन रेट से स्कोर करना होगा। प्रदीप के लिए ये पॉसिबल है, बिकॉज ही इज इन अमेजिंग फॉर्म राइट नाउ। कर्नाटक बुलडोजर्स का कैंप, सुमन रंगनाथन काफी अटेंशन में, बट आई एम श्योर दैट शी वुड रियलाइज दैट उनकी टीम ने बहुत अच्छा क्रिकेट दिखाया। सारे चिंतित टेंस, और ये उठा के खेला ऑन साइड पे, और गैप में भी चार रन और मिलते हुए, और ये जो गूंज आप सुन रहे हैं पूरे स्टेडियम इस वक्त आप उत्तेजित नजर आता हुआ, और क्यों नहीं, होम टीम बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। It's almost 11 p.m. and आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कि यहां पर रात का माहौल, ऐसा लग रहा है कि यहां पे चारों तरफ बस रंगीनियां ही रंगीनियां है। Everybody is loving it. सर कल वीकडेज, कल काम पे जाना है सर? मुझे नहीं लगता सर, काम हो रहा है यहां पर, जो भी काम होना चाहिए। अब यहां से जब मैच खत्म होगा तब इन लोगों की नींद खुलेगी। अरे ये देख, वो सामने वाले स्टैंड में बॉस भी आया है, इधर हम बॉस को अपन ये बोलकर आए थे कि आज माता के जगराता में जा रहे हैं। जगराता तो हो रहा है लेकिन कुछ और किस्म का।
पर इसको कहते हैं पूरी तरह से पैसा वसूल। क्या बढ़िया क्रिकेट देखने को मिली है इस बार फिर से उसी क्षेत्र में, और यहां पे मौका गवाया, मुश्किल मौका कहना होगा, इतना आसान नहीं। और साथ साथ रन मिलते हुए कर्नाटक बुलडोजर्स की टीम को। देखो या तो बॉल को अपने पास आने दो या तुम बॉल के पास चले जाओ, बीच में मिलोगे तो टक्कर तो होनी थी। Rushed onto the ball and that's the reason why couldn't collect the catch. ये देखिए completely disbalanced. Now some wild swings are taking place. गेंदबाज को क्रैम्प, बल्लेबाज को क्रैम्प, अंपायर को भी क्रैम्प। मतलब हो क्या रहा है? अजय सर आप ठीक है, जरा एक बार जांग वांग चेक कराइए मुझे कमेंट्री बॉक्स में क्रैम। नहीं अभी तक तो ठीक लग रहा है, पर कहने के जो टेंशन है ये ना आखिरी ओवर में हमें भी क्रैम्प आ जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, जिस प्रकार ये मुकाबला चल रहा है आगे बढ़ रहा है। What an intense situation, look at those faces. वाओ, 14 गेंदों में 24 रन, बड़े शॉट्स की जरूरत। कर्नाटक बुलडोजर्स अपने होम ग्राउंड पे, लॉट ऑफ प्रेशर। नो 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 एंड दैट्स इट। एंड आई डोंट थिंक प्रदीप इज इन अ फिट कंडीशन। इनिंग्स की शुरुआत से वो वहां पर खड़े हैं एंड खेलते चले आ रहे हैं। ओवर की आखिरी गेंद। मंत्रा, आई फील यू नो टू थिंग्स रनिंग इन हिज माइंड एट द मोमेंट। वन इज दैट ही डज अंडरस्टैंड दैट ही इज गोट टू स्टे टिल द एंड, एंड वन हिज बॉडी इज रियली नॉट अलाउइंग बिकॉज ऑफ दोज टेंस मसल्स एट द मोमेंट, दैट क्रैम्पिंग ही इज गेटिंग, जस्ट ही स्ट्रगलिंग, ही इज इन पेन, नो डाउट अबाउट दैट, बट ही वॉन्ट्स टू बी देयर एट द मोमेंट। आगे बढ़ के मारने की कोशिश, स्मार्ट गेंदबाजी। किसी के साथ 18 ओवर की समाप्ति, 171 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। Who will be the man of the match of this match? Sudeep, Pradeep, Vishnu, Vikrant, या commentators? Well, Vikrant को सबसे ज्यादा लोगों ने वोट दिया and followed by Sudeep. यह काफी क्लोज रहेगा अगर विक्रांत और सुदीप की बात करें, प्रदीप और विष्णु फिलहाल थोड़े पीछे रहते हुए, पर जो भी है पहली चीज सबके जहन में रहेगी कर्नाटक बुलडोजर्स के कि ये मुकाबला जीता जाए। 23 रन चाहिए, 12 गेंदे। यहां पे एक और चीज कहनी होगी मंत्रा की, एक एक डॉट डिलीवरी सोने के माफिक, और यही कारण है कि अपने स्ट्राइक गेंदबाज अब विक्रांत को लेके आए कप्तान पार्ले जीएंट से। रणनीति क्या होगी अब, क्योंकि दिक्कत यह भी है कर्नाटक बुलडोजर्स के लिए कि प्रदीप संघर्ष कर रहे हैं और रनर बुला लिया गया है। प्रदीप इज जेन्युइनली इंजर्ड, जबकि इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान मैंने लोगों को देखा है कि बिना किसी मतलब के भी रनर्स लेके चल रहे हैं, कईयों को तो बाथरूम तक जाने के लिए भी रनर की जरूरत पड़ रही थी। और इस टूर्नामेंट में कितने मुकाबले आखिरी ओवर तक गए हैं, अब ये एक देखने वाली बात है जो दर्शाता है कितना कॉम्पिटिटिव रहा है अभी तक का ये संस्करण सीसीएल 4 का।
ध्रुव आए हैं प्रदीप के लिए रनर बनके, प्रदीप जो कि 65 रन पर खेल रहे हैं, 12 गेंदों में 23 रन। सुदीप के दिमाग में क्या चल रहा होगा इस वक्त, व्हाट इज माय स्पीच गोइंग टू बी। चिंता की रेखाएं बढ़ती हुई, that's exactly what we were discussing, that Pradeep will be under a lot of pressure. Suman Ranganathan devastated completely, apne haathon mein apna chehra chupate hue, not exactly what you wanted. It's so disappointing to see one of them disappointed. These are beautiful ladies, they are supporting their team, very passionate. And that's the end of a wonderful innings by Pradeep. 65 run, 50 gendon ka samna karke bold Vikrant, 171 for 5. Welcome back, ladies and gentlemen. Goa Nico Fix CCL powered by Parlay 2020 Cookies and Panasonic. Bangalore ke Chinnaswamy Stadium se ekdam live. Very crucial junction of the match. 11 gendon mein 23 run ki zarurat. Naye ballebaz Bhaskar. Aur dusra run. That was close. Aur naye ballebaz Bhaskar jo ki pichle 1.5 ghante se डगआउट में चिल मार रहे थे, उनको भी रनर की जरूरत। प्रदीप तो चलो भाई इनिंग्स की शुरुआत से आए थे, वो इंजर्ड थे, मतलब हो क्या रहा है ये प्रचलन अगर चलता रहा, शादी में मंडप में साथ फेरे लेने के लिए आदमी बैठा रहेगा, बोला भाई मेरी तरफ से फेरे ले आ यार। With a runner, confusion badhta hai sir, I think, and shot making ke andar bhi. All right, the situation is something. Suman very upset, and kafi expectation laga rakhi thi is match ke saath unhone. She's a very passionate supporter, and it's always good to see that. जी हाँ बिल्कुल, और अब चिंताएं बढ़ती हुई, इसमें कोई दो राय नहीं मंत्रा, और अब सबसे बड़ी चीज की अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कार्तिक के कंधों के ऊपर, पर ये ओवर अभी तक का विक्रांत का काफी बढ़िया। सबसे बड़ी चीज की पहली गेंद पे इस ओवर में विकेट मिली, डॉट डिलीवरी थी इधर अक्रॉस द लाइन, टाइमिंग कोई बहुत बढ़िया नहीं। डायरेक्ट थ्रो, दैट्स इट, कर्नाटका बुलडोजर्स गोइंग डाउन, गोइंग डाउन चेन्नई राइनोज। वेल इफ यू कैन होल्ड योर हॉर्सेस under pressure you will succeed, and that's exactly what's happening. A kai ka decision bhai, yahan se baithe baithe dikh raha hai. What a wonderful throw yaar, par ye jo angle hai sabse tough hota hai cricket mein, jab aap ek stump ko dekh rahe ho, aur kya yahan pe aap nishana lagaya, aisa laga ki bachpan mein kacche zarur khele hai, aur seedha jo gilli hai wo aap nikalti hui stump ke upar se. And I think the decision is going to be out. Bhaskar, jin ke liye, that's it. That's the end of it. I think Karnataka Bulldozers are going down from here, but anything is possible. This is cricket. Ho sakta hai ki koi ballebaz aakar achanak se apna pace change kare. Karthik got out for 16.
Karnataka Bulldozers 173 for 6. तो अभी भी आप क्या ना होगा, मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई कर्नाटका बुलडोजर्स की, पर दो अगर बड़े स्ट्रोक्स आ जाए स्थिति में भी, तब भी आप ये मुकाबला कुछ भी आप रूप ले सकता है, कहीं भी जा सकता है। 173 पे 6, आप देखिए यहाँ पे अब प्रतिक्रिया सभी की, या कितने टेंस, कितने चिंतित, खासकर जो डगआउट है कर्नाटका बुलडोजर्स का। 21 रन चाहिए 8 गेंदों में, रिक्वायर्ड रेट 15 से ऊपर। पर सबसे बड़ी चीज है कि आप भास्कर जो कि स्ट्राइक पे है वो क्या करते हैं, महेश अभी भी क्रीज पे आए हैं, अभी अपना खाता खोला नहीं। महेश नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे है कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए। ग्रेट मैन वो भी थोड़ी चिंतित नजर आते हुए, इस बार बढ़िया गेंद, बहुत ही बेहतरीन ओवर रहा है मंत्रा ये वाला विक्रांत द्वारा, बिल्कुल भी नफतुली गेंदबाजी की है, रन नहीं दिए ज्यादा। INS विक्रांत इज व्हाट वी विल कॉल हिम, व्हाट अ वंडरफुल ओवर, मतलब ये अंडर प्रेशर गेंदबाजी थी, किसी ना किसी को प्रेशर में टूटना था, बल्लेबाज होता या गेंदबाज। वेल I am so happy the bowler is winning. मैं टीम को सपोर्ट नहीं करता, मैं गेंदबाजों को सपोर्ट करता हूँ। What a wonderful delivery! That's exactly what they wanted at the end of the 19th over. 174 for 6. 6 गेंदों में 20 रन की जरूरत। तो अभी तक ये कहानी रही है इस मुकाबले की, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला। चेन्नई राइनोज 193 रन 6 विकेट नुकसान पे अपने 20 ओवर में, कर्नाटका भी 174 रन 6 विकेट नुकसान पे 19 ओवर में, और मात्र एक ओवर शेष अब जहां तक इस मुकाबले की बात की जाए, और कर्नाटका को 20 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। अब ये आखिरी ओवर कौन डालेगा, ये एक का बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि विक्रांत ने बहुत ही बढ़िया 19 ओवर डाला जिसमें एक सफलता भी उनके हाथ लगी, और अब आखिरी ओवर डालने के लिए शांतनु को बुलाया कप्तान ने। शांतनु की बात करें, 3 ओवर 27 रन, कोई भी सफलता उनके हाथ लगी नहीं। पार्ले 2020 कुकीज एंड से आते हुए शांतनु, दबाव उनके ऊपर जरूर होगा, भास्कर स्ट्राइक पे। एक जो समस्या है कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए कि अब दोनों ही नए बल्लेबाज क्रीज पे है, स्ट्राइक पे भास्कर, और यहां पे चूके, बढ़िया लाइन कट करने का प्रयास किया था। यहां पे अब जरूर मिलाप करना होगा, गेंद और बल्ले के बीच में रहना था, मुश्किलें बढ़ेंगी, लाइन अच्छी थी बिल्कुल, लाइन के काफी अंदर ये गेंद, यही कारण डॉट डिलीवरी, जैसे मैं कह रहा था कि डॉट डिलीवरी इस समय सोने के माफिक। इस बार उठा के खेलने का प्रयास, टाइमिंग कोई बहुत बढ़िया नहीं, और मात्र एक ही रन मिलेगा। अब यहां से लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई, 4 गेंदे और 19 रन दरकार है कुछ बड़े शॉट्स खेलने की। ये कह रहे हैं चेन्नई रहने उसके अब जो समर्थक है जो डगआउट में है कि ज्यादा कुछ मत करो, बस यहीं पे गेंदबाजी करते रहो। महेश ने अभी तक कोई भी गेंद का सामना किया नहीं, अभी भी क्रीज पे आए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं पूरी फील्ड सेटिंग का, फाइन लेग का फील्डर, थर्ड मैन का फील्डर, दोनों ही सर्कल के अंदर। तो शांतनु को यह सोच विचार करना होगा कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी है, थोड़ा सा रूम देंगे तो फिर उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। उठा के खेलने का प्रयास, फिर से टाइमिंग कोई बहुत बढ़िया नहीं,
अब इससे कोई ज्यादा होने वाला नहीं। सिंगल डबल नहीं चाहिए इस वक्त, बाउंड्रीज चाहिए अगर कर्नाटका बुलडोजर्स को आना है। और अब यहां से तीनों ही गेंदों में छक्के लगाने होंगे। अब ये जो कारनामा है बहुत ही मुश्किल, ये कारनामा करना आसान नहीं। और वही जानते हैं जितने भी समर्थक हैं, जो अब सपोर्टर्स हैं, देखिए झंडे अब चेन्नई राइनोज के बाहर निकलते हुए, जानते हैं उनकी टीम ज्यादा मजबूत स्थिति में। 18 रन अब तीन गेंदों में, साफ प्रतीत हो रहा है कि अब सारे क्या फील कर रहे हैं कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए। इस बार फिर से खेला, गैप में खेला, 4 रन मिलेंगे। पर यहां से अगर दो लीगल डिलीवरीज है और सही तरह से डालते हैं, वाइड और रो बॉल नहीं होती, तो ये मुकाबला चेन्नई राइनोज के पक्ष में। ये बढ़िया शॉट थी, हालांकि अब खेला कदमों का इस्तेमाल किया, आगे आए थे और तेज गति से गेंद अब सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। तो नामुमकिन जरूर है, दो गेंदे 14 रन, अगर दो छक्के भी लगाते हैं तभी ये मुकाबला जीत नहीं पाएंगे। पर ये ध्यान रखना होगा शांतनु को कि कोई भी एक्स्ट्रा कंसीड ना करे, नो बॉल ना करे और वाइड ना करे। इस बार फिर से उठा के खेला है और ये बढ़िया शॉट, ये बहुत ही बढ़िया शॉट, 6 रन मिलते हुए अब तीसरा छक्का इस पारी का। आखिरी गेंद पे 8 रन चाहिए, पर शांतनु को क्या करना है, खाली गेंद को आगे करना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये क्या गजब का शॉट था, पूरी तरह से गेंद बल्ले के बीचों बीच आती हुई, और खासकर प्रेशर में शॉट खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं। आखिरी गेंद अब इस मुकाबले की, चेन्नई राइनोज को जीतना है तो वाइड और नो बॉल पे ध्यान देना होगा, वो बहुत अहम रहेगा। और वही कह रहे हैं नो बॉल मत करिए, वाइड मत करिए। और यहां पे मुश्किल, यहां पे नो बॉल, जिस चीज का हम जिक्र कर रहे थे एक्स्ट्रा तो बड़े ही बड़े, पर नो बॉल होती हुई। सॉरी अंदर में गिरते पड़ते हंसते हंसते वापस आ गया कमेंट्री बॉक्स के अंदर, केवल ये देखने के लिए कि ये हो क्या रहा है। आई मीन दिस इज अमेजिंग। और ये मुकाबला खत्म नहीं हुआ, ऐसा लग रहा था पक्ष में है राइनोस के, पर मैं बार बार कह रहा हूँ एक्स्ट्रा मत दीजिए, आप जीत गए। और ये समर्थक भी कह रहे थे, पर उन्होंने क्या किया, नो बॉल। तो यानी अगर इस बॉल पे छक्का मार दिया जाए तो मैच ड्रॉ, टाई। लेट्स क्रिएट मैजिक हियर माय डियर फ्रेंड्स। 7 रन जीतने के लिए, 6 रन टाई के लिए, एंड दैट्स इट, एंड दैट्स इट। दिस इज मैजिक माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज मैजिक। Only at CCL, only at the Celebrity Cricket League can you see something like this. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru se. Oh my God! Bhaskar, Bhaskar, you have just created magic, my friend. बिल्कुल गजब का शॉट, कभी भी आसान रहता नहीं। और जिस प्रकार से उस शॉट का निष्पादन किया, जो एलिवेशन प्राप्त की, गजब की बल्लेबाजी कह रहा होगा भास्कर द्वारा। यह मुकाबला टाई तो जरूर हुआ है, पर अभी भी जो तमाम दर्शक है उनको समझ नहीं आ रही है क्या हुआ। और भास्कर ने वो कारनामा कर दिया है जो कोई सोच भी नहीं सकता। ये मुकाबला बिल्कुल टाई पे समाप्त हुआ है, बराबर के स्कोर दोनों ही टीमों के, राइनोज और बुलडोजर्स के 193 6 विकेट नुकसान पे, और वो भी 193 6 विकेट नुकसान पे। दोनों ही टीमों ने बराबर रन बनाए, बराबर विकेटें खोई, और ये देखने को बहुत कम मिलता है। नहीं तो किसी ना किसी टीम की एक आध विकेट कोई फालतू गिरी होती है, पर यहां पे बराबर रन
और बराबर विकेट है। कमाल की क्रिकेट, कमाल की क्रिकेट। और ये देखिए जिस शॉट की हम बात कर रहे थे, क्या बढ़िया शॉट, कभी भी आसान नहीं। खिलाड़ी टीम पे तैनात था पर गेंद उनके ऊपर से जाती हुई, और ये देखने को बहुत कम मिलता है। भास्कर ने कमाल कर दिया और देखिए उनकी प्रतिक्रिया, वो जानते हैं ये मुकाबला टाई में समाप्त हुआ है। और देखिए किस प्रकार सेलिब्रेट करते हुए कहते हैं, आप जानते थे मैं कर दिखाऊंगा, और शायद वो जो शांतनु की नो बॉल है उसने ये कर दिया। कितने उत्तेजित नजर आते हुए, निराश हताश चेन्नई राइनोस की टीम। हालांकि मुकाबला टाई में समाप्त हुआ है पर वो जानते हैं यहां पे जीत उनको मिल सकती थी, जीत उनकी मुट्ठी में थी। पर भास्कर की जो बल्लेबाजी है, जो 20 रन बनाए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए विशाल, विशाल नीचे बिल्कुल सोच नहीं पा रहे क्या हुआ है, बिलीव नहीं कर पा रहे ये कैसे हुआ है। पर यही क्रिकेट का खेल है, अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घट सकता है। और एक गेंद ने पूरा जो मुकाबले का रुख है वो बदल दिया। और वो जो गेंद की मैं बात कर रहा हूं वो थी वो जो नो बॉल थी, क्योंकि वो नो बॉल नहीं होती छक्का भी लग जाता फर्क नहीं पड़ना था, एक रन से राइनोज ये मुकाबला जीत लेती। पर कहीं ना कहीं वो जो नो बॉल शांतनु ने की, पूरा ये मुकाबला बदल गया। कमाल के क्रिकेट पर देखने को मिली है, हाई स्कोरिंग मैच, दोनों ही टीमें जानती हैं बहुत अच्छी क्रिकेट ने खेली है। और खासकर मुझे लगता है कर्नाटका बुलडोजर्स की दाद देनी होगी, जिस प्रकार ये रन चेज की है। प्रदीप ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, ध्रुव ने अच्छा साथ दिया शुरू में, राहुल ने अपना योगदान दिया, पर अंत में जो शॉट लगाई भास्कर ने, शायद वही कारण है जो परिणाम आया इस मुकाबले का, जो टाई में समाप्त हुआ है। दोनों ही टीमों के बराबर स्कोर, बराबर ही विकेटें गिरी है 20 ओवर के बाद। पहला भी आज मुकाबला देखने को मिला काफी हाई स्कोरिंग रहा, और किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार ये कांटे की टक्कर रहेगी। अब जहां तक इस मुकाबले की बात है, खासकर जब चेन्नई राइनोज ने एक बड़ा स्कोर बना लिया था, दोनों ही मजबूती में जरूर थी। देखिए आखिरी गेंद पे क्या गजब की शॉट लगाई, कितनी ताकत झोंक दी, और जैसे ही वो गेंद निकली बल्ले के ऊपर से तो ऐसा लगा उस पे 6 रनों की छाप है। और देखिए प्रतिक्रिया वहां पे, यकीन नहीं कर पा रहे क्या हुआ, ये किस प्रकार घटा और किस प्रकार ये मुकाबला टाई में समाप्त हुआ। 19 ओवर बहुत बढ़िया डाला था, कुल मिला के 4 ओवर 19 रन, 2 सफलताएं 19 जीत की, एक एक विकेट मिली विष्णु और विशाल को। पर शांतनु का जो आखिरी ओवर है वो निर्णायक साबित हुआ, 4 ओवर 46 रन और कोई भी सफलता उनके हाथ लगी नहीं। तो क्या गजब का मुकाबला देखने को मिला, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट देखने को मिली। दोनों ही चैंपियंस रह चुके हैं और ये कहानी रही इस मुकाबले की। चेन्नई राइनोज 193 रन 6 विकेट नुकसान पे 20 ओवर में, 52 रन बनाए विक्रांत ने, और कर्नाटका के भी वही स्कोर 193 6 विकेट नुकसान पे, और मुकाबला टाई में समाप्त होता हुआ। एक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं प्रेजेंटेशन के लिए।